ओके सो वेल हेलो तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू स्ट्रीम जो हमारी होने वाली है टिप्रा एक्स बोरोक्स ई स्पोर्ट्स के। हमारे मिनी टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन एंड मिनी टूर्नामेंट के हमारे यहाँ पर रहने वाले फाइनल मैचेस, फोर मैचेस विल बी द बैक टू बैक, अपना 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और फिर 11 बजे। इसका मतलब बैक टू बैक यहाँ पर 4 मैच रहने। पहले मैच की अगर मैं बात करूँ रैंगल का, यहाँ पर मैच रहने वाला पूरी तरह से हो चुका स्टार्ट। एंड अगर बात करें हमारे फाइनल मैच की तो वो बगड़ा कप के हमारे यहाँ पर फाइनल मैचेस यहाँ पर रहने। फाइनल मैचेस में मतलब अपना लास्ट खेल रहने वाला हमारे इस 1K के टूर्नामेंट के। एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो जो टीम अपनी फर्स्ट पे रहेगी, यानी जिसके अंदर अपने जो पोजीशनिंग यहाँ पर रहनी है, पोजीशनिंग और पॉइंट दोनों को मिला के अपने पॉइंट सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। और उस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जो फर्स्ट पे आएगा उसको मिलेगा 350 रुपीज़ का कैश। सेकंड पे जो आएगा उसको मिलेगा 250 रुपीज़। थर्ड पे आएगा उसे मिलेंगे 150 रुपीज़ कैश। फोर्थ पे जो टीम आएगी उसे आएगी 100 रुपीज़। फिफ्थ पे जाएगी 50। सिक्स पे जो आएगी उसे भी 50। एंड सेवन पे जो आएगी उसे भी 50 मिलेगी। एंड जो टॉप 7 टीम रहने वाली उनको कैश प्राइजेस के साथ साथ उनके पर्टिकुलर अपने सर्टिफिकेट्स भी रहने वाले। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट्स भी आपको इस टूर्नामेंट के मिलेंगे। बाकी गाइस बात करूँ हमारे इस पहले मैच का, पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। 70 प्लेयर्स एक्जैक्टली अपने साथ जुड़ चुके हैं। 18 टीम जहाँ पर देखने मिलेगी। फटाक से प्लान पाथ की अपने बात करें तो प्लेन पाथ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ लिपोफ का तरफ से चालू होता है, फार्म की तरफ से निकलता है, वेस्ट मिलिट्री बेस पर जाकर एंड होगा। लेट सी देखने को फिलहाल के लिए कि टीम्स कहाँ पर ड्रॉप लोकेशन लेने जाएंगे। बाकी अगर मैं टीम्स की बात करूँ फिलहाल तो टीएम की टीम हमारे साथ आ चुकी है, INX देखने मिलेगी, ARN आ चुकी है, BE की टीम देखने मिलेगी, UI टीम, RIP टीम, TES, YouTube के प्लेयर हमारे साथ आ चुके हैं, टीम AQ देखने को मिलेगी, AQ4 के प्लेयर आना चाहेंगे, TBS के प्लेयर एक्जैक्टली देखने मिलेगी, TNC टीम, यंग गॉड के प्लेयर अपने साथ आ चुके हैं, साइड बाई के प्लेयर आ चुके हैं, तो TS के प्लेयर देखने को मिलेंगे, VOH के प्लेयर देखने को मिलेंगे, फ्यूरी के प्लेयर जुड़ चुके हैं एंड FLS की टीम कैसे बोल सकते हैं, तो FLS की टीम भी अपने साथ आते देखने को मिलेगी। बाकी देखने जाऊँगा कौन सी टीम यहाँ पर कैसी स्ट्रैटेजी के साथ आते देखने मिलेगी, कौन सा प्लेयर यहाँ पर कैसा खेलेगा, कौन सी गेम में कौन सा प्लेयर यहाँ पर कैसा खेलेगा, फिर कौन सी टीम चिकन डिनर की तरफ फोकस करेगी, वो यहाँ पर मैं फिलहाल देख लूँगा। बाकी अगर मैं बात करूँ टीम्स की, टीम जहाँ पर ड्रॉप लोकेशन स्टार्ट कर दी, TNC की जो हमारी टीम है कामेश की तरफ जाना चाहिए, लिपोफ के ऊपर जाते देखने मिलेंगे, INX का यहाँ पर राज होगा बिकॉज इनके अलावा कोई भी जाएगा नहीं है अभी तक ले। बाकी TES के पेयर की बात करते तो मिल्टा पावर पर राज करते हो देखने मिलेंगे, मिल्टा अभी तक के लिए खाली एक्जैक्टली। बाकी बात करूँ यासना पुलियाना की तो यासना पुलियाना को मुझे जाते देखने मिलेंगे, AG के पेयर एज यूजुअली अपने गुरु CRPF के भाई की स्क्वाड जाएगी, अगेंस्ट में अपने थानोस का अपनी फाइट होना चाहिए एज यूजुअली, अपने अर्ली रोटेशन पर यहाँ पर अर्ली फाइट की संभावना बनते हुए देखने मिलेगी। NBD के प्लेस की बात करूँ तो स्प्लिट में रूट करना चाहेंगे स्कूल के साइड वाले कंपाउंड पे, HEX प्लेयर भी आप स्प्लिट में देखने को मिल रहे हैं और आसपास तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्क्वाड आ चुकी है, MXS की स्क्वाड आ चुकी है, AQ4 के प्लेयर देखने मिलेंगे, फ्यूरी के प्लेयर आ चुके हैं, मतलब रोजो के छोटे मोटे कंपाउंड पे लूट करना चाहेंगे, ब्रूटल के प्लेयर यहाँ पर स्प्लिट में देखने को मिल सकते हैं हमें स्कूल की तरफ को, आप बाकी प्लेयर जान जाएंगे। बाकी FLS के प्लेयर की फाइट होगी, UI के अगेंस्ट में यहाँ पर अभी तक ग्लाइड कर तो देखने मिल रहे, तो वाटर सिटी की तरफ को मोस्टली जितना जान जाएंगे मुझे लग रहा है। UI के प्लेयर की बात करूँ तो अपने कोचिंग के ऊपर देखने मिलेंगे, TS का राज होगा, फार्म के ऊपर आराम से लूट करना चाहेंगे, और बात करूँ VOH के प्लेयर्स की तो ब्रिज के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और ब्रिज के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो फेरी पेयर पे मुझे ARNG की स्क्वाड देखने को मिल सकती है जो स्प्लिट में लूट करना चाहेगी। प्रीमोस का राज कर लिया हमारे AG जाट भाई के पूरी की पूरी टीम ने, बाकी नोवर प्रनॉय अभी तक के लिए मेरे को खाली देखने मिला एंड सोच नोवका मिलिट्री बेस की अगर मैं बात करूँ तो TBS के प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली टीम नंबर 3 ने यहाँ पर ऑलरेडी रोटेशन एंड ऑल भी जानना स्टार्ट कर दिया एज यूजुअली, कहाँ से रोटेशन डालेगा तो यासना पुलियाना के आसपास से यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा ले, गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा के जाना चाहेंगे अपने मोस्ट प्रॉब्ली जॉर्जो बुल की तरफ मुझे लगता है, जाते देखने मिलेगी, थ्रोबल का इस्तेमाल करना, थ्रोबल के एरोगन्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, फाइट यहाँ पर हो चुके, प्लेयर को यहाँ पर डाउन कर देगा, किल सिक्योर कर ले जाएगा। बात करूँ हमारे सुकुमा भाई की, सुकुमा भाई को भी यहाँ पर डाउन कर देगा, काफी तक गलत हो जाएगी सिचुएशन, सुकुना भाई की एक्जैक्टली सुकुमा नहीं गए, सुकुमा भाई यहाँ पर देखने मिलेंगे, सुकुना भाई को यहाँ पर डाउन कर देगा, हमारे माई बीबो यहाँ पर आएंगे, क्लोज इन करेंगे, 2 किल अपने खाते में डालेंगे बिकॉज ब्रूटल ने यहाँ पर एक ऑलरेडी किल खाते में डाल लिया, M6 चैलेंज चलाना ट्राई कर दिया हमने, स्टार्ट कर दिया अपने वैर भाई ने, वैर भाई यहाँ पर शॉट देने का ट्राई करते हैं हमने गिजोर द कैरेट पे, गिजोर द कैरेट की यहाँ पर जो सिचुएशन हो चुकी है थोड़ी सी गलत होते हैं उनको मिलेगी, जिस तरह आपको उतरने का टारगेट पर हो जाएगा गलत सिचुएशन, लेकिन गिजोर द कैरेट की यहाँ पर पैर की पिस्टल चलेगी, प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा, लेकिन जिस प्लेयर को आपने स्पॉट किया वो प्लेयर इस टाइम पे AFK देखने को मिलता था, इसका मतलब एक ईजी पीजी तरीके से एलिमिनेशन आता देखने मिलेगा फ्यूरी के प्लेयर की तरफ से, फ्यूरी के प्लेयर मुझे ऑलरेडी यहाँ पर 1 मिनट डाउन होते देखने मिलते, लेकिन उसके साथ साथ हमारे एक और प्लेयर के यहाँ पर गवाह बैठेंगे, हॉकाई भाई को यहाँ पर शॉक्स हो भी बैठे थे, अपनी पोजीशन रिवील नहीं थी, एक अच्छा कवर फायर दे सकते लेकिन कवर फायर नहीं देखा, थोड़ा सा लूटपुट करना चाहेंगे, स्काउट करते हुए देखने मिलेगा। बाकी टीममेट की बात करूँ इनके टीममेट की तो पीछे देखने मिलेंगे हमारे सैम एफ टी डब्ल्यू यहाँ पर अभी देखिए अपनी पोजीशन रिवील नहीं करे, अगेंस्ट में आ जाएंगे हमारे पूरे पूरे एक पेयर यूट्यूब के हैनकॉक भाई यहाँ पर आराम से लूट रहे, शायद हैनकॉक को भनक तक नहीं है कि इनके साइड वाले घर में एक ऑलरेडी प्लेयर देखने को मिला है, हैनकॉक को अगर पता लगा तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए बिकॉज
हीलिंग के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है, हेलमेट वैसे आपको कुछ भी अभी तक के लिए नहीं मिला, एक शॉटगन आप लेके बैठे हो, सामने पे एक क्लोजिंग करोगे तो यूएमपी के अगेंस्ट में यहाँ पर वन विन हुआ जा सकता है। एक्जैक्टली हैंड को यहाँ पर जान जाएंगे, सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर बन तो देंगे मुझसे, थोड़ा सा मैं पीयूपी में बात नहीं कर सकूंगा। यूएमपी यहाँ पर चलेगी, डाउन यहाँ पर कर देगा और ऑन स्पॉट सिक्योर कर देगा। लास्ट मंथ स्टार्टिंग गेज और द कैरम क्यों चुकी गलत सिचुएशन, बिकॉज लास्ट मंथ स्टार्टिंग अपनी टीम से पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हेड के ऊपर आते हुए देखने को मिलती है, बिकॉज पूरी टीम आपकी इस मैच के अंदर से काफी अर्ली एलिमिनेशन यहाँ पर ले चुकी है लास्ट मंथ स्टार्टिंग के। लेट्स सी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितनी देर तक बरकरार रखना चाहोगे एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो। और बाकी अगर बात करें तो एक किल आपने जाते जाते कैसे तैसे करके आपने अपने खाते में डाल लिया, तो इस एक किल का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहने वाला है, बिकॉज अगर एक किल आपने खाते में डाल लिया है तो एक पॉइंट आपके पॉइंट सेवन में ऑलरेडी ऐड हो गया, लेकिन आप लास्ट में स्टैंड हो गए। लड़की देखने को फिलहाल के लिए पीछे अगर फ्यूरी के प्लेस की बात करें तो फ्यूरी के अपने शॉक सोपी भैया तो बिना पोजीशन दिए आराम से स्नैक बन के बैठे हुए हैं। टीम नंबर थ्री की अगर मैं बात कर ले तो टीम नंबर थ्री के प्लेस मुझे यहाँ पर रोटेशन मार के आ चुके अपने गटका के आसपास लूट कर तो देखने में लगे। अल्फा भाई यहाँ पर एक एम और में कॉम्बिनेशन मिल चुका है। टीम नंबर फोर की अगर मैं बात करूँ आईएनएक्स के प्लेयर, तो आईएनएक्स के प्लेयर मुझे मोस्ट पहली लोकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो ओके, तो यहाँ पर लिपोफका के आसपास की मुझे लोकेशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब टीम नंबर फोर जो है अपनी लिपोफका पे आ चुकी है। एआरएनजी के प्लेस की बात कर ले, टीम नंबर फाइव के अंदर देखने को मिलेगी एआरएनजी के प्लेस, यहाँ पर थोड़ी सी फाइट की संभावना बन सकती है एम4 ओपीएमजी के गेम में, लेकिन एम4 ओपीएमजी को अभी तक के लिए कुछ पता है नहीं, पता है बना क्या है या नहीं है वो देखने वाली यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात रहेगी, बिकॉज ओपीएमजी ओके, तो ओपीएमजी को यहाँ पर थोड़ी सी बना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी पड़ चुकी है। भाई गाइस वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, जो भी स्ट्रीम पर अभी तक आ चुका है सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। जिसने लाइक बटन नहीं दबाया तो गाइस फटाक से लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो अभी तक सब्सक्राइब बटन दबा देना। एंड बाकी बात करूँ हमारे मैचेस की तो अभी तो यहाँ पर पहला ही मैच चालू हुआ, अभी तो बूमा में रहना बाकी है। पूरी टीम चार मैचेस में पता लगेगा कौन सी टीम कैसे खेलेगी, कौन सी टीम चिकन निकालेगी, कौन सा कैसे खेलेगी और कौन सी खासकर बात करना चाहूँगा तो अर्ली एलिमिनेट हो तो देखने मिलेगी। अर्ली एलिमिनेशन हमारे गुजोर भाई की टीम का हो सकता था, लेकिन गुजोर भाई ने यहाँ पर अभी तक के लिए सर्वाइवल गेम प्ले दिखाया और अभी तक के लिए सर्वाइव करे अपनी टीम की तरफ से ओके। तो बाकी जैसे मैं बात करता हूँ टीम नंबर सिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे बोरो की स्पोर्ट्स के यहाँ पर ऑफिशियल प्लेयर्स है, शेल्टर के आसपास देखने वाले। एज यूजुअली अपने ड्रॉप लोकेशन पे उतरा हर बार की तरह शेल्टर के आसपास को। सेवन पे बात करते हैं अपने यूआई की टीम अपनी पोचिंग के ऊपर रास करते देखेंगे कि वार्ड के प्लेस की बात कर लेते हैं। एज यूजुअली अपने ड्रॉप लोकेशन यासना है पोलियाने पर हर बार की तरह उतरते हैं और गाड़ी वाड़ी लेके इस बार के लिए रोटेशन डालते हैं तो मैकलेरन यहाँ पर मिल जाएगी। गाड़ियों का अभी तक फिलहाल के लिए मेरे को जितना लग रहा है बस जुगाड़ किया जा रहा है। टीम नंबर नाइन के प्लेस की बात कर लूँ, टीम नंबर नाइन के प्लेस हमारे G9S यहाँ पर देखने में लगे। G9S के प्लेस यहाँ पर आराम से लूट करने का ट्राई करें। गजोर भाई का तो हमें पता ही था रिजॉक पर देखने मिलते हैं। AG के प्लेस की अगर बात करें तो AG के प्लेस मुझे प्रमोट्स की तरफ देखने को मिलेंगे। बाकी ब्रूटेल के प्लेस की बात कर लेते हैं तो ओके, तो स्कूल के आसपास देखने मिलते हैं। 2v2 के स्प्लिट में यहाँ पर खेल रहे हैं अपार्टमेंट के ऊपर एंड स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर। TBS के प्लेस की अगर मैं बात कर लूँ तो TBS के प्लेस मुझे मिलिट्री बेस के ऊपर रास करते हुए देखने को मिलेंगे। और TNC के प्लेस की अगर थोड़ा सा देख लेते हैं तो TNC के प्लेस का यहाँ पर जो लूटपाट का तरीका है वो तरीका थोड़ा सा हटके देखने को मिलेगा, बिकॉज सेंटर वगैरह ऑक्यूपाइड नहीं किया यहाँ पर फिलहाल के लिए। SQH खेलते साबित होंगे एक्जैक्टली। SQH की अगर मैं बात कर लूँ तो कामेश्की के आसपास लूट रहे हैं हमारे लॉन्डे आराम से बिना किसी दिक्कत के। अगर रोहन भाई के प्लेस की बात करें तो रोहन भाई के प्लेस ओ माय गॉड, रोहन भाई तो आराम से मस्त स्नेक बन के बैठे हैं। रोहन भाई को कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, बिकॉज टीम नंबर 15 के साथ यहाँ पर उतरे। टीम नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ तो यासना पोलियाना पे यहाँ पर उतरते देखने मिलेगी। रेंज के अंदर मुझे एक और टीम आ रही है गुरु CRPF की। एज यूजुअली अपनी ड्रॉप लोकेशन पर अपने प्लेस यहाँ पर उतरना चाहेंगे, ड्रॉप लोकेशन पर अभी तक के लिए उतर चुके आराम से लूट करना चाहेंगे। और एक बाकी टीम्स की बात करूँ TSX गॉड के प्लेस की तो गॉड यहाँ पर रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिया अपने टीममेट्स के। बाकी पोहर भाई की बात करूँ पोहर भाई की टीममेट्स की तो ब्रिज के आसपास देखने को मिलेंगे। फ्यूरी के प्लेस की बात करूँ तो रोजॉक देखने मिलता है। FLS फायर के प्लेस की बात कर तो वाटर सिटी को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अगली लादेन मेरे भाई वेलकम स्ट्रीम बड़ी, कैसे हैं? प्राइस पूल क्या है, कैसे नॉर्मल स्क्रिम्स होगा ना? एग्जैक्टली ब्रो, प्राइस पूल जो अपना है इस टूर्नामेंट के फाइनल मैचेस चल रहे हैं 1K का टोटल प्राइस पूल है। प्राइस पूल का मैंने आपको ऑलरेडी एलिब्रेट कर दिया, मैं अगर आप चाहो तो दोबारा एलिब्रेट कर सकता हूं फॉर श्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरी जान। बिकॉज एक सेकंड गाइस, मेरा दूसरा डिवाइस जिसमें चार्ज चल रही है वो क्या हो गया इसे ओके। जो फर्स्ट हमारा रैंक रहने वाली है अकॉर्डिंग टू पॉइंट सिस्टम में अपना किल फीड एंड पोजीशनिंग पॉइंट दोनों को ऐड करके रहेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट आएगा उसको 350 रुपीज़ कैश प्राइस है, सेकंड पे आएगा 250 है, थर्ड पे आएगा 150 है, फोर्थ पे आएगा 100 है, फिफ्थ आएगा 6 पे आएगा, सेवन पे आएगा उसको 50 50 50 ईच टीम को। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो विद सर्टिफिकेट्स हमारे टॉप सेवन को मिलने वाले। एंड कल से नॉर्मल स्क्रिम्स होंगी फॉर श्योर मेरे भाई, कल से नॉर्मल स्क्रिम्स होंगी। बाकी आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। बाकी मिस्टर साइरस वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। टी डॉन ओपी को जरूर दिखाना चाहूँगा मैं जन। टी डॉन ओपी की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के लिए मुझे कहाँ पर देखने मिल सकते हो कि यूट्यूब के हैंकॉक पे यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा, एनएक्स से ट्रैक्स को यहाँ पर डाउन कर देगा, ट्रैक्स को ऑन एलिमिनेट भी कर देगा जेरिक्स की तरफ से। टी डॉन ओपी का स्लॉट नंबर क्या बड़ी बता देते तो ज़्यादा ईजी हो जाता अपने टी डॉन ओपी पर डायरेक्टली देखने के लिए। ओके तो टी डॉन ओपी
टीटन बूसो देखने को मिल रहे हैं। मैं जान टीटन बूसो की अगर बात करूँ, टीटन बूसो इस सेटिंग स्टार्टअप में 16 गुरु सीआरपीएफ की टीममेट की तरफ देखने को मिलेंगे। एक्जैक्टली यासना पोलियाने के ऊपर उतरे थे M416 और स्कारल का एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आगे साहिल देब्रोमा वेलकम शिम ब्रो की स्पोर्ट जीजी एक्जैक्टली जीजी इन द चैट गाइस। बफिल देब्रोमा वेलकम टू द सीम। फेरोनिक कॉपी फेरोनिक अगर मैं बात करूँ तो फेरोनिक भी अगर अपने टीम में आए तो मैं फॉर श्योर दिखाना चाहूँगा अपने फेरोनिक भाई को भी फिलहाल, बिकॉज फाइट की संभावना अभी तक के लिए बन नहीं रही है। फेरोनिक की बात करूँ तो अपने बोरोक्स की स्पोर्ट्स की टीम में की तरफ से देखने को मिलेगा। शेल्टर के आसपास देखने को मिलता है यूजुअली अपने ड्रॉप लोकेशन पर होते हैं। आराम से लूट पुट करके आ चुके हैं फार्म की तरफ को आ चुके हैं अपने लॉन्डे फेरोनिक भाई यहाँ पर लेके आ चुके हैं। एकेएम एंड M416 का पैरा सा कॉम्बिनेशन या रोग वाइटी के पास यहाँ पर स्कारल देखने को मिलेगी। एंड बात करूँ हमारी सरजवा सरिजावा की एक्जैक्टली एकेएम और M416 देखने को मिलेगा। अमेजिंग भाई यार ये बंदा जो है ना कसम से बता रहा हूँ ओपी गेम प्ले भाई इस बंदे का, मतलब अमेजिंग भाई ओपी इन द चार्ट। इनका जो गेम प्ले मैंने देखा है ना 3 दिन से मैं सेमीफाइनल्स एंड ऑल से जब से मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, बाकी अमेजिंग भाई का जो गेम प्ले था दैट वाज एन वंडरफुल गेम प्ले। यहाँ पर अमेजिंग भाई मुझे आता देखने मिल रहा है, बाकी आज यहाँ पर कैसा बुमा मचाते हैं वो मैं फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनके गेम प्ले देखने के लिए। जेम वेलकम टीम वन डे टीडोन गोना शाइन बिलीव इट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गेमिंग बडी फॉर श्योर एवरी वन हु विल ट्राई विल बी शाइन। हर कोई कोशिश कर रहा है एकदम बुमा मचा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन जीतेगा गेस कर यार, गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज जीतने की संभावना है किसी की टीम की भी रह सकती है, बिकॉज हर टीम अपनी नई एक स्ट्रैटेजी लेके आई है, नया एक गेम प्ले लेके आई है, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना मिल सकता है। सारश वेलकम शिमरो भाई टी डी को दिखा दे मिर्जान ऑलरेडी बार बार नहीं जाना चाहूँगा। बाकी जाट भाई वेलकम शिमरो टीम मेट आर आई पी नहीं मेरे भाई टीम मेट फिलहाल के तो सर्वाइव करी और एक एडवांटेज अपने खाते में डाल चुके हैं। अपने सारक्ष भैया एक किल अपने खाते में डाल चुके हैं। वॉर पॉट के साथ अपने नेक्लेर पर रोटेशन डाल तो देखने मेरे स्क्वाड ग्रुप के साथ आए थे हमारे जरेक्स भाई ने यहाँ पर जो सिक्योर किया था आए नेक्स्ट के प्लेयर का शायद जितना मेरे को लग रहा है एक किल सिक्योर किया था हमारे सारक्ष के प्लेयर ने। एक्जैक्टली एमएक्स राप्टर वेलकम शिम रोट इस टीम टेन डेड नहीं रो टीम डेड के अपने गजार गजो द कैरेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैरेट बाइक अगर मैं बात करूँ लास्ट में स्टार्टिंग का पूरी टीम डेड हो चुकी है अपनी ड्रॉप लोकेशन बोतर के रोजॉक के, जिसके कारण काफी गलत डिसएडवांटेजेस आपको मिल चुके हैं। आपका जो प्लेयर आ चुका है नॉर्थ रोजॉक के छोटे मोटे कंपाउंड में अभी तक के लिए लूट देखने को मिल रहा है। बग्गी वग्गी लेके आ चुके हैं गन्स की अगर मैं बात करूँ फिलहाल के लिए ओके, तो एकेएम और M416 का प्यारा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता देखने को मिल सकता है गाइस। अगी राजवीर गोहिल वेलकम टू द शिम ब्रो गजर द कैरेट ओके देखा एक्जैक्टली ब्रो गजर द कैरेट तो मैं दिखा ही रहा हूँ, गजर द कैरेट पे मैं दिखा रहा था। बाकी की ओ एक्स रेबल वाइटी वेलकम टू टीम नंबर 14 टीम नंबर 14 की अगर मैं बात कर लूँ टाइटैनिक के प्लेयर्स की, अपने टाइटैनिक के जो हमारे प्लेयर्स है गाड़ी वाड़ी के रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिया। एक्जैक्टली हमारे ड्रैगन बीटीसी अपने छोटे मोटे कंपाउंड जहाँ पर होल्ड करके बैठे थे नॉर्थ रोजॉक की तरफ को, बाकी यासना की तरफ को यहाँ पर रोटेशन डाल तो देखने को मिल रहा जितना मुझे लग रहा है अपने एक्जैक्टली यहाँ पर स्काउट करके धीरे धीरे करके क्लोजिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी पहला मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 11 मिनट हो चुके हैं पहले मैच को यहाँ पर स्टार्ट हुए, अभी भी कोई भी टीम एलिमेंट नहीं हुई है। 18 की 18 टीम अभी तक के लिए सर्वाइव करी है, बाकी प्लेयर्स यहाँ पर थोड़े बहुत एलिमेंट हो चुके हैं। एक्जैक्टली 3 से 4 पेयर एलिमेंट हो चुके हैं, फ्यूरी टीम की एक पेयर एलिमिनेट यहाँ पर हो चुका है, एक पेयर हमारा एलिमिनेट हमारे INX का हो चुका था और गजर द कैरेट के यहाँ पर 3 पेयर एलिमिनेट हो तो देखने मिलेगा। बाकी इसके अलावा किसी भी टीम को अभी तक के लिए किसी तरीके से डिसएडवांटेजेस नहीं मिलेगा इस। एक सेकेंड मेरा डिवाइस पता नहीं चार्ज क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया इसे दूसरे वाले को।
ओके सो गाइस वी आर बैक। अल्फा भाई की बात करूँ तो अल्फा भाई यहाँ पर अपने मैकलन से रोटेशन डालने का ट्राई कर रहे हैं, शायद एनएक्स के पर यहाँ पर थोड़ा सा फाइट वाइट लेने का ट्राई कर सकते हैं अगेंस्ट में अपने AQ4 के प्लेस से। AQ4 के प्लेस को भी देख ले, शायद बनक तक नहीं कि आपके अपार्टमेंट्स के नॉर्थ की तरफ को थोड़े से प्लेयर यहाँ पर आते देखो मिलेंगे। अगर स्पॉट किया गया हल्का सा पिक्सल भी तो मे बी नॉकआउट दिया जाएगा। नॉकआउट अगर करेंगे तो मे बी क्लोजिंग करने का ट्राई कर सकते हैं। क्लोजिंग अगर करेंगे तो बूमा में यहाँ पर होता देखने मिल सकता है, बिकॉज बूमा में देखिए फिलहाल के लिए कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ UI के प्लेस के ऊपर संतों को, रेड जोन आपके ऊपर बन चुका है फिलहाल के लिए, फाइट की संभावना है तो नहीं बनी, लेकिन INX के प्लेयर की यहाँ पर फाइट हो जाएगी। INX के प्लेयर की बात करूँ, INX के प्लेयर फटाक से चलने का, बिकॉज INX के प्लेयर यहाँ पर थ्रोबे का इस्तेमाल कर लेंगे। स्नैक्स भाई, स्नैक्स भाई ने यहाँ पर एक नेट अच्छा पिन कर लिया, शॉट देने का ट्राई करेंगे। नॉकआउट यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर को कर चुके हैं, नेट आपने किया था सक्सेसफुली, अभी तक के लिए कनेक्ट नहीं देगा। बाकी बात करूँ हमारे सैम FTW की, तो सैम FTW यहाँ पर होने का ट्राई करेंगे। लास्ट मंथ चार्डिंग अपनी टीम की तरफ से क्यूरी यहाँ पर ऑलरेडी वन में डाउन आए थे एक्जैक्टली, और एक प्लेयर को यहाँ पर नॉकआउट करा चुके हैं। लास्ट मंथ चार्डिंग थ्रोबे का पैर से इस्तेमाल किया जाएगा सैक्स की तरफ से, और आपको ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमिनेट कर देगा। That was a wonderful need अपने साक्ष भाई की तरफ से आता देखने वाला, तो आपको इस मैच के अंदर से ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देगा। मनी ग्राफिक्स वेलकम टू स्ट्रीम बड़ी, कैसे हैं आप? ऑल राइट बॉस मैन, गुड लक फॉर ऑल द टीम्स, एक्जैक्टली गुड लक टू ऑल द टीम्स, एकदम बूमा मचा दो लॉन्डो, एकदम मजा आ जाना चाहिए। बाकी बात करो अपने साक्ष भाई के, साक्ष भाई ने या तो मजा दिलाना स्टार्ट कर दिया, दो किल अपने खाते में डाल चुके हैं। नेट से प्यारा सा और गोल्डन नेट यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिला था। बाकी वॉरबोर्ड के प्लेस की बात करें तो वॉरबोर्ड के प्लेस यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, TES के प्लेस अपनी जगह पर होल्ड कर रहे हैं, मतलब सारी टीम्स अपना अपना कंपाउंड होल्ड कर बैठी है। अर्ली फाइट की संभावना किसी टीम पर नहीं बनी या फिर कोई भी टीम बनवाने का ट्राई नहीं करे, बिकॉज लास्ट में फाइट करना चाहेंगे, अपनी पोजीशन पॉइंट्स को गंवाने का ट्राई नहीं कर रहे कोई भी टीम्स अभी तक के लिए। एडिट्स भाई यहाँ पर स्कारल लेके बैठे हैं, स्कारल से बैक टू बैक यहाँ पर स्काउट करने का मौका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, सिंगल टैप देने का ट्राई कर रहे हैं। सिंगल टैप कहाँ पर दे रहे हो मैं एक बार देखना चाहूँगा। TES के एक्स गॉड के मुझे प्लेयर देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी आपको स्पॉट हुई देखिए, बिकॉज मेरे को ओके तो यहाँ पर एक बग्गी यहाँ पर स्पॉट हो गई थी, बग्गी पर यहाँ पर शॉट देने का ट्राई कर रहे हैं। बग्गी के आपके टायर एंड ऑल को यहाँ पर पंचर्स किया जा रहा, तो पोटू भैया एक्जैक्टली आपको अपनी गाड़ी सेफ कर लेते, नहीं तो आपको डिसएडवांटेज लास्ट में मिल सकता है। बाकी किमी के प्लेस की बात करूँ तो किमी के प्लेस यहाँ पर स्क्वाड है उसके ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच के बैठ चुके हैं, मतलब किसी भी प्लेयर की तरफ से किसी भी टीम की तरफ से अर्ली और इनिशियल फाइट की संभावना बनते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अर्ली और इनिशियल फाइट से हमारे कैरेट भाई की तरफ उसको देखने को मिली, तो कैरेट भाई के भी यहाँ पर टीम गवा बैठे, लेकिन लास्ट मैच चढ़ने का बग्गी बग्गी यहाँ पर पलट जाएगी, होल्ड कर लेंगे। सेकंड जोन यहाँ पर श्रृंखला होना हो चुका है, 310 मीटर आपको भी देख ले सेकंड जोन के अंदर जाना है। ब्रूटल ग्रीपेस की बात करें तो ब्रूटल ग्रीपेस यहाँ पर मुझे देखने को मिले थे बैक टू बैक यहाँ पर अपना अपार्टमेंट्स के आसपास, तो वही गाड़ी वाड़ी आपने निकाल ली, गाड़ी से आप रोटेशन डाल रहे हो शायद अपने वही वो भाई को अभी तक लिए पता नहीं कि यहाँ पर फाइट की संभावना बन सकती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पोजीशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि तो क्रॉस शॉट्स यहाँ पर देना स्टार्ट कर देगा। स्कल भाई को यहाँ पर डैमेज मिलेगा, अगेंस्ट में अपने ब्रूटल भाई को काफी अच्छा डैमेज दे देंगे M416 के अगेंस्ट में। M416 यहाँ पर काफी अच्छा डैमेज देते हुए मतलब दोनों प्लेयर इस टाइम के लिए फिलहाल के लिए हील करते हुए देखने को मिल सकते हैं। रेड जोन आपके ऊपर बन चुका है, टीम नंबर 3 के हेड के ऊपर मुझे रेड जोन आता देखो मिल सकता है। रेड जोन की यहाँ पर संभावना काफी गलत बन सकती है, बिकॉज अगर गलती से भी एक रेड जोन आपके ऊपर गिर गया तो मे भी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे, जिसके कारण आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं टीम नंबर 12 के बेस। बाकी TNC के लिए इसकी मैं बात कर लूँगा तो TNC के बेस ओके तो अपार्टमेंट्स के साइड वाले छोटे मोटे कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। टीम नंबर 16 को दिखाओ, टीम नंबर 16 में अपने TD भूसा भाई बैठे गए। मैं एक टीम पर बार बार बैक टू बैक फोकस नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज फिलहाल के लिए जब तक फाइट नहीं होगी, मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ अपने टी डॉन बूसो भाई की टीम को, इसके बाद मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी टीम नंबर 16 यहाँ पर रोटेशन डालते हुए देखने को मिल रही है। सानू डेब्रोमा वेलकम, शिव मसाले मेरे साथ वन वन करोगे? सानू डेब्रोमा अगर आपको प्रूव ही करना था तो अपने आपको टूर्नामेंट में प्रूव करते यार, मेरी जान मजा आता है यार। 1v1 में तो यार क्या ही मजा आएगा ब्रो, टूर्नामेंट में प्रूव करते तो मजा आया था, फिर देखते क्या स्ट्रेटजीज आपकी रहती है, आपकी टीम कैसा खेलती है और कैसा गेम प्ले आपका या आपके टीममेट्स का। एंड प्लीज माइंड योर लैंग्वेज तो ज्यादा बेटर होगा बट फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो, है ना ब्रो? वोल्वर वेलकम चिमरो, कैसे हम? टीम मतंग कौन सा स्लॉट नंबर में? एक बार स्लॉट नंबर देखना चाहूँगा फॉर श्योर, टी मतंग अपना स्लॉट नंबर 11 देखने को मिलेगा। स्लॉट नंबर 11 की अगर मैं बात कर लूँ, स्लॉट 11 यहाँ पर ऑलरेडी 3 मैन आ चुके, मतलब 1 मैन अपने डाउन है। किमी भाई यहाँ पर देखने को मिलेंगे AGZ के साथ और हमारे FMG के ड्राविड के साथ यहाँ पर रोटेशन एंड ऑल डालना स्टार्ट कर दिया। एक्जैक्टली अपने फार्म की लोकेशन बोल रहे थे, अभी देखिए फाइट की संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर चेजिंग एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगी अपने 4 बाई तरफ से। 4 बाई चेजिंग तो करेंगे लेकिन फाइट नहीं लेंगे, बिकॉज सोलो मैन स्टैंडिंग यहाँ पर अपने बग्गी में जा रहे, लेकिन जहाँ पर जाने का ट्राई करें 4 बाई वहाँ पर ऑलरेडी पूरी यहाँ पर टीम है। शॉट यहाँ पर दिए जाएंगे, डाउन यहाँ पर देगा सेट यूनिक की तरफ से। यूनिक भाई इसका मतलब अपने
प्लेस की फाइट हो चुकी है, गजोर के प्लेस की फाइट हुई है, यूनिक भाई कहाँ पर देखने को मिले थे मेरे को, ओके तो यहाँ पर या तीनों में 16 में यहाँ पर यूनिक भाई देखने को मिले, क्लोजिंग यहाँ पर कर ले जाएगा, स्कारलेट यहाँ पर चलेगी, डाउन कर देगा यूनिक भाई कहाँ पर डाउन कर देगा, क्रॉस शॉट्स के अंदर काफी तक गलत हो चुकी सिचुएशन, एलम यहाँ पर डाउन हो चुके, ब्रूटल यहाँ पर डाउन हो चुके, लास्ट मंथ स्टार्टिंग कभी तक सर हो गए, इवार पीछे से आते देखने मिलेंगे, इवार का भी एक अच्छा कर्व आ सकता है, बिकॉज पीछे से आते देखने मिल सकते हैं, बाकी बात तुम्हारे बग्गी यहाँ पर क्लोजिंग तो कर दी गई, फिलहाल तो रिवाइवल यहाँ पर देगा, एडवांटेज इस टाइम पर आता भूसो भाई को, लेकिन भूसो भाई तो ऑन द स्पॉट एलिमेंट हो जाएंगे, आपका प्लेयर यहाँ पर यूनिक यहाँ पर नॉकआउट है, लास्ट टू मंथ स्टार्टिंग की बात करूंगा, लियोन ओपी की, तो लियोन ओपी यहाँ पर धीरे धीरे करके आने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर है अपनी टीममेट से, बाकी सीआरपीएफ भी काफी दूर देखने को मिलेंगे। पबजी मोबाइल इंडिया वेलकम स्ट्रीम ब्रो, कैसे हैं आप, टीम 13 को दिखाओ फॉर श्योर, मेरी जान टीम नंबर 13 को भी दिखाना चाहूँगा, टीम नंबर 13 के अंदर यहाँ पर दो किल ऑलरेडी अपने डाल लिया, अपने द येलो भाई ने एंड अपने आईएनएक्स के पायरेट भाई ने, निक्लॉस के साथ खेलते साबित हो रहे हैं, टीम के साथ खेलते साबित हो सकते हैं, टीम नंबर 4 के ऊपर रैंडम शॉट देना स्टार्ट कर दिए, सर मैं आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था, सानू देवरमा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे को ट्रिगर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूट्यूबर और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है ना बड़ी, तो आप जैसे डेली आते हैं मेरे चैनल पे ब्रो, डेली उनको मैं फेस करता हूँ, तो ट्रिगर में इतनी जल्दी होता है नहीं, अगर इतना ही अगर आपको गेम प्ले दिखाना था तो मैं तो यही कह रहा हूँ गेम के अंदर दिखाते, फिर मैं देखता ना आप क्या गेम है या फिर आप कितना खेल सकते हो, मजा तो उसमें आता है यार, 1v1 TDM में तो बॉट भी खेल लेगा, उसको भी पता बंदूकें लेके आनी और चलानी और बस की है, तो यार मेरी जान टूर्नामेंट में दिखाते हैं ना यार, फिर मैं आपको देखता कि आपकी टीम कितने चिकन निकालती है, कितने किल्स निकालती, मजा तो तब आता ना बिडू, ट्रिगर यार कोई भी कर लेता ब्रो, ऑन स्क्रीन आना और ऑफ स्क्रीन आने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ऑफ स्क्रीन तो बहुत बोलते हैं मेरी जान, समझ रहे हो ना, छोटे वर्ड्स में बहुत बड़ी बात कह गया ब्रदर ने, डिवाइस जितना लाइक क्यों हो रहा है, डिवाइस जितना लाइक इसलिए हो रहा है मेरी जान बिकॉज बहुत हीटअप हो रहा है मेरा डिवाइस, इसलिए थोड़ा सा लैग हो रहा है ब्रो, और FPS रेंडर होने में थोड़ी सी देरी आ रही होगी इसलिए, ओके निक्लॉस यहाँ पर शॉट देने का ट्राई तो किया गया था, MK14 यहाँ पर क्लॉस में चलाने का ट्राई करता है, गेंद में यहाँ पर आने के टीम नंबर 8 है, यहाँ पर टीम नंबर 8 अब देख ले अपने जेरिक्स भाई, तो फिर धीरे धीरे करके स्पॉट करने का ट्राई करेगा, अगर इनके अगेंस्ट में प्लेस बात करूंगा अपने स्क्वाड ग्रुप भाई की, तो स्क्वाड ग्रुप भाई पर हम 16 लेके बैठे, शॉट देने का यहाँ पर ट्राई करें, सारे से बात करूंगा, एक ही हम सिंगल टैप चलाने का ट्राई कर सकते, वॉरबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वॉरबोर्ड भाई यहाँ पर थोड़ा सा हील करना चाहिए, बिकॉज डैमेज आपको काफी था फिलहाल के लिए मिल गया था, सारिक्स भाई यहाँ पर सिंगल टैप एक ही हम काफी अच्छा चला रहे हैं, तो सिंगल टैप का थोड़ा सा ऑटोमेटिक चलाने का ट्राई करेंगे, सिंगल टैप लगेगा, दो टैप लगेंगे, तीसरा टैप लग सकता था, तीसरा टैप लग गया तो मैं भी क्लॉस भाई यहाँ पर डाउन हो सकता, बिकॉज इन दो टैप के अंदर जितना मेरे को लग रहा है आपका एक हेड कनेक्ट हो चुका है, बाकी येलो भाई पे भी शॉट देना स्टार्ट कर दिया, निकलना चाहूंगा अभी इस टीम से बात थोड़ी सी, बिकॉज मिड रेंज के ऊपर फाइट चल रही है, आने एक्सप्रेस की बात करूँ, आने एक्सप्रेस पर एम 16 कबाडा चलाने का ट्राई करेंगे अपने यंग गॉड के ऊपर, यंग गॉड के ऊपर शॉट देंगे, यंग गॉड को यहाँ पर कनेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन यंग गॉड के पास एक प्यारा सा कवर आता हुआ देखने को मिलेगा, BGM और पबजी टूर्नामेंट आर गोइंग ऑन, पबजी ब्रो ग्लोबल एंड केयर, ओ माय गॉड यंग गॉड की प्यारी सी M249 यहाँ पर चलते हो देखने को मिल रही है, एक गोली भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, काफी ज्यादा ओपी गेम प्ले यहाँ पर आता देखने को मिल रहा है, मैं तो नुको अब तो मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहा यार, लव यू ब्रो, गुस्सा गुस्सा नहीं करता ब्रदर, मैं ऐसे कितनी जल्दी किसी पे, अगर इतनी जल्दी अगर आपकी बात में ट्रिगर होने लग गया तो फिर बात क्या रह जाएगी, डिफरेंस क्या रह जाएगा ब्रो, टीम नंबर 16 दिखाओ, टीम नंबर 16 यार ब्रदर यार बैक टू बैक नहीं दिखाना प्रेफर करूंगा ब्रो, टीम नंबर 16 की फाइट होगी तो फॉर श्योर आई विल ट्रांसफर टू द टीम 16, बाकी अपने यंग गॉड की अगर बात कर रहा हूँ, पोर भाई की मुझे फाइट होता देखने को मिल सकती है, पोर भाई के ऊपर मैं चलना चाहूंगा बैक टू बैक, पोर भाई की अगर मैं बात करूँ तो पोर भाई मुझे टीम नंबर 18 के अंदर देखने मिलेगा, दो प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, क्लोजिंग करना चाहेंगे, टीपू भाई यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, पूछ सकते अपनी गन लेके आएंगे, अपनी M416 लेके आएंगे, शॉट यहाँ पर देंगे, एक से यहाँ पर डाउन कर देगा, पीछे से लास्ट मंथ स्टार्टिंग अब देखने सर वगैरह, लास्ट मंथ स्टार्टिंग पोर भाई पीछे आ जाएंगे हमारे अरना भाई धीरे धीरे आते देखने मिलेंगे, शॉट यहाँ पर देने ट्राई करें, लेकिन उससे पहले फ्लिक्स भाई यहाँ पर चलेगी प्यारे से, एक ऑन द स्पॉट इस मैच करने से आपको एलिमेंट कर दिया, काफी ज्यादा गलत सिचुएशन होते देखने मिलेगी, अर्थक्वेक यहाँ पर रिवेल मिल चुका है, बाकी दो प्लेयर को भी रिवेल मिल जाएगा, थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर सकते हैं यूआई के प्लेयर, लेकिन यूआई के प्लेयर ने अभी तक थर्ड पार्टी की तरीके से एक्जैक्टली करते देखने को नहीं मिल रहा, अपनी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे, चौथे जोन की अगर मैं बात करूँ तो 23 सेकंड के अंदर हो जाएगा अभी तक स्विंग को नस्टैंड, 14 टीम लाइव इन दिस मैच, टोटल 18 टीम थी, 4 टीमों तक लिमिट हुए, बाकी 48 प्लेयर्स ही सिर्फ अभी तक सर्वाइव करते देखने को मिलेंगे, लियोन ओपी की फाइट होगी, लियोन ओपी गजोर द कैरेट लास्ट में सारे जो सर्वाइव करते हैं उनको स्पॉट करेंगे, ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमेंट कर देंगे, बाकी यंग गॉड की यहाँ पर M249 चलेगी, प्यारे से M249 यहाँ पर चली हमारे यंग गॉड की, यंग गॉड मुझे कौन सी टीम के अंदर देखने को मिलता है, मिड रेंज यहाँ पर M249 चलाई जितना मेरे को यंग गॉड का लग रहा है, बिकॉज यंग गॉड
कि आसपास रेंज के अंदर मुझे कोई भी प्लेयर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यंग गॉड यहाँ पर गाड़ी वाले से यहाँ पर रोटेशन डाल रहे थे, गाड़ी आपकी बस कर देगी, ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से लिमिट कर दिया जाएगा, एक प्लेयर यहाँ पर आपका नॉकआउट हो चुका, बाकी दो प्लेयर की बात करूँगा, फ्यूरी भाई यहाँ पर फाइट लेने के एक अच्छा क्लोजिंग कर सके, लेकिन फ्यूरी भाई गाड़ी वाले लेके वॉल पे करने का टकर बिकॉज साक्षर रिवेल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इंपॉर्टेंट थिंग को यहाँ पर बरकरार रखेंगे और यहाँ पर जाकर रिवेल भी दे देंगे, दिक्कत अभी देख ले आएगी नहीं, फाइट से लेने का ट्राई करते टीम नंबर एट के गेंद में, टीम नंबर एट यहाँ पर फायदा उठाएगी, एक किल सक्सेसफुली अपने खाते में डाल लेगी। टीम ARN को दिखाओ, ARN की फॉर श्योर दिखा दूंगा मेरी जान, टीम ARN की अगर मैं बात करूँ तो टीम ARN कौन से स्लॉट के अंदर बैठी है, शायद टीम ARN हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड ब्रो। एग्जैक्टली ब्रो, ARN हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड बडी, ARN का इस टीम के अंदर से मतलब इस मैच के अंदर से काफी जल्दी एलिमिनेशन हो चुका है। INX से पायरेट बाई की यहाँ पर चलेगी हम फॉर 1-6 नॉकआउट यहाँ पर कर जाएगा, पायरेट बाई अभी देख रहे कल सिक्योर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पर बदलने वाली बात लेगी, सिंगल टैप यहाँ पर देने का ट्राई करते बैक टू बैक अपने रोहन भाई के ऊपर, रोहन भाई की बात करो, रोहन भाई यहाँ पर स्मोक देना स्टार्ट करिए, फॉल बैक करना चाहिए, जोन यहाँ पर आपके ऊपर आ चुका है, पांचवा जोन यहाँ पर रहने वाला है, जोन के अंदर जैसे ही जोन क्लोजिंग होगा 50% प्लेयर इस मैच के अंदर लिमिट हो जाएंगे, एक्जैक्टली जोन की क्लोजिंग होती लिमिट हो जाएंगे, बाकी बात करो रोहन भाई की, रोहन भाई आराम से लूटपाट करने का ट्राई करें, अभी देख ले बिल्कुल भी डर नहीं है हमारे भाई को, बिकॉज स्मोक आपने पूरी तरीके से यहाँ पर बना दी, स्मोक वॉल आपके ऊपर बना दिया, जोन आपके ऊपर पूरा है, दिक्कत अब देख ले रहने वाली नहीं है, पीछे से जो एक अच्छी टीम बैकस्टॉप कर सकती है वो टीम नंबर 8, लेकिन टीम नंबर 8 अभी देख ले किसी तरीके से क्लोजिंग करते देखने को नहीं मिल रही, यूआई के हर्ष की फाइट होगी, यूआई के निंजा भाई की यहाँ पर DP28 चलेगी काफी अच्छे तरीके से, यहाँ पर दो प्लेयर को डाउन किया जाएगा, यहाँ पर फाइट हो चुके स्कल भाई, स्कल भाई यहाँ पर फाइट होगी, स्टैक्स यहाँ पर शॉट देंगे, OPMG की तरफ से अमेजिंग भाई को डाउन किया जाएगा, इसका मतलब अपने बी के प्लेस की भी फाइट हो चुके, बी के प्लेस पर फटाक से मैं चल जाऊंगा, यहाँ पर एक प्लेयर डाउन हो चुके, मिड रेंज पर फाइट रहने वाले, अर्थ की बात करूंगा तो अर्थ यहाँ पर स्मोक पर बनाना फिलहाल के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, राहुल मिर्जान ARN हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड ब्रो। ओके अर्थक्वेक यहाँ पर स्मोक पाथ अपने बना तो चुके हैं, आराम से लूटपाट करना चाहेंगे, दिक्कत अब देख के लिए आने वाली नहीं, बी के मेजिंग को पर रिवेल मिल चुके हैं, मेजिंग के प्लेयर जो कि हमारे बोरो की स्पोर्ट्स के प्लेयर है वो भी थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेंगे, मतलब अभी तक के लिए फाइट लेंगे, बिकॉज जोन में जाना है ओवल विदान एक सक्सेसफुल एंड नाइस प्रायोरिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एंड बात करो पांचवें जोन की तो पांचवें जोन अभी तक के लिए 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा स्विंग का साइड, यूआई के प्लेस की मुझे फाइट होते देखने को मिली थी, यूआई के प्लेस की अगर मैं बात करूँगा तो यूआई के प्लेस मुझे एक एलिमिनेट होते देखने मिलेंगे। ओके तो निंजा भाई को यहाँ पर डाउन कर देंगे, निंजा भाई को रिवाइव देने के लिए आएंगे, हर्ष यहाँ पर काफी एग्रेशन के अंदर क्लोजिंग करेंगे, रिवाइव देना चाहेंगे, पीछे एकम चलते हुए मिलेगी, अल्फा भाई यहाँ पर फाइट हो चुके, अल्फा यहाँ पर वन करने का ट्राई करते, गुरु CRPF के गेम में, गुरु CRPF यहाँ पर एक अच्छा स्नेक बन के बैठेंगे, शॉट देने का ट्राई करेंगे, अपनी पोजीशन हम देख ले रिवील कर चुके हैं, अभी बात करूँ हमारे लियोन ओपी की, लियोन ओपी यहाँ पर शॉट देने का ट्राई करेंगे, माई गॉड यहाँ पर मेरा फोन लागू होना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज लास्ट जोन यहाँ पर आ चुके हैं और काफी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर टीम देखने को मिलेगी, 34 प्लेयर देख ले सर्वाइव करें, थ्रोबैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, प्यार सा अल्फा का यहाँ पर गोल्डन नेट जाएगा, गुरु CRPF को यहाँ पर डाउन कर देगा, लास्ट में स्टार्टिंग अपनी गाड़ी की रोटेशन डालते देखने मिले, टीम नंबर 17 की तरफ से पीछे टीम नंबर 7 आ जाएगी, यूआई के प्लेयर निंजा भाई हर्ष भाई की रोटेशन डालते देखने मिलेगी, और लोकल के फ्लिक्स को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा, यमरोग भाई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, फेरोनिक इस मैच के अंदर एलिमिनेट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारे BE टीम बोरो ई स्पोर्ट्स का इस मैच के अंदर से एलिमिनेशन एक्जैक्टली आता देखने मिलेगा, टीम नंबर 3 यहाँ पर जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने लियोन भाई पर ध्यान देना चाहूंगा, लियोन ओपी यहाँ पर धीरे धीरे करके जोन के अंदर मूव इन करते देखने मिले, मूव इन करना तो अभी देख ले फिलहाल के लिए स्टार्ट कर दे, एक्जैक्टली जोन के अंदर जाएंगे, दिक्कत अभी देख ले नहीं आने वाले, स्पॉट अभी देख ले किया नहीं है, स्पॉट किया जाएगा तो मे बी आप कौन सा स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमिनेट किया जा सकता, काफी अच्छा 2v2 स्पीड खेलते देखने मिलेगा, टीम नंबर 3 के प्लेस लियोन ओपी अभी तक फिलहाल के लिए जोन के बाहर सर्वाइव करें, धीरे धीरे करके जोन जाएंगे, लेकिन जोन इतनी काट रहा है, फर्स्ट चेज आपके पास है नहीं या फिर आपने लगाई नहीं जिसके कारण जोन के बाहर ही एलिमिनेट होते देखने मिलेगा, यूआई की ट्रिक को इस मैच के अंदर एलिमिनेट कर देगा, जेरिक्स की बात करूंगा तो जेरिक्स यहाँ पर होल्ड करके बैठे, जेरिक्स को अभी तक नहीं पता था पीछे प्लेयर है, यहाँ पर एक्जैक्टली किंग फाइट लेंगे, किंग के अपने लिए वॉरबोर्ड के 1v1 करने का ट्राई करें, MK14 चलाने का ट्राई करें, थ्रोबेल का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है थ्रोबेल का आप इस्तेमाल करो तो इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो, हाइट एडवांटेज आपके पास है, लेकिन उससे पहले क्रॉस मोलोटोव आपके ऊपर आ जाएगा, वॉरबोट के यहाँ पर मोलोटोव कनेक्ट हो जाएगा, वॉरबोट हो जाएगी गलत सिचुएशन, लेकिन उससे पहले किंग को यहाँ पर डाउन कर देगा, किंग को यहाँ पर एक प्यारी से चलेगी टॉमी और टॉमी से आपको डाउन कर दिया जाएगा, निक क्लॉस उस लास्ट में स्टार्टिंग सर्वाइव करें, निक क्लॉस के ऊपर थ्रोबेल करना स्टार्ट कर दिया, निक क्लॉस यहाँ पर क्रॉस थ्रोबेल यहाँ पर करेंगे, निक क्लॉस को यहाँ पर डैमेज दिया जाएगा, शॉट कर देगा, नॉकआउट कर देगा, जेरिक्स यहाँ पर काफी अच्छा खेलते साबित हो रहे फिलहाल के, बाकी आपके दो टीममेट्स की बात करें तो काफी ज्यादा एंड काफी लंबा स्प्लिट आता देखने को मिल सकता है हमारे INX Pirate एंड येलो की तरफ से,
काफी दूर देखने को मिल सकता है। अभी तक लिए आप अपने प्लेयर रिवाइव नहीं दे पाओगे। एजेक को यहाँ पर डाउन कर दिया गया येलो की तरफ से। द येलो का यहाँ पर पैरा से M416 का स्प्रे आता है, नॉकआउट तो यहाँ पर कर दिया लेकिन रिवाइव आराम से मिल जाएगा, दिक्कत रहने वाली नहीं है। शटर जोन की बात करें तो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा स्ट्रिंग को चला। बाकी वाइज जो भी स्ट्रीम पे गाइस, जो भी स्ट्रीम पे तक लेने या फिर जिसने भी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो मेरे जान फटाक से लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। 38 की वॉचिंग इज गोइंग ऑन, क्या कहते हो लॉन्डो, 30 लाइक्स कम से कम होना चाहिए बिकॉज 38 की वॉचिंग आ रही है, 20 यहाँ पर लाइक्स है तो गलत सिचुएशन यहाँ पर होते देखने को मिल सकती है, मतलब गलत संभावना देखने को मिलेगा। एक लाइक और सब्सक्राइब बटन तो बदले में दबता है तबाही के लिए अपने। बाकी बात टीम नंबर 3 की, सेंटर ऑक्यूपाइड यहाँ पर जोन आ चुके, गाड़ी वाले रोटेशन डालना स्टार्ट करिए। टीम नंबर 4 यहाँ पर रोटेशन डालते देखने के पीछे से अपने सोलोमन सैनी भी यहाँ पर रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिए अपने। माई बुबू भाई, एक्जैक्टली माई बोबो मबीबो, मबीबो भाई यहाँ पर रोटेशन डालने का ट्राई कर, जहाँ पर आप जा रहे हो पर ऑलरेडी जेरिक्स देखने मिलेंगे। जेरिक्स तो आपने मोस्ट ऑफ स्पॉट कर लिया होगा, सैलमन भाई बनने का ट्राई कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हमारे मबीबो भाई यहाँ पर रुकेंगे नहीं, पूरी रोटेशन यहाँ पर डालेंगे। शॉट्स आपके ऊपर आंसर कर दिए, बग्गी आपकी काफी ज्यादा डैमेज देगी, बग्गी से आपको जंप लेना पड़ेगा, उससे पहले शॉट्स आपके ऊपर आएंगे। बग्गी अगर आपकी बस कर देगी मे बी आप एलिमिनेट हो जाओगे, इसके साथ एलिमिनेशन एक्जैक्टली आते देखने का। चार टीम्स आर देर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, टीम नंबर 39, टीम नंबर 8 देखने मिलेंगे। द येलो का यहाँ पर डाउन मिलेगा, पैरेट वाज द लास्ट वन स्टार्टिंग, पैरेट अभी तक के लिए सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्जैक्टली पायरेट अभी तक के लिए सेंटर में आ चुके, जोन आपके पास है, लेविनो को जोन के अंदर जाना है। बाकी बात करो टीम नंबर 8 को यहाँ पर जोन के अंदर जाना है, टीम नंबर 3 को मोस्टली एस टू यहाँ पर अभी तक के लिए जोन के अंदर देखने को मिल सकती है। आधा जोन आपके पास मोस्टली होगा लेकिन आधा जोन आपको अभी तक के लिए जाना होगा। लेकिन महबूबो भाई की तो यहाँ पर बग्घी देखने को मिलती है भाई, लाउंडा 4 किलोमीटर से बग्घी चलाता हुआ आया पूरे जोन के अंदर, गोल गोल रानी कितना कितना पानी फुल खेला और उसके बाद जाके एलिमेंट हो गया, काफी गलत सिचुएशन हो गई। स्पॉट कर ले जाएगा अपने सारे शिप लेकिन डाउन आपको कर दिया। लास्ट वन स्टैंडिंग देखने मिलेगा, लास्ट टू वन स्टैंडिंग स्कल भाई, स्कल भाई यहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं अल्फा को और अपने रोज भाई रिवाइव दे रहे अपने नेपोलियन का, नेपोलियन के अभी रिवेल देना स्टार्ट करते हैं। लेविनो की अगर बात करूँ तो लेविनो के पीओ पे थोड़ा सा चला चाहूँगा, ड्रॉप के आसपास देखेंगे कि मेरी जान ड्रॉप गन्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ड्रॉप गन आपने उठा तो लेकिन गलती से इसको चला मत लेना जितना मेरे को लग रहा है, ड्रॉप गन है या नहीं है वो मैं देखना चाहूँगा। एक्जैक्टली ड्रॉप गन आपके पास है, ग्रोजा आपके पास देखने को मिलेगी, एक ग्रोजा स्कारा का कॉम्बिनेशन आपके पास है। रोहित भाई को अभी देख लिया फिलहाल के स्पॉट करेंगे, लेवल 3 गेयर्स आपने उठा लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं लेकिन गलती से ग्रोजा मत चलाना, अगर आपने उठा भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन बस चलाना मत। बाकी रोहित भाई का बस स्पॉट कर लिया, स्कारल को 8x 6x पे लगा लिया अपने, 3x और 6x आप भी कन्वर्जन डाल दिए, स्पॉट करने का ट्राई करें। जोन की बात करें तो 7वां जोन अभी तो 12 सेकंड के अंदर श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मबीबो तो छोटा भाई ऑफ सैलमन भाई, छोटा भाई सैलमन भाई बनने का ट्राई करे लेकिन सैलमन भाई के छोटा भाई नहीं बन पाया लेकिन गलत सिचुएशन में खुद एलिमिनेट होगा। वॉर बोर्ड के प्ले को स्पॉट के लिए M16 यहाँ पर चलेगी, आपको स्पॉट कर लिया जाएगा अपने स्क्वाड रूट की तरफ से, स्क्वाड रूट यहाँ पर M16 सिंगल टैप चलाने का ट्राई करते लेकिन ओपी स्कारा चलाएंगे, 1v3 खेलेंगे, 3 प्लेयर को यहाँ पर डाउन कर दिया जोन के सामने, कहीं पीछे पर आपको शॉट आएगा, शॉट देंगे हमारे ग्रूड बैक को, ग्रूड बैक को भी प्यार से यहाँ पर शॉट देगा, काफी ज्यादा यहाँ पर ओपी गेम लेता है। एक 1v4 यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया भाई लेविनो ओपी का चार्ट, जो स्प्रे यहाँ पर था दैट वॉज एन वंडरफुल स्प्रे और प्यारा सा 1v4 यहाँ पर कर दिया लेकिन लेविनो भाई को जोन में जाएगा, सारा यहाँ पर चाहिए दोबारा शॉट देंगे लेकिन आपको इस मैच के नजर लिमिट कर दिया बिकॉज 1v4 की सिचुएशन आते हुए देखने को मिल रही थी जिसके कारण आप इस मैच के नजर लिमिट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे NBDSA का वंडरफुल चिकन डिनर ऑफ दिस फर्स्ट मैच, दैट वॉज एन वंडरफुल गेम प्ले। यहाँ पर किल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 4, 2, 6 और 1, 7 किल के साथ यहाँ पर चिकन डिनर आता देखने को मिलेगा हमारे NBD के प्लेयर्स का। सेकंड पे आते हमारे INX के प्लेयर्स, थर्ड पे आते हमारे वर्ल्ड वॉर्ड के प्लेयर्स, फोर्थ पे आते एग्जैक्टली हमारे निकलॉस, फिफ्थ पे आते हमारे AQ46 पे आते TES के प्लेयर्स, सेवन पे आते लियोन OP, एट पे आते M4 के प्लेयर्स, नाइन पे आते UI के प्लेयर्स, टेन पे आते TES गॉड के प्लेयर्स, बाकी 11 पे थे BE के प्लेयर्स, 12 पे थे रोन भाई के प्लेयर्स, 13 पे थे TNC, 14 पे थे गजोर द कार, 15 पे थे FLS के प्लेयर्स, 16 पे थे ARNG के प्लेयर्स, 17 पे थे किमी के प्लेयर्स, 18 पे थे फ्यूरी के प्लेयर्स। इसके साथ होता अपना मैच खत्म, बिना किसी देरी के चलना चाहेंगे अपने अगले लॉबी के अंदर। बाकी गाइस जल्दी से यार लॉन्डो जो भी स्ट्रीम पे अभी तक लेना जिसने लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो फटाक से मुक्का मार के साढ़े को लाल से ग्ले कर दो एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो फॉर डेली कस्टम रिलेटेड स्क्रीम्स एंड ऑल। एंड बाकी लाइक का जो स्ट्रीम ने आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो 38 की वॉचिंग इज गोइंग एंड 23 लाइक्स वर देयर, काफी गलत नाइंसाफी हो तो देखने को मिल सकती है गाइस। ओके तो वेल अपना पहला मैच हो चुका है यहाँ पर खत्म, फाइनल के अपने 4 मैच रहने वाला है जिसके अंदर से अपना पहला मैच यहाँ पर खत्म होता है सक्सेसफुली। हमारे BD के प्लेयर्स ने प्यारा सा चिकन डिनर यहाँ पर निकाल लिया है 7 किल के साथ। सेकंड मैच के अंदर कौन सी टीम यहाँ पर चिकन डिनर निकालेगी यहाँ पर पता लगने वाली बात है, लेकिन जो अगर सेकंड मैच के अंदर बात करूँ तो सेकंड मैच यहाँ पर रहने वाला है 9 बजे रहेगा, तो 9 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब 24 मिनट्स, 24 मिनट्स में छोटा सा एक ब्रेक लेके आते हैं फिर अपने अगले कस्टम की तरफ सीधा अपने अगले में चलना चाहेंगे। ओके सो गाइस मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के साथ आप लोगों के साथ। भाई iOS कब आएगा, iOS कब आएगा या फिर iOS में BGMI कब आएगा, अब ये पूछ रहे हैं।
थैंक यू सो मच राहुल सिन्हा मेरे भाई फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट, लव यू बडी। चलो गाइस फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सीधा अपने अगली लॉबी के अंदर, तो तब तक गाइस 2 मिनट में अपना छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं।
Okay, so guys, we are back again with our another and the second match of the room. बाकी ये वाला जो मैच हमारा रहने वाला है फाइनल मैच का, सेकेंड मैच विल बी आर मिरामार मैच. चल के बैठते अपने स्लॉट पे, वेट करते अपने प्लेस का रूम के अंदर ज्वाइन होने का, बिकॉज जस्ट अभी रूम बना है एंड अभी पूरे के पूरे 10 मिनट हमारे इस मैच को स्टार्ट होने में. धीरे धीरे करके अपने प्लेयर्स आएंगे. बाकी इस मैच के रूम की स्पेसिफिकेशन की बात करना चाहूँगा तो 1.2 के जोन स्प्रिंग के साथ फुल 3x लूट के साथ देखने को मिलेगा. मतलब किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की किसी प्लेयर को कमी नहीं रहने वाली है. बाकी उसके अलावा अगर बात करूँ तो सेकंड मैच अपना मिरामार का मैच यहाँ पर रहने वाला है. एंड न्यू रियांग, वेलकम टू द स्ट्रीम बड़ी, कैसे हैं आप? एंड वेट करते अपने प्लेस के रूम के ज्वाइन होने का, फिर बाकी देखेंगे कौन कौन से प्लेयर आते हैं, कौन सी टीम कैसे खेलेगी. टीएनसी के रेबल भाई अपने साथ आ चुके हैं, बाकी निक क्लॉस देखने को मिलेंगे अपने साथ जो ऑलरेडी रूम के अंदर पहुँच चुके हैं. ARN जिंदाबाद मेरी जान. ARN पिछले मैच में थोड़ा सा चोक कर गई, बाकी कल और परसों के मैचेस में काफ़ी ओपी गेम प्ले था हमारा ARN के प्लेयर्स का. बाकी फाइनल में ARN को क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, वो तो अपने ARN के प्लेयर्स को ही पता होगा. बाकी होप फॉर द बेस्ट, अपने लिए 3 मैचेस में बूमा मचा देगी तो टेबल टॉप कर सकती है, नहीं तो जैसा गेम प्ले फिलहाल के मैचेस में था ऐसा गेम प्ले में मज़ा नहीं आने वाला रॉयल मेरी जान. तो थोड़ा बात करिए टीममेट से कि क्या दिक्कत हो गई, क्या सिचुएशन हो गई. इस बार काफ़ी अर्ली एलिमिनेट हो चुकी है बिकॉज अपनी ARN पहले मैच के अंदर. तो कोई नहीं सर, अभी देखना. अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिल मारो यार, लॉन्ड आराम से खेलो, वो कोई दिक्कत नहीं है. बस वैसे मैं नॉर्मली बता रहा था कि ARN का जो गेम प्ले था काफ़ी ओपी गेम प्ले था कल और परसों के मैचेस में. आज पहले मैच में थोड़ा सा चोक कर गई थोड़ी ARN. बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन टीम्स, टू द एवरी टीम्स एग्जैक्टली. एंड अभी मज़ा आएगा बिडू. तो 3x है, देखो मैंने अभी जस्ट देखी है स्पेसिफिकेशंस, 3x लूट देखने मिलेगी. 0x आपके पिस्टल, शॉटगन एंड क्रॉस वो है ब्रदर. बाकी मिली वेपन आपके 0 करे हैं, इसके अलावा सब कुछ 3x है ब्रदर. मुर्गा लाएंगे बंदे, आई ये ओपी ब्रो. Vivan Sena, welcome to the stream bro. ARN success OP. सर कास्टिंग ओपी, थैंक यू सो मच राहुल मेरे भाई, लव यू ब्रदर. विवान भाई कास्टिंग ओपी बोल दे एक बार. अरे कोई दिक्कत नहीं, लव यू. अरे रिहल भाई, कास्टर भाई को कते जहर कास्टिंग करते हैं, मज़ा आ गया.
अरे अरे थैंक यू सो मच यार गाइस, यो ब्रो लड़की, मैं लड़की होता तो पक्का प्रपोज मार देता। अरे 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 राहुल सिन्हा भैया, ऐसी बातें कौन करता है यार, लॉल। बाकी गाइस इफ यू लाइक माय कास्टिंग एंड ऑल सो यू कैन आल्सो चेक माय यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल की भी एंड इंस्टाग्राम की, तो यू कैन आल्सो चेक आउट माय चैनल आल्सो बड़ी एंड थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ भी दिखा सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ सर इम्प्रेस हो गया। अरे अरे नेम ऑफ योर वाई टी चैनल मैड मैक्स गेमिंग है ना ब्रो, तुम्हारे चैनल का नाम द मैड मैक्स गेमिंग ब्रो, द मैड मैक्स गेमिंग। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे ब्रो, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एक मिनट में पॉपकॉर्न लेकर आया। अरे 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 लव यू मेरी जान, लव यू चू टी डॉन बूसो ब्रदर।
एरन का स्लॉट नंबर क्या है? एरन का स्लॉट नंबर 5 है ब्रो। स्लॉट नंबर 5 में देखो अपने प्लेयर बैठे हैं, एनसे, नॉक्स, पॉल एंड एस्टाइन। भाई उससे पहले थोड़ा एनवायरनमेंट गर्मा गर्म होनी चाहिए। किससे पहले? चलिए शुरू करते हैं। अरे मेरा तंदूर रेडी है, मुर्गा लाओ बॉयज। अरे यार ने ओपन द चैट। अरे कहाँ अटक गए लॉबी में सर? मैच ग्लिच तो नहीं हो गया यार? के आर का यही सिनेरियो रहता है यार, मैच ग्लिच ना हो जाए बस, होप फॉर द बेस्ट। नहीं हुआ, नहीं हुआ, बच गया। ओके सो गाइस, बात करें हमारे इस मैच के सेकंड मैच के प्लेन पास की, तो क्योंकि सेकंड मैच हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बोलते हैं इसके प्लेन पास जो कि हमारा मेरा मार्का यहाँ पर मैच रहने वाला है। मेरा मार्क प्लेन पास की अगर मैं बात करूँ तो वैलिडी मार्क की तरफ से चालू होता हो, लाडर लगे सर के ऊपर से निकलता हो, पिकाडो के द्वारा होता हमारा एलेजर पर जाकर एंड होगा। लेट सी, देखने को फिलहाल के लिए टीम्स कहाँ पर लेना चाहेंगे ड्रॉप लोकेशन, बिकॉज उन टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली, जिनका ड्रॉप लोकेशन है तो फुली नॉर्थ वेस्ट है तो फुली साउथ ईस्ट होने वाला है। नॉर्थ वेस्ट अगर मैं बोलूँ लाको बी एक क्रिएटर फील्ड एल्पोजो ट्रेलर पैक एंड रूइंस, अगर साउथ साइड बोलूँ तो अपने पोर्टो की तरफ को देखने को मिल सकता, फिर इम्पाला, बिकॉज वहाँ तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा गाड़ी का इस्तेमाल, जिसके कारण काफ़ी टीम्स या फिर काफ़ी प्लेयर स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो तो देखने को मिल सकते हैं। इस मैच में अपनी टोटल 18 टीम्स अभी तक आ चुकी है, एक्जैक्टली 72 प्लेयर्स टोटल देखने को मिलेगा। बाकी टीम ने यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन लेना स्टार्ट कर दिया। वैलेडे बार पर जाना चाहेंगे हमारे यू आई के प्लेयर्स, टी एस के प्लेयर मुझे मैनेज दे वाले की तरफ जाते देखने में, मिनाज दे वाले की तरफ को एक्जैक्टली यहाँ पर स्प्लिट में लूट करना चाहेंगे। चुम्मा से अभी तक के लिए खाली है, चुम्मा से एक ऐसा हॉट ड्रॉप रहता है जहाँ पर एक ना एक टीम तो जाती है सॉरी, लेकिन अब इस बार के लिए कोई भी टीम नहीं जाइए। ए आर एन के प्लेयर की बात करना चाहूँगा तो ए आर एन 6 के जो हमारे प्लेयर है माउंटेनियर के साइड पे छोटे मोटे कंपाउंड यहाँ पर स्प्लिट में लूट कर तो देखने को मिल सकते हैं एक्जैक्टली। और चुम्मा सेरा की बात करूँ तो सारा एक्स के प्लेयर यहाँ पर लूट करना चाहेंगे, लेकिन साइड वाले छोटे मोटे कंपाउंड लूटेंगे। टी एस भी यहाँ पर स्प्लिट में लूट कर तो देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट पिकाडो की तरफ को पावर ग्रिड पर जाएंगे हमारे बी ई के प्लेयर एक्जैक्टली, वही ओ एच के प्लेयर हमारे जाना चाहेंगे मुसौली क्रिएटर फील्ड की तरफ जाते देखने को मिले। सैन मार्टिन में अपने निकलॉस की टीम पूरा पूरा राज होएगा। सैन मार्टिन के साइड पे अगर बात करूँ हासियान डेल पेट्रॉन, तो हासियान डेल पेट्रॉन पे मुझे वाइपर के पे जाते देखे मिले, जो कि हमारा फ्यूरी का पूरा पूरा स्क्वाड है। एफ एल एस के बिल की बात करूँ तो वाटर ट्रीटमेंट जाना चाहेंगे फिलहाल के लिए, एंड लॉस लियोन्स थोड़ा सा देखना चाहूंगा तो बिकॉज लॉस लियोन्स एक बहुत बड़ी सिटी रहती है, बाकी काफी टीम भी यहाँ पर जाती है। काफी टीम्स में अगर मैं बात करूँ तो तीन टीम मुझे लॉस लियोन्स की तरफ जाते देखे मिलेगी, ए जी के प्लेयर जा चुके, टी एन सी के प्लेयर जाते देखने मिलेंगे, एंड आई एन एक्स के प्लेयर को कैसे भूल सकते जो अपनी लॉस लेंस कोई शिफ्ट लेने का ट्राई करें। लाभ बंदेता के ऊपर जाना चाहिए हमारे ए क्यू फोर का स्क्वाड, एंड इम्पाला के ऊपर एज यूजुअल यहाँ पर दो टीम जाना चाहिए, रोवन की स्क्वाड, एनबीडी की स्क्वाड एंड अर्ली फाइट यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी एनबीडी एक ऐसी स्क्वाड है जो पिछले मैच का फर्स्ट मैच का चिकन नहीं लेके गई थी, बाकी इस मैच के अंदर क्या करते क्या नहीं करते वो यहाँ पर पता रहने वाली बात है। कि बाकी बात करें हमारे एलेजर की तो एलेजर के ऊपर अपने यूट्यूब हैंगकॉक के प्लेयर यहाँ पर जाते देखने मिलेंगे। यूट्यूब हैंगकॉक के प्लेयर का पिछले मैच के अंदर काफी गलत सिचुएशन बन चुकी थी, बिकॉज अपनी ड्रॉप लोकेशन उतर थी, अपने तीन पेयर गवा बैठे थे, लास्ट मैन स्टैंडिंग गेजोर बचे थे, गेजोर भाई भी एलिमिनेट हो गए थे थोड़ी सी देर बाद, लेकिन
इस बार होप फॉर द बेस्ट कैसे खेलना चाहेंगे, बाकी बात करूंगा जोन की। पहला जोन यहाँ पर बन चुका है मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट साउथ को, एक्जैक्टली साउथ वेस्ट की तरफ वो जोन ज्यादा देख मिलेगा। चुम्मा सारा सेंटर ऑक्यूपाइड यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करूंगा फाइट की संभावना की, तो फाइट की संभावना मुझे फिलहाल के लिए बनते हुए देखने मिल नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पर इम्पाला के ऊपर दो तरफ को प्लेयर शिफ्ट हो चुके हैं, अपने साउथ साइड को जा चुके हैं, अपने रोहन भाई के प्लेयर एनबीडी के प्लेयर नॉर्थ साइड को तरफ जा चुके हैं। बाकी फाइट यहाँ पर होते देखेंगे, मुझे देख लिया पर किलफील्ड के अंदर नेम आया था, किसका नेम आया था वो मैं देख नहीं पाया, वेक्टर से यहाँ पर नेम आया था मुझे जितना याद है, बी के प्लेयर की एक्जैक्टली यहाँ पर मुझे फाइट होते देख मिलेगी। मेजिंग भाई को यहाँ पर डाउन कर देगा, मेजिंग भाई एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से, लेकिन मेजिंग भाई इस बार के लिए सबसे पहले नॉकआउट हो चुके हैं, काफी ज्यादा गलत हो चुकी सिचुएशन, बिकॉज पीछे अर्थक्वेक के पूरे पूरे प्लेयर आ जाएंगे। सोलो मंसानी यहाँ पर सर्वाइव करे अपने सरीजावा, सरीजावा की बात करूँ सरीजावा यहाँ पर यूएमपी लेके आ चुके हैं, होल्ड करते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन सरीजावा को एक्जैक्टली पता नहीं है कि पूरी यहाँ पर स्क्वाड आते देखे मिलेगी, काफी तक गलत सिचुएशन आपकी हो सकती है, पूरी स्क्वाड यहाँ पर एग्रेशन दिखाते देखे मिलेगी। सरीजावा ने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं दी है, मुझे पीछे से रेंज के अंदर आते देखने को मिले अपने यमरोग भाई, लेकिन अपने फेरोनिक को भी यहाँ पर डाउन कर देगा। लास्ट टू मंथ स्टार्टिंग सर्वाइव कर रहे, 2v4 की यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है, एक्जैक्टली गलत हो चुकी है सिचुएशन। यमरोग वाइट यहाँ पर आएंगे M416 से कवर देने का ट्राई तो करेंगे, लेकिन सरीजावा अपनी पोजीशन मत देना, बस अगर आपने पोजीशन दे दी तो यहाँ पर 1v4 आपको क्लच कैसे भी करके करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी तक गलत सिचुएशन यहाँ पर आपकी हो तो देखने को मिल सकती है। बाकी सरीजावा की अगर मैं बात करूँ तो सरीजावा यहाँ पर अभी तक अपनी पोजीशन रिवील नहीं कर रहे, यमरोग भाई ने अपने ऊपर यहाँ पर स्मोक पाथ यहाँ पर एक्जैक्टली बना लिया, स्मोक पाथ यहाँ बना के फॉल बैक करना चाहेंगे। पोहर की बात करूँ तो पोहर भाई यहाँ पर आराम से बैठे, अमेजिंग भाई को एंड अपने फेरोनिक को रिवाइवल देना एट द मोमेंट इज वेरी अनसक्सेसफुल थिंग, बिकॉज आपके उसके लिए काफ़ी ओपन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपनी पोजीशन दे चुकी है अपनी सरीजावा, सरीजावा की बात करूँ अपनी पोजीशन यहाँ पर दे चुके, क्लोजिंग करके शॉट इन जाएंगे, यहाँ पर नॉकआउट कर सकते थे, क्लोज इन किया जाएगा, आपको भी यहाँ पर डाउन कीजिएगा। लोकल फ्लिक्स की तरफ से काफी ज्यादा गलत डिसएडवांटेजेस आपको देखने मिलेंगे, यमरोग भाई आएंगे, एक अच्छा फ्लैंक एंगल यहाँ पर बना लेंगे यमरोग भाई, लेकिन यमरोग भाई को कॉल आ चुकी है, रुको मत मर जाने, यहाँ से रवानगी ले लो, नहीं तो लास्ट मंथ स्टार्टिंग को पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भरा, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा, नहीं तो इस मैच के अंदर सबसे पहले एलिमिनेशन इस बार के लिए बोरो की स्पोर्ट्स की टीम को हो सकता है। काफी अच्छा पिछले बार के लिए खेले थे, लेकिन इस बार के लिए काफी गलत सिचुएशन में फर्स्ट तो देखने मिलेगी हमारे बोरो की स्पोर्ट्स की टीम। यमरोग वाइटी वाज द लास्ट मंथ स्टार्टिंग, अभी देखकर सर्वाइव करे, फॉल बैक यहाँ पर कर चुके अपनी अर्ली ड्रॉप लोकेशन पे उतरते ही पावर ग्रिड की यहाँ पर फाइट हुई, जिसके कारण अपने तीन पैर यहाँ पर गवा बैठे हैं, एंड यमरोग भाई थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेंगे काफी तेजी के अंदर। एंड बाय द वे चनांग एंड एलेक्स जिब्रमा वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, ओपी कास्टर थैंक यू सो मच यार बड़ी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट। बाकी निकालना चाहूँगा अपने बोरो की स्पोर्ट्स से थोड़ा सा बाहर, बिकॉज एनबीडी के प्लेस की बात करूँ यहाँ पर भी थोड़ी सी फाइट हो सकती है। अगेंस्ट में हमारी टीम आ चुकी है अपने कोमा की प्लेस आ चुकी है, अपने रोहन भाई की प्लेस जितना मैं आपको बता रहा था, रोहन भाई यहाँ पर M416 खेलने का ट्राई करेंगे, TS की फ्लाइट होगी ARN के अगेंस्ट में, ARN के प्लेयर इस बार दोबारा से यहाँ पर डाउन चाहेंगे, POL को यहाँ पर डाउन करेगा, POL यहाँ पर फिलहाल के लिए एट द मोमेंट वाइल मांगना चाहेंगे। बाकी बात करूँगा कोरम भाई, कोरम भाई यहाँ पर आएंगे 1v3 की सिचुएशन माना जाएंगे, 1v3 यहाँ पर 1v3 यहाँ पर पोजीशन तो बनेंगे, लेकिन आपको एक प्यारा सा कवर फायर आएगा हमारे नॉक्स की तरफ से, ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमेंट कर देगा, काफी गलत सिचुएशन यहाँ पर देगी, पोल को एलिमेंट कर देगा, पोल को यहाँ पर बचाने का ट्राई किया जा सकता है, लेकिन पोल को एलिमेंट कर देगा। अपने बात करूंगा पोटू भाई की, तो पोटू भाई यहाँ पर आएंगे, रैंडम शॉट यहाँ पर देने का ट्राई करेगा, पोटू भाई के ऊपर क्रॉस शॉट देने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, पोटू भाई यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट तो देखने को मिल सकते हैं, नाइट बोर्ड भी रिप्लाई रिकवर लियो। अरे गाइज ये नाइट बोर्ड जो है ना, जिस जिसको भी टाइम आउट मिला, जैसे अभी अपने एलेक्स भाई को मिला था, ये नाइट बोर्ड की तरफ से टाइम आउट मिला है अपने 3 से 5 सेकंड का एक्जैक्टली। ये नाइट बोर्ड जो आपको टाइम आउट दे रहा है वो यहाँ पर सेट है, जो मेरे को दिख रहा है वो चार्ट स्पैमिंग पे, अगर आप किसी भी चार्ट को स्पैम करोगे या आप इमोजी स्पैम करोगे तो गाइज आपको 5 सेकंड का टाइम आउट मिल जाएगा। तो ये मेरे हाथ में नहीं, ये नाइट बोर्ड ऑलरेडी सेट है, तो गाइस स्पैमिंग एंड ऑल प्लीज़ मत करो, बेमतलब मैं यहाँ पर बहुत टाइम आउट दे देगा, नहीं तो आपको अभी टीम नंबर 5 की गलत हो चुकी है सिचुएशन। लास्ट मंथ स्टार्टिंग देखने को मिलेगा, लास्ट टू मंथ स्टार्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉक भाई यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में फंस चुका है, बिकॉज अगेन जो पूरा स्क्वाड आ चुका है, एक अच्छा कवर फायर देने का ट्राई तो कर रहे हैं हमारे शराइन, लेकिन एक सक्सेसफुल कवर फायर अभी तक नहीं दे पाएंगे, एक नॉकआउट भी कर देंगे तो कल से क्यों नहीं कर पाएंगे। लास्ट मंथ स्टार्टिंग है, पूरी टीम से फॉल बैक कर लेना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पर फाइट लेना एक सक्सेसफुल आपकी रह सकती है सिचुएशन हो जाएगी। गलत है यहाँ पर, जैसे मैं बोलने लगा अपनी बात पूरी करने लगा, लेकिन उससे पहले आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, स्क्वाड के ले जाएगा मैंने गॉड 69 की तरफ से, और इस मैच के अंदर से एलिमिनेट कर दिया, काफ़ी तक गलत सिचुएशन है यहाँ पर आपके देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारे ANS का सबसे पहले इस मैच के अंदर से एलिमिनेशन हो जाएगा ऑन 18th rank। काफ़ी ज़्यादा गलत खेलते हुए देखने को मिल रहा है, काफ़ी तक गलत यहाँ पर स्ट्रैटेजी आ रही है, फिर काफ़ी तक गलत होगा, गलत सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस मैच के अंदर अभी तक के लिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हमारे ANS6 के प्लेयर। कल एंड परसों का जो गेम रहता दैट वाज एन ओपी गेम, लेकिन आज हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, उसी का फादर डाइंग हमारे TS के गॉड 69 1v4 के साथ आते देखने को मिलेंगे, चारों के चारों किल हमारे गॉड भाई ने ले लिए, प्यारा गेम प्ले यहां पर आएगा, दैट वाज एन वंडरफुल गेम प्ले देखने को मिलेगा।
एनबीटी की प्लेस की बात करते हैं, एनबीटी की प्लेस अगर फॉल बैक कर चुके हैं, फाइट नहीं लेना चाहेंगे, आईएनएक्स की प्लेयर की बात करूँगा, आईएनएक्स प्लेयर यहाँ पर रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिया, यमरोग भाई बात करूँगा, यमरोग भाई यहाँ पर ऐसे निकल चुके थे, फॉल बैक कर चुके थे, यूआई के पेयर मुझे उतरते देखने को मिले थे, मोस्ट प्रॉब्ली वैलिडे मार्क की तरफ को, वैलिडी मार्क की तरफ से आराम से लूटपाट करना चाहेंगे। वॉरबोर्ड के प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ, वॉरबोर्ड के प्लेस अब आराम से लूट रहे, रोटेशन मुझे आते देखने को मिले टीम नंबर 17 जो अभी तक के लिए फाइट करते देखने को मिल रहे, लेकिन फाइट करके यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहिए। ओके तो बग्गी आपकी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, बग्गी डैमेज जैसे तभी होती है जब आपकी बग्गी पलट दे, तो मोस्ट वाले आपकी बग्गी यहाँ पर पलट गई होगी। बाकी अगर बात करो टीएस के प्लेस की, टीएस के प्लेस की अगर बात करूँ तो टीएस के प्लेस भैया यहाँ पर रोटेशन डालते देखो मिलेंगे, टीएस गो, टीएस के गॉड यहाँ पर नहीं आए हैं, टीएस के हेलवा देखने को मिलेंगे, पॉइजन आ चुके हैं, जामी आ चुके हैं, रेडिट्स देखने को मिल सकते हैं, चार पेयर आ चुके हैं, अपनी टमटम लेके निकल चुके हैं, टमटम जो कि हमारी स्कूल बस रहती है उसको मैं टमटम बोलता हूँ, तो अपनी टमटम ये यहाँ पर निकल चुके हैं, बाकी आगे अपने पॉइजन और हेल्बो या तो देखने मिलेंगे। आई एक्स के प्लेस की बात करते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले वाइपर के प्लेस की बात करते हैं, जो कि हमारे वाइपर के प्लेस मोस्ट वाले मुझे फ्यूरी के साथ खेलते देखने मिले, पिछली बार ऑलरेडी यहाँ पर वन मैन डाउन हो जाते हैं, रोजो के पर हो चुके थे, गलत सिचुएशन है, एक प्लेयर पर आपका डाउन हो जाएंगे, गलत हो जाएगी तो यहाँ पर दोबारा से आपको रिवेल इंस्टेंटली फिलहाल के लिए चाहिए होगा, लेकिन शॉक शॉप यहाँ पर स्पॉट करने का ट्राई तो करें, एक अच्छा बैकशॉप यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज प्लेयर को क्लोज नहीं करने देंगे, काफी एग्रेशन डाल देंगे, टीपू भाई थ्रोवेल का इस्तेमाल करना चाह रहे, एक सक्सेसफुल थ्रोवेल यहाँ पर जा सकता है, टीपू भाई को पटाउन देते, लेकिन टीपू भाई किस्मत अच्छी थी कि रेंज के अंदर नहीं आते हमारे नेट की, एक और रैंडम नेट किया जाएगा, ये रैंडम नेट थोड़ा सा डैमेज दे सकता है, एक्जैक्टली आपको 50% डाउन कर देगा, 50 HP यहाँ पर अभी तक के बनते हुए देखने मिलेगी। एक एम चलान स्टार्ट कर दिया, अपने पोजीशन यहाँ पर रिवील कर दिया, अपने फेवरेट यहाँ पर रिवील जाएगा, एक रैंडम शॉट देने का टकर पीछे कर फायर फिलहाल के चाहिए, हैंडकॉक के प्ले यहाँ पर एक अच्छी थर्ड पार्टी करते देखो मिल सकते, लेट्स सी के हैंडकॉक प्ले यहाँ पर थर्ड पार्टी करेंगे, एक एम के बाद यहाँ पर सुन लिया, फाइट यहाँ पर नहीं लेंगे, टीपू भाई यहाँ पर नॉकआउट कर देगा, टीपू भाई में वापस से चल रहे हमारे शॉक शॉपी पे, शॉक शॉपी की बात करूँ यहाँ पर एक प्यारा सा नॉकआउट कर चुके हैं, एंड पीछे अगर बात करूँ हमारे लियो को भी शॉट देना स्टार्ट कर दिया है, फायर यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे, पीछे फाइट लेंगे अपने अर्नब भाई यहाँ पर गाड़ी पर रैंडम शॉट देने का ट्राई करते, इसका फायदा उठाएंगे हमारे प्लेयर लियो को यहाँ पर डाउन कर देगा, लास्ट में चाहिए गए स्पॉट आपको किया जाएगा हॉका की तरफ से, हॉका यहाँ पर अच्छी कारा चलते देख रहे हैं, कारण आपके पास है बोल्ट एक्सचेंज अपनी टीम से देखने मिलते, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल बोल्ट एक्सचेंज नहीं चला रहा, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर कर सकते टीम नंबर 10, लेकिन टीम नंबर 10 अभी तक थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी करने के लिए यूनिक आ चुके हैं, एक्जैक्टली हैंडकॉक को स्पॉट करेंगे, डाउन कर देंगे, ऑन द स्पॉट किल सिक्योर कर लेंगे, हैंडकॉक का एक अच्छा कवर फायर यहाँ पर आ सकता है, हमारे गजोर था कैरेट की तरफ से, गजोर था कैरेट यहाँ पर एक अच्छा कवर फायर दे सके, लेकिन उससे पहले यूनिक भाई काफी तेजी के अंदर गाड़ी लेंगे, रवानगी ले लेंगे, चार टीम एक छोटे से क्लस्टर पर फंसते देखने को मिलेगी, काफी गलत सिचुएशन है, जैसे आपके यहाँ पर हो सकते शॉट देना स्टार्ट कर दिए यूनिक भाई के ऊपर, यूनिक भाई अच्छा डिप पकड़ लेंगे और डिप के अंदर आके अच्छा सा होल्ड करते देखने को मिल सकते हैं। मिस्टर स्कैम वेलकम शिमरो, बट दे डिड नॉट सेलेक्ट अस, मैंने आपको बोला था बड़ी मैनेजमेंट से आप बात कर लो, अगर आपके पॉइंट सिस्टम था तो आपने मैनेजमेंट से लगता बात नहीं करी है ब्रदर, इस्तेमाल करेंगे डाउन हमारे एक प्लेयर क्वालिटी कर दिया जो कह रहे लास्ट में चाहने के बजे सर्वर जो कि अपने प्लेयर को रिवेल भी देना चाहेंगे और कर फायर भी देंगे, बाकी अच्छा सा फ्लाइंग करेंगे यहाँ पर जिससे निकलेगा लियोन अभी वापस स्पॉट करेंगे जो कह रहे तो शॉट यहाँ पर देंगे ऊपर बन सकते शॉट तो देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर नॉकआउट कर देगा, काफी एग्रेशन यहाँ पर आएगा, यूनिक का क्लोजिंग यहाँ पर करेंगे, स्पॉट करेंगे, डाउन कर देंगे जो कह रहे जो कैरेट ओपी गेम यहाँ पर आया था 1v3 यहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर एलिमिनेट कर दिया, काफी गलत सिचुएशन आपकी हो तो देखने को मिल सकती है, एंड आपके लास्ट में चाहने की अगर बात करूँ आएक्स तो आएक्स यहाँ पर मिनट अपट चलाने का ट्राई करें, बूचो को स्पॉट करेंगे, बूचो को यहाँ पर नॉकआउट करना चाहेंगे, लास्ट महीने की शॉट लगी तो मे भी सक्सेसफुली नॉकआउट कर सकते थे। दे डिड नॉट रिप्लाई ब्रो, मैनेजमेंट का कोई भी प्लेयर अगर स्ट्रीम पे बैठा या फिर कॉल यमरोग इन व्हाट्सएप, यमरोग भाई को व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, अपने चनांग मॉडरेटर कह रहे हैं बड़ी मिस्टर स्कैम, आप अपने उनको यमरोग भाई को कॉल कर लो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, अभी बात कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने आपको यही बोला था पहले भी कि आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, क्या उनका सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज है, वो मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है, तो आप मैनेजमेंट से बात कर ले तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्लैरिफाई आपको कर दिया जाएगा, और बाकी आप कह रहे हो कि रिप्लाई नहीं दिया, तो मॉडरेटर हमारे कह रहे हैं कि आपको चनांग भाई कह रहे कि यमरोग भाई को एक बार कॉल कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा ब्रो, बाकी लियोन अभी यहाँ पर से निकल चुके हैं, आसपास मुझे एक और फाइट होते देखने मिलती है, उन प्लेस के यहाँ पर फाइट हुई है नहीं हुई है, क्या रही उनकी एग्जैक्ट रीजन, मुझे लगता है अभी तक के लिए फाइट हुई है, बाकी आई एन एक्स के पेयर मुझे रेंज के अंदर आते देखने को मिल रहे जो कि फाइट कर रहे हैं, आई एन एक्स के पेयर पर चला जाऊँ अपने पायरेट भाई के ऊपर, पायरेट भाई तो अभी तक के लिए फाइट नहीं ले रहे, लेकिन आई एन एक्स की एक और टीम शायद आई थी हमारे इस मैचेस के अंदर, एक्जैक्टली टीम नंबर 4 यहाँ पर आई थी, लेविनो को यहाँ पर डाउन कर दिया गया था, लेविनो का पिछले मैच का तो गेम प्ले था प्यारा सा, वन गोल किया था लास्ट जोन के अंदर, सेकंड जोन पे सेकंड रैंक पे एक्जैक्टली एलिमिनेट हुए थे, फ्यूरी भाई को ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देगा यहाँ पर, रियल देगा लेविनो भाई का वापस थ्री मैन स्टैंडिंग यहाँ पर होते देखने मिलेगा, जेट की बात करूँगा तो जेट यहाँ पर 787 रियल देने का ट्राई कर रहे हैं अपने प्लेस को,
ओके, तो फर्स्ट एड वर्सेस यहाँ पर पूरी तरीके से पॉप इन कर लिया, हील बैटल यहाँ पर पूरी तरीके से कर लिया गया, हीलिंग अपील कर लिया, ट्रैक्स में एक पैर से फ्लैंग हम ला चुके हैं। M16 ने फिर यहाँ पर एक अच्छा नॉकआउट कर सकते हैं, बस यहाँ पर चलाएंगे, अच्छा यहाँ पर शॉट देंगे, नॉकआउट आपको कर देगा, लेफ्ट अगर एक फ्लैंग हम ला करो सक्सेसफुली तो काफी अच्छा यहाँ पर शॉट दे सकते हो, अच्छी थर्ड पार्टी आप कर सकते हो। लेकिन मॉक की बात करूँ, मॉक को एक अच्छे फ्लैंग एंगल पर भेजिएगा था, लेकिन मॉक की अगर मैं बात करूँ तो मॉक एक सक्सेसफुल कंपाउंड देंगे, मॉक के पीवी पर जानते हो बिकॉज वो फ्लैंग यहाँ पर बना के आएंगे, सक्सेसफुल यहाँ पर फ्लैंग हो सकता है। एक और पे को यहाँ पर डाउन देगा, वॉल्वर को यहाँ पर डाउन देगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग है, जॉक भाई जाट भाई जाट जेट है, तो जेट भाई यहाँ पर फर्स्ट तो देखो मिलेगा, जेट भाई वर्सेस सोलोमन सैनी सारा करे, वल्वर को भी नॉकआउट यहाँ पर कर देगा, क्लोजिंग करेंगे स्नैक्स की तरफ, बिकॉज कॉल आ चुकी है अपने मॉक भाई की, मेरी तरफ आ जाओ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा कवर फायर देने का ट्राई कर सकता हूँ। मॉक भाई यहाँ पर पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं स्पॉट करने के लिए, फिलहाल के लिए चालू है, बस लेकिन अगर स्पॉट करेंगे हम पर मतलब यहाँ पर शॉट देंगे, अच्छा ये स्प्रे यहाँ पर जाएगा, लेकिन स्प्रे अभी तक लो चोक करेगा, स्नैक्स को यहाँ पर स्पॉट करेगा, स्नैक्स को यहाँ पर स्पॉट करेगा अपने जेड बैक जैसे, नॉकआउट आपको कर देगा, किल ऑन द स्पॉट सिक्योर कर देंगे फिलहाल के लिए, एंड ऑन द स्पॉट किल भी सिक्योर करने का ट्राई कर सकते हैं। लेविनो की बात करूँ, लेविनो ट्रैक वॉज द लास्ट 2 मंथ स्टैंडिंग अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, एक अच्छा सा कवर आ रहा है बैक टू बैक मॉक का, मॉक यहाँ पर क्लोज नहीं करने दे रहे, जेड के ऊपर 2v2 यहाँ पर आ चुके, मिड रेंज फाइव यहाँ पर आते देखेंगे, लेविनो के ऊपर यहाँ पर क्लोज करेंगे, जेड भाई जेड मेरी जान इतनी ओपन से क्लोजिंग मत करो, ये तो गलत सिचुएशन आपकी हो सकती है, बिकॉज आपके कवर पर आने के लिए अगर गलती से आप नॉकआउट हो गए तो गलत हो जाएगा सिचुएशन। नाइट बॉर्ड एटीट्यूड बनकर वरना अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अरे यार नाइट बॉर्ड यार वो बंदा नहीं है बड़ी यार कोई, वो एक बॉट है ना, उसको कमांड के थ्रू सेट किया जाता है, तो वो ऑलरेडी सेट है, वो ऐसे आपके जो भी रिप्लाइज वगैरह आएंगे ना वो ऑटोमेटिकली जो सेट होते हैं ना वो उसके हिसाब से देता है, कमांड सेट है उसके ऊपर, तो उसको रोक नहीं सकते, उसको रोकने का तरीका बस यही है कि पीछे से भगाना पड़ेगा बेचारे को चैनल से कि चलो बेटा आप रवानगी ले लो, उस बेचारे की गलती नहीं है यार वो, और कोई इंसान नहीं है, आप सोचो इंसान है। बाकी दूसरी बात करूँ मॉक भाई को तो यहाँ पर नॉकआउट कर देंगे, जेट यहाँ पर लास्ट स्टैंडिंग है, जेट की आ चुकी है गलत सिचुएशन, थ्रोबेल का इस्तेमाल कर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, थ्रोबेल का इस्तेमाल करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ट्रिक्स की बात करूँगा, एक अच्छा सा फ्लैंक एंगल यहाँ पर बनाते करते देखने को मिल सकते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर आएंगे, स्पॉट करना चाहेंगे, ट्रैक्स भाई लेविनो की अभी तक के लिए पोजीशन तो पता लग चुकी है, लेकिन अपने जेड भाई की पोजीशन पता नहीं है, ट्रैक्स भाई की जो पीओवी जा रहा है वो राइट साइड को जा रहा है, यहाँ पर शॉट आएंगे आपके पास, शॉट देगा नॉकआउट आपको कर देगा, जेड भाई ओपी इन द चैट शॉट यहाँ पर देंगे, क्यों से क्या कर देंगे, लेविनो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, 1v1 यहाँ पर इस टाइम पे आते देखने मिल सकते, लेकिन रिवेल की प्रक्रिया देना इस फिलहाल के लिए काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल बन सकता है। गुरिनकॉक इनके नो पूरा जोनाथन है, अरे यार मेरे को यार गाइस ये लैंग्वेज आते ही नहीं, जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो कैन यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश और हिंदी, जैक कैंपर अ वेरी बिग शाउट आउट टू यू बडी। बाकी बात करूँ जेड भाई की तो जेड भाई यहाँ पर धीरे धीरे करके क्लोज इन करने का ट्राई कर रहे हैं, एग्जैक्टली जेड भैया क्लोजिंग कर दो, कुछ तो बुम्मा मचा दो, यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन यहाँ पर आ चुके, 3 किलो अपने कांधे में डाल चुके, लेविनो भाई एक अच्छी हाइट एडवांटेज का आ तो देखने को मिलेगा, हाइट एडवांटेज का अब थोड़ा सा निकलना चाहूँगा TNC की तरफ को, बिकॉज TNC की तरफ भी मुझे फाइट हो तो देखने मुझे, TNC की अगर मैं बात करूँ यंग गॉड को ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर दिया अपने मजनू भाई की तरफ से, मजनू भाई यहाँ पर अच्छा खेल तो साबित हो रहे हैं, मजनू भाई ने 1 किलो अपने खाते में डाल लिया एंड लेविनो यहाँ पर फाइट नहीं कर लेंगे एंड थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव इन टू द अनदर टीम की तरफ को, बाकी पोटू भाई की बात करो, पोटू भाई यहाँ पर स्काउट करते हो देखने को मिल रहे हैं, पोहर के प्लेस की बात करो, पोहर के प्लेस अभी तक SUS यहाँ पर खेल रहे हैं, टी डॉन बूसो की प्लेस की बात करो, टी डॉन बूसो यहाँ पर अभी तक के लिए SUS यहाँ पर खेल रहे हैं एंड यंग गॉड को डाउन कर देखा था, बाकी प्लेस यहाँ पर अपनी गाड़ी बड़ी लेकर रोटेशन डालना चाहेंगे, फाइट की संभावना नहीं बनाना चाहेंगे, पीछे बात करूँ टीम नंबर 14 के गेम में यहाँ पर फाइट होती है, मजनू भाई ने अपने खाते में एक सक्सेसफुल किल डालते, लेकिन मजनू भाई अभी तक के लिए फिलहाल के लिए फाइट लेते देखने को नहीं मिल सकते हैं। एलेक्स भैया यार फिर तुम साला वाला लिख रहे हो यार, फिर वो बेचारा तुम्हें टाइम आउट दे देगा, फिर तुम बोलोगे कि मैं गुस्सा हो गया, स्पैम वैम मत करो यार, ऐसी चीज़ें यूज़ मत करो कि चैट में थोड़ा सा रिस्पेक्टिव रहोगे, नहीं तो यार बॉट आपको यार गुस्सा दिखा देगा, अपना गरीबों की पावर दिखा देगा, वो बेचारा एक गरीब है।
बाकी गाइस जो भी स्ट्रीम पे गाइस जो भी स्ट्रीम पे अभी तक क्लिक ना जिसने अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो मेरे जान फटाफट से मुक्का मार करके सब्सक्राइब कर दो, लाल को ग्रे कर दो, लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। बाकी बात करूं हमारे पीरू भाई के प्लेस की, पीरू भाई के प्लेस को यहां पर ऑन द स्पॉट डाउन कर दिया जाएगा, किल सिक्योर करना चाहेंगे, पीछे फाइट की संभावना बन सकती है लेकिन फाइट यहां पर नहीं लेंगे, यार के गिन में पूरी पूरी टीम यहां पर से निकल जाएगी। आपने एक प्लेयर को यहां पर नॉकआउट भी किया गया था लेकिन अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, दिक्कत नहीं रहने वाली। रेड जोन आपके पास बन चुका था लेकिन रेड जोन यहां पर निकल जाएगा। थर्ड जोन की बात करूं तो श्रृंगी को नौ साठ, फोर्थ जोन यहां पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। 15 टीम्स आर स्टिल अलाइव इन दिस मैच एंड 50 प्लेयर्स अभी देखे सर्वाइव कर तो देखने को मिलेंगे। सेनपाई साइतामा वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, शाउट आउट दे दो ब्रो, साइरस नल्ला है एक बार बोल दो। अरे अरे यार भाई ऐसे ऐसे काहे बुला रहे यार अपने भाई को, साइरस नल्ला है काहे बुलवा रहे हो तुम, चीटिंग है ब्रो ये। टीम आयन वी सूरज रोटेशन यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया एक्जैक्टली, अभी देख ले फाइट नहीं लेना चाहिए, गन शॉट्स के बाद तो मोस्टली आपको अभी तक ले आ चुके हैं लेकिन उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप जोन की तरफ जाते हो देखने मिलेंगे। भाई तेरा स्टेटस अभी देखा, मेरा स्टेटस अभी देखा, मतलब किस चीज़ का स्टेटस ब्रो? सूरज भैया की गाड़ी के ऊपर पर फिलहाल के लिए शॉट्स आना स्टार्ट हो चुका है। पोर भाई आप अगर आगे से रोटेशन डालेंगे दो गाड़ी के अंदर यहाँ पर रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिया, बाकी निकलना चाहूँगा इस टीम से बाहर बिकॉज फाइट की संभावना अभी तक के लिए बन नहीं रही है। वाइपर के यहाँ पर आ चुके जो कि हमारे फ्यूरी के प्लेयर है सामने स्पॉट करें हमारे NBD के प्लेस को, लेकिन ग्रूट भाई की बात करो ग्रूट भाई मुझे रेंज के अंदर आ रहा है लेकिन ग्रूट भाई आराम से बैठे अपने एक छोटा सा कंपाउंड पकड़ के, दिक्कत अभी तक के लिए ग्रूट भाई को रहने वाली नहीं है, छोटा सा कंपाउंड अपने पकड़ लिया, स्प्लिट में अपने प्लेयर को एक्जैक्टली भेज देंगे, रेंज के अंदर अभी तक के लिए कोई आएगा नहीं। अगर रेंज के अंदर तो काफी प्लेयर आ रहे लेकिन फाइट की संभावना अभी तक के लिए नहीं बनाएंगे। रोहित भाई की बात करूँ तो रोहित भाई यहाँ पर बग्गी जाने का ट्राई करें, स्काउट करें फिलहाल के लिए कंपाउंड को, जिस कंपाउंड के आप स्काउट करेंगे एक सक्सेसफुल आपको काउंट मिल जाएगा, कंपाउंड की दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेकिन बात करूं हाइट एडवांटेज की तो निकलॉस के पैर काफी अच्छा हाइट एडवांटेज लेके बैठे, स्पॉट करेंगे तो डाउन करना चाहेंगे। एम्पर वन से प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, लियोन ओपी पर शॉट दे रहे हैं, लियोन ओपी पर मेरे को शॉट्स कनेक्ट भी हो तो देखने को हमारे द येलो की तरफ से, एक्जैक्टली द येलो यहाँ पर लियोन ओपी को स्पॉट कर चुके हैं। पपशारक निंजा वेलकम शिमरो भाई, प्लीज 110 करवा दो, क्या 110 करवा दे मेरे जान। सब्स ओके, सो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रमोशन एंड ऑल चाहिए तो आप अपने ओनर ऑफ दिस चैनल यमरोग भाई से बात कर सकते हैं, यमरोग भाई के सोशल्स आपको मिल जाएंगे, आप नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो क्योंकि बिकॉज मैं आम जस्ट अ कास्टर ऑन दिस चैनल, बाकी गाइज आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मिल जाएगा, आप चैनल ओनर से बात कर सकते हैं एंड प्रमोशन रिलेटेड जो भी बात है वो आपसे बात कर देंगे, बिकॉज आम जस्ट अ कास्टर तो मैं इस चीज़ से रिलेटेड आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता बड़ी, और आपकी क्वेरी अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक बार ओनर ऑफ द चैनल से बात कर सकते हैं। बाकी नाइटबॉट ने अपना लिंक डाल दिया इंस्टाग्राम पर, आप इस वाले चैनल पे भी मतलब इस वाले अकाउंट पे भी आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। टीम नंबर 3 के प्लेयर आराम से बैठे हुए, दिक्कत नहीं आने वाले। रोहित भाई के, रोहित भाई अभी देख ले जोन के अंदर आ चुके हैं, जोन के स्विच खेलते हुए साबित हो गए, प्लेयर को आगे स्पॉट कर लेंगे टीडी गेम में, बग्गी यहाँ पर बस करना चाहेंगे एक्जैक्टली अपने टायर बस करना चाहते हैं, यूनिक भाई स्पॉट करेगा शॉट लेना चाहिए, डेक्स को डाउन करेगा, लियोन ओपी को यूनिक को डाउन कर सकते हैं, एम4 वन सी लग जाएगी रीलोड पे, वोटेक्स भाई यहाँ पर एक अच्छा कट पास देने का ट्राई कर रहे हैं, वोटेक्स भाई का पैर से कट पास आ रहा है, वोटेक्स भाई को पता लग चुका है, जोन के पास से जाएंगे यूनिक को स्पॉट करेंगे डाउन करेंगे यूनिक को यहाँ पर, माय गॉड थर्ड पार्टी होते देखने मिलेगी, निकलॉस की मिनी डबल डच लाएंगे, स्पॉट करेंगे, नॉक करेंगे, किल सिकर करेंगे, बूसो लास्ट बन जाएंगे, बूसो भी जोन कर जाएंगे, बूसो को स्पॉट किया तो आपको भी एलिमिनेट किया जा सकता है, एक्जैक्टली बूसो को भी स्पॉट कर लेगा, मिनी टपाटा यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर दिए, एक अच्छे कवर के अंदर आएंगे बूसो भाई की अगर बात करो तो बूसो भाई अभी तक के लिए गलत सर्वाइव कर रहे हैं, और बाकी बात करो गुरु CRPF की तो CRPF भैया एक अच्छे कवर के अंदर आ चुके हैं। थॉमस वाइटी वेलकम शिमब्रो, आप हिंदी वाला हो क्या? हिंदी वाला मतलब ब्लॉग साइरस ब्रो इज लिटरली डूइंग बिजनेस हियर प्रमोटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग। कोई नहीं, कौन सा वो ऐसे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट भी कर पाएंगे, कांटेक्ट अगर वो अपना देने लगेंगे उससे पहले बॉट ही यार अपना काम कर जाएगा ब्रदर। हाय गाइस, इफ यू गाइस लाइक माय कास्टिंग सो यू कैन आल्सो चेक आउट माय YouTube चैनल और Instagram, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी गाइज, मेरे चैनल की भी और मेरे Instagram की भी एक्जैक्टली। अगर CRPF भैया की बात करना चाहूँगा तो CRPF भैया यहाँ पर, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, लेकिन उससे पहले आपको अपने
यमरोग पोरो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जिसने अभी तक के लिए नहीं किया तो मेरे चैनल पढ़ा से कर दो, स्पॉट कर दिया जाएगा, नॉकआउट आपको कर दिया जाएगा, मॉलोटॉप का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे पहले आपकी पेटी यहाँ पर बना दी जाएगी, गलत हो सकते सिचुएशन ऑन स्पॉट यहाँ पर बना जाएगी, पीछे शॉट साथ देखने को मिलेगी, टीम नंबर 8 यहाँ पर फाइट हो चुकी है, एक्जैक्टली शॉट यहाँ पर देंगे टीम नंबर 19 के ऊपर, टीम नंबर 19 यहाँ पर थोड़ी सी फर्स्ट तो देखने को मिल सकती है, एक्जैक्टली वॉरबोर्ड यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, फाइट लाइन जाएंगे, थ्रोबल का इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सी अगर थ्रोबल जाते लेकिन उससे पहले आपके ऊपर शॉट जाएंगे, गलत हो जाएगी सिचुएशन, एक अच्छा थ्रोबल आपने किया था लेकिन सक्सेसफुली अभी तक के लिए कनेक्ट होता देखने को नहीं मिलेगा, वॉरबोर्ड की बात करूंगा, वॉरबोर्ड एक अच्छे कवर के अंदर आ जाएंगे बिकॉज एक अच्छा कवर का कंपाउंड आपके पास है, कंपाउंड एक अच्छे कवर के लिए एक्जैक्टली आपके पास है, लेकिन पीछे ग्रूट की बात करूंगा, ग्रूट ने अपनी टमटम ले लिया, गाड़ी से रोटेशन आना स्टार्ट कर दिया, सेंटर ऑक्यूपाई आ जाएंगे, अच्छे शैक यहाँ पर ऑक्यूपाई करके बैठेंगे, बाकी यमरोग बाई स्टिल सर्वाइविंग इन दिस मैच, बोरो की स्पोर्ट की तरफ से यमरोग वाइट यहाँ पर देखने मिलेंगे, अभी देख लिया अच्छे तरीके से सर्वाइव करते देखने मिल रहे हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पर रिवील नहीं गए, टीम नंबर 14 के ऊपर यहाँ पर शॉट देना स्टार्ट कर दिया हमारी टीम नंबर 9 ने, एक अच्छा कंपाउंड अभी तक के लिए होल्ड करके बैठी है, आपका लैंग्वेज क्या है बाय द वे, बिग फैन ओपी कास्टिंग, थैंक यू सो मच थॉमस वाइटी, बाय द वे द लैंग्वेज विच आई स्पीकिंग इज हिंदी ब्रो, दैट्स आवर नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि अपन लोग इंडियन लैंग्वेज बोल रहे ब्रो, सुमन हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हैं आप, एडिट्स के पे यहाँ पर सिंगल टैप देने का ट्राई कर रहे हैं, वैर भाई यहाँ पर जोन के बाद सर्वाइव कर रहे हैं, वैर भाई को भेज देंगे, हील बैटल गई, वैर भाई यहाँ पर शॉट देंगे, 1v4 कर देंगे, पूरी टीम को एलिमिनेट कर देंगे, वैर भाई ओपी इन द चैट लेकिन उसका फायदा देंगे हमारे पॉइजन भाई आपको स्पॉट करेंगे और ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर एलिमिनेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते वैर भाई पूरी टीम को एलिमिनेट कर चुके हैं, बाकी ओनली ओनली जस्ट 5 टीम्स आर स्टिल सर्वाइविंग इन दिस मैच, 15 प्लेयर्स अभी तक देखने को मिलेंगे, जेरिक्स भाई को यहाँ पर डाउन कर देंगे, अपने यमरोग भाई ने पोजीशन नहीं दिया, अच्छा हाइट एडवांटेज लेके बैठ चुके हमारे यूआई के पास, यहाँ पर इस टाइम पे काफी अच्छा और काफी प्यारा एडवांटेज देखने को मिलेगा बिकॉज हाइट एडवांटेज आपने यहाँ पर ले लिया, अच्छे रिज आपने ऑक्यूपाई कर लिया, मेरा मार मैप के अंदर मेरा मार मैप का एक एडवांटेज आपके पास आता है, अगर आप एक अच्छे रिज और एक अच्छी हाइट आप ले लो तो वही अपना रिज और हाइट यहाँ पर पकड़ लिया यूआई के प्लेयर ने, चारों तरफ की फाइट आप आराम से ले सकते हो, पीछे आप क्लियर ऑलरेडी करके आ चुके हैं, लेफ्ट राइट और आपको जो सामने देखा है, राइट पर अगर बात करो तो दो टीम देखने मिलेगी, टीम नंबर 9 और टीम नंबर 6 जो कि जोन के अभी तक के लिए, लेकिन जो लेफ्ट में टीम नंबर 13 उनको अभी तक के लिए जोन के जाना है, शॉट सामने देना स्टार्ट करेंगे, निंजा भाई यहाँ पर अच्छे M24 चला रहे हैं, स्पॉट यहाँ पर करेंगे, नॉकआउट कर देंगे, किल से कर देंगे पायलट का, बॉडी शॉट कनेक्ट कर देंगे, लेकिन रिज ग्लिच के कारण अभी तक के लिए किल से क्या नहीं कर पाएंगे, गाड़ी वाड़ी के बाद ही आपको आ चुकी होगी, क्लोज इन यहाँ पर कर देंगे, देखो एक्जैक्टली काफी ओपन से क्लोज करके शॉट यहाँ पर देंगे, काफी अच्छा एडवांटेज आपके पास है, हाइट एडवांटेज आप लेके बैठे हो, जोन के बाहर से आना चाहेंगे, निकलॉस भाई के ऊपर चलना चाहूँगा बिकॉज बग्गी लेके आने का ट्राई कर रहे हैं, जोन के अंदर अभी देख लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जोन के अंदर नॉकआउट हो जाएंगे, काफी गलत हो चुके सिचुएशन, एक्जैक्टली पीछे बात करो दयालु की, दयालु यहाँ पर जोन के अंदर आ चुके, लेकिन अगले जोन के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा बिकॉज हर्ष भाई यहाँ पर अच्छे जगह पे लेके बैठे, नेट एक सक्सेसफुल पिन कर लेंगे, लेट सी एक प्यारा सा नेट जाता नहीं जाता, नेट आप करोगे उससे पहले आप यहाँ पर डाउन करना चाहेंगे, नेट यहाँ पर थोड़ा सा चोक कर जाएगा बिकॉज हल्का सा आगे निकलता तो फायदा करने, निंजा भाई यहाँ पर अच्छा एग्रेशन दिखाएंगे, क्लोजिंग करेंगे, डाउन कर देगा, लास्ट मैच आने के दे येलो, नेट यहाँ पर प्यारा सा किया जाएगा, किंग को डाउन कर देगा, येलो को ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर एलिमिनेट कर देगा, और इसी का तीन टीम देखने मिलेगी, यमरोग वाइज स्टिल सर्वाइव इन दिस मैच, काफी ओपी यहाँ पर गेम प्ले आ रहा है, टॉप 3 तो तक अपने आपको अपनी टीम को यहाँ पर ला चुके हैं, बोरो की स्पोर्ट को अभी देखिए रिप्रेजेंट करते तो देखिए मेरे टॉप 3 तक ला चुके हैं, ही लिंक के नाम पे 6 फर्स्ट सेट आपके पास है, 22 मीटर आपको जोन के अंदर आ रहा है, 7 जोन अभी देख ले 40 सेकंड के अंदर एक्जैक्टली स्ट्रिंग बन हो जाएगा स्टार्ट, बाकी बात करूँ हर्ष भाई की, हर्ष भाई कच्चे हाइट एडवांटेज भी लेके बैठे, जोन आपके पास आ चुका तो इस चीज का काफी अच्छे तरीके से आप फायदा उठा सकते हो, खकवचंग डिब्रोमा वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, शाउट आउट दे दो टू माय ब्रो माइकल डिब्रोमा फ्रॉम खुमतया, Michael Debrama from Kumtaya, a very big shout out to you buddy, love you brother. ओके हर्ष भाई यहाँ पर होल्ड करें, फिलहाल के लिए अपने पोजीशन रिवील तो कर चुके हैं, शॉट देने का ट्राई करेंगे, हेल्बो यहाँ पर जोन के बाहर सर्वाइव करें, लेकिन अभी देख ले फिलहाल के लिए TS के पॉइजन के यहाँ पर डाउन कर देगा, रेडिएट जामी एंड हेल्बो यहाँ पर 3 मंथ स्टार्टिंग सर्वाइव करें, बोरो की स्पॉट के यमरोग भाई को कैसे भूल सकते हैं, अभी देख ले सर्वाइव करें, 7वां जोन यहाँ पर शेकिंग हो चुका है, साढ़े चीज का यहाँ पर फायदा उठाएंगे बिकॉज टीम वहाँ पर फाइट ले रही, तो एक अच्छी थर्ड पार्टी यहाँ पर एक जोन के अंदर निकल सकते हैं, जोन के अंदर तो अभी तक के लिए मोस्टली आप आ चुके हो, 4 मीटर जोन के अंदर आराम से पहुंचोगे, पॉइजन के यहाँ पर ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर दीजिएगा, निंजा भाई देखते हैं, निंजा भाई यहाँ पर स्पॉट करेंगे, हेल्बो को हेल्बो यहाँ पर शॉट देंगे, लेकिन इससे कवर के अंदर आ जाएंगे, ओके टीम 7 के पास काफी अच्छा एडवांटेज है, मैन एडवांटेज आपके पास है, जोन एडवांटेज आपके पास है, हाइट एडवांटेज आपके पास है, संधू भाई के जोन के अंदर जाना, संधू भाई जोन के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं तो हेल्प बॉय के ऊपर भेज देंगे, हिल बैठ जाएंगे, हेल्प बॉय के बाद दो ही फर्स्ट सेट देखने को मिलेगी, दो फर्स्ट सेट तो आप ओपन कर देंगे, उसके बाद आपको फॉर श्योर जाना ही पड़ेगा, जोन के अंदर आपने जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले आपको नॉकआउट देगा, अपने प्लेयर को रिवील देने का स्टार्ट कर दिया, लास्ट 2 मंथ स्टार्टिंग रेडिट एंड जामी देखने को मिलेंगे, 4v2v1 की सिचुएशन यहाँ पर आ चुके, थ्रोबल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, हर्ष भाई का प्यारा से थ्रोबल जाएगा, जामी के ऊपर शॉट यहाँ पर दे सकते हैं, स्किल ऑन द स्पॉट सक्सेसफुल यहाँ पर कर लिया जाएगा हमारे
हमारे हेल बॉय का। हेल बॉय से पहले और बात करूँ नेट्स की, तो नेट अभी देख लिया सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हुआ है। बाकी बात करूँ आठवें जोन की, तो आठवां जोन अभी देख लिया 22 सेकंड के अंदर देखा स्ट्रेंथ का टीम नंबर 7 के ऊपर आता है डिसएडवांटेज बिकॉज हिज हाइट एडवांटेज से आपको उतरना पड़ेगा। ये हाइट आपको छोड़नी पड़ेगी, नीचे जाना पड़ेगा, जंप लोगे तो डैमेज आपको मिलेगा। रेडिट्स के पास इस पर एडवांटेज आता है बिकॉज 14 मीटर आपको जोन के अंदर जाना और सामने पे काफी ओपन जाएंगे। बाकी यमरोग भाई की बात करने चाहो तो यमरोग भाई अभी देखिए हिम गार्डन पर बैठ चुके, अपना प्लेयर यहाँ पर डाउन हो जाएगा। रेडिट यहाँ पर लास्ट में चाहिए जैमिनी करनी थोड़ी सी गलती जिसके कारण काफी गलत डिसएडवांटेज आपको देखने मिलेगी। रेडिट यहाँ पर लास्ट में चाहिए, रेडिट का यहाँ पर 1v4 का क्लच दिखा पाएंगे या पीछे से यमरोग भाई अच्छे से बैकस्टेप कर सकते हैं। यमरोग भाई बैकस्टेप करेंगे तो रेडिट्स को फायदा मिलता है। बाकी यमरोग भाई यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे जितना लग रहा है हिल बटन पर जाना चाहेंगे। एक्जैक्टली हिल बैटल पे निकल चुके हैं, 1v4 यहाँ पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बार पर पता लग जाएगा। बाकी सेकंड रैंक तो आपके पास फॉर श्योर मिलेगी। रैंडम शॉट देना स्टार्ट कर दे बिकॉज तो इसको पता लग चुका है। अब यमरोग भाई पोजीशन देंगे, संधु भाई का नॉकआउट करने, एक किल ऑन द स्पॉट सिक्योर करेंगे। स्टार्ट में तो वंडरफुल गेम प्ले यहाँ पर आएगा, 2 किल 1 किल सिक्योर करना चाहिए, दूसरे प्लेयर को नॉकआउट कर सकते थे लेकिन उससे पहले आपको ऑन द स्पॉट इस मैच से लिमिट कर देगा बोरोग ई स्पोर्ट्स कैमरे भाई। यमरोग वाईटी ओपी इन द चैट, काफी ज्यादा प्यारा गेम प्ले गाइस यहाँ पर देखने को मिला था। सेकंड रैंक पे पोजीशन होल्ड किया लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोलो मैन स्टैंडिंग सर्वाइव करते। स्टार्टिंग में पूरी पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी थी, सोलो मैन स्टैंडिंग सेकंड तक लेके आए। जाते जाते मरते मरते हर प्लेयर की एक तमन्ना होती है कि अगर सामने पूरी पूरी टीम है तो एक प्लेयर को जाते जाते खा के जाना है, वो तमन्ना अपने पूरी करके गए हैं। एक किल की ऑन द स्पॉट नॉक एंड फिनिश पेटी बना के एक पॉइंट अपने खाते के अंदर डाल के गए। बाकी किल्स की अगर बात करो तो 2 किल्स यहाँ पर किए थे, 2 किल अपने खाते में डाल लिया। एंड यूआई के पास एज यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया था काफी अच्छा हाइट एडवांटेज था, मैंने एडवांटेज आपके पास था, उस चीज का फायदा उठाएंगे, चिकन एयर में कन्वर्ट करेंगे। 12-13 किल के साथ चिकन एयर निकालेंगे। थर्ड पे आते टीएस की स्क्वाड, फोर्थ पे आते निकल प्लस, फिफ्थ पे आते अपने वार्ड बॉट, सिक्स पे आते अपने एलएम के प्लस, सेवन पे आते टीएनसी, एट पे आते अपने फ्यूरी के प्लस, नाइन पे आते टीएक्सजी, टेंथ पे आते टीएस, इलेवन पे आते एजी, ट्वेल्थ पे आते हैं हमने एमटीजी, 13 पे आते रोन भाई, 14 पे आते लोकल के प्लस, 15 पे आते एमएक्सएस, 16 पे आते आईएनएक्स, 17 पे आते एफएलएस, 18 पे आते एआरएन। इसी के साथ गाइज होता अपना मैच खत्म, एंड चलते अपने लॉबी की तरफ। बाकी गाइज जो भी स्ट्रीम पे अभी देख लेना है, जिसने अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो गाइज मिलके एक साथ सारे के सारे बटन दबाओ, सब्सक्राइब का लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दो, 40 लाइक्स जल्दी से कर दो। 35 यहाँ पर हो चुके, उन्होंने जस्ट 5 मोर लाइक्स और 30 लाइक्स, एक्जैक्टली 40 लाइक्स। बाकी अगर बात करें सेकंड मैच की तो सक्सेसफुली अपना सेकंड मैच खत्म हो चुका है, जिसका अपने यू आई की टीम ने निकाल लिया चिकन डिनर, काफी अच्छा चिकन डिनर यहाँ पर आता देखने को मिला था। लेकिन क्लैप फॉर यू बोरोग ई स्पोर्ट्स की तरफ से अपने यमरोग वाईटी, काफी ओपी गेम प्ले यहाँ पर आता देखने को मिला था। सोलो मैन स्टार्टिंग से सेकंड तक लेके आया, जाते जाते अभी किल बटोरते चले गए, काफी ओपी गेम प्ले था। बाकी गाइस अगर अगले मैच की बात करें थर्ड मैच की, अभी 2 मैच अभी देख लिया आपके पास बचते हैं, मोस्ट ऑफ लेकर रहेगा सानोग और फोर्थ शायद जो रहेगा वो रहेंगे लेगा, वो पता लग जाएगा। बाकी उसका जो टाइम रहता है वो रहता है 10 बजे एंड 11 बजे एंड पूरा 30 मिनट्स हमारे पास है, तो थोड़ा सा चिल पिल मारते हैं, आधा टीडीएम वगैरह चल के खेलते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं आपके साथ, मिलेंगे फिर वापस। आप लोग भी जाओ लॉन्डो सारे के सारे टीडीएम वीडियो में जाओ, अपना ग्राइंडिंग एंड ऑल कैरी रखो बिकॉज आपको अपने 2 मैचेस में भी बूमा में करना। बाकी राहुल भाई इस बार भी एएनएस एलिमिनेट हो गई, अगला मैच मुझे चिकन चाहिए एएनएस की तरफ से, ऐसे नहीं चलेगा। राहुल भैया एएनएस चिकन कब निकाल रही है बताओ पहले, अगला मैच चिकन मानता है मेरे को। बाकी गाइज मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर अपने अगले रूम के अंदर चलेंगे, तो छोटा सा एक ब्रेक लेके आते हैं गाइज।
ओके सो गाइस वी आर बैक। अपन लोग आ चुके हैं हम अपने थर्ड रूम के अंदर, जो मोस्टली शायद हमारा मिरामार मैच होने वाला, बिकॉज मिरामार अभी तक लेस सेटअप है, बाकी कौन सा मैच होगा यहाँ पर पता लगेगा। तो चल के बैठते अपने स्लॉट पे एंड वेट करते अपने प्लेस का रूम के ज्वाइन होने का, बिकॉज हमारे पास अभी पूरे के पूरे 18 मिनट्स हमारे इस मैच को स्टार्ट होने को। एंड सबसे पहले मैं ही हूँ जो इस मैच के अंदर आ चुका रूम के अंदर, बाकी तब तक के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हमारे इस रूम के स्पेसिफिकेशंस की, तो एज यूजुअली 1.2 के जोन स्ट्रिंग के साथ एडवांस रूम यहाँ पर होने वाला एंड फुल 3x लूट देखने को मिलेगी, मतलब किसी तरीके से कमी इस रूम के अंदर भी किसी प्लेयर को नहीं होने वाली। बाकी उसके अलावा कैसी टीम यहाँ पर खेलती है, कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, वो यहाँ पर पता लेने वाली बात है कि बिकॉज हमारे फर्स्ट मैच का चिकन निकाली हमारे BD की स्क्वाड ने, सेकेंड मैच का हमारा जो चिकन निकाला वो हमारा निकाला है UI का स्क्वाड ने, थर्ड मैच में कौन से निकालती है और फोर्थ मैच में कौन से निकालती है वो यहाँ पर अभी तक के लिए पता रहने वाली बात रहेगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, वेट करते हैं अपने प्लेस का रूम के अंदर ज्वाइन होने का, फिर अपना मैच के अंदर चलेंगे।
ओके सो गाइस वी आर ब्रैक 71 प्ले की लॉबी अपने साथ जुड़ चुकी है। राजा भाई कहाँ पर बैठेंगे, यूडीएक्स के पर देखने को लेकर आईएनएक्स के पर आ चुके हैं, एनएक्सजी अपने साथ जुड़ चुकी है। ओके तो ARN6 के प्लेयर आ चुके हैं, BE के प्लेयर आ चुके हैं, वॉरबॉट के प्लेयर देखने को मिलेगा, टीम UI, टीम TES एंड MXS देखने को मिलेगी, टीम AG, टीम अलीम। ओके तो अलीम भाई के अपने प्लेयर आ चुके हैं, निकलॉस के प्लेयर आ चुके हैं, TNC देखने को मिल रहे हैं, रोहन भाई के प्लेयर आ चुके हैं, AG के प्लेयर अपने साथ आ चुके हैं, TX गॉड के प्लेयर देखने को मिलेगी, TESX गॉड एग्जैक्टली, पोहर भाई के प्लेयर आ चुके हैं, FL के प्लेयर आ चुके हैं एंड फ्यूरी के प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। 73 प्लेयर्स के लॉबी अपने साथ उड़ चुके हैं एंड कभी भी हो सकता है गाइस अपना मैच सेट। बाकी कहाँ का सर पॉपकॉर्न लाने चले गए क्या? अरे मैं वाटर बॉटल वगैरह लेने गया था यार ब्रो अपने। ना क्या हो गया, यही कही होगा। अरे अरे ARN6 ओपी, ARN6 चिकन सही है यार मुझे आप लोगों से। लेट्स गो फॉर चिकन अल्ट्रा एंड सिक्स अगेन। अरे अरे यूआई के प्लेयर्स ने ऑलरेडी वन चिकन ला रही है अपने मीनामार में, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस मीनामार के थर्ड मैच के अंदर कौन सी टीम चिकन लेने लगी? बाकी जाट वर्ड संधु ओपी वेलकम टू द स्ट्रीम बडी, कैसे हैं आप? अरे भाई क्या ही प्रोफाइल है ये आलिया की। नखरे वाले भाई, माँ कसम बंदा ही डर गया यार। देख सोपी
ओके सो गाइस वेल अपना मैच हो चुका है यहाँ पर स्टार्ट। हमारा थर्ड मैच जो रहने वाला था मेरा मार्ग मैच यहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। पूरी तरीके से सारे प्लेयर्स प्लेन पार्क पर चढ़ चुके हैं। बाकी इस मैच के प्लेन पार्क की बात करना चाहूँगा तो लाखों बेड़े की तरफ से चालू होता हुआ हासियान डेल पेट्रोन की तरफ से निकलता हुआ इम्पाला पर जाकर एंड होगा। पिछला बार का जो हमारा प्लेन पाथ था वो वेलेडे मार से एल हज़र था, लेकिन इस बार का जो हमारा प्लेन पाथ है वो प्लेन पाथ है लाखों बेड़े से लेकर इम्पाला का। बाकी उन टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहने वाले जिनका डॉप्लिकेशन वेस्ट साउथ रहने वाला है। वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट अगर मैं बोलूँ तो अपना रिविन्स ट्रेलर पार्क एलपोजो मॉन्टेन्यू वोलाडेला चुमस एरा वेलेडे मार मिनास दे वेले मिनास दे सुर प्रिजन लॉस हिगोस एंड काफ़ी सारी प्लेसेज यहाँ पर रहने वाली है जो काफ़ी मुश्किल से जाना पड़ेगा टीम्स को। बाकी टीम ने यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन लेना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल के लिए ला कोब्रेरा के ऊपर मुझे कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी टीम अभी तक के लिए जाते हुए देखने को मिल नहीं रही है। क्रूज़ दे वेले पे जाना चाहिए, हमारे वॉरबोर्ड का पूरा स्क्वाड यहाँ पर राज करता हुआ देखने को मिलेगा क्रूज़ दे वेले की तरफ को एग्जैक्टली हासियान डेल पेट्रोन पे। एज यूजुअली पिछली बार की तरफ अपने फ्यूरी की पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर आना चाहेंगे और होल्ड करते हुए देखने को मिलेगी हमारे हासियान डेल पेट्रोन के ड्रॉप लोकेशन के ऊपर। बाकी अगर मैं बात करूँ सैन मार्टिन की तो सैन मार्टिन के ऊपर अपने दो टीम इस बार के लिए गई है। एजी की स्क्वाड एंड अपने टीबीएस के प्लेयर जाते देखने को, वीओएच के प्लेयर, डीएच के प्लेयर जो कि हमारे बोरो की स्पोर्ट्स के प्लेयर है, एआरएनजी के प्लेयर जो कि हमारे पावर ग्रिड की तरफ जाने का ट्राई करें, यूआई के प्लेयर यहाँ पर स्प्रिट में लूट करने का ट्राई कर सकते हैं एंड पिकाडो की अगर मैं बात करूँ तो दो टीम जाना चाहिए। पिकाडो के ऊपर टीईएसएक्स स्क्वाड के प्लेयर एंड अपने एफएलएस के प्लेयर अपने पिकाडो की तरफ जाते देखने को मिल रहे हैं। मिनास ग्रेनलेस और लाबिंदा पर स्प्लिट लूटना चाहेंगे हमारे एवर बाई के प्लेयर्स, टीएस के प्लेयर जाना चाहेंगे हमारे मोस्ट प्रॉब्ली शायद चुमा सेरा की तरफ जाते हुए देखने मिले फिलहाल के। लेकिन चुमा सेरा पर जाने के लिए आपको गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी बात करूँ हमारे लॉस लियोन्स के लोकेशन की, लॉस लियोन्स के ऊपर हमारे जाते हैं आई एन एक्स के प्लेयर एंड अपने टी एन सी के प्लेयर देख लिया। अर्ली फाइट यहाँ पर थोड़ी सी हो सकती है। बाकी इम्पाला की अगर मैं बात कर लूँ तो एन बी डी के प्लेयर एज यूजुअली अपने इम्पाला पे आए स्प्लिट लूटना चाहेंगे और अपने अगेन में रोहन भाई पिछले बार की तरफ अपनी टीम के साथ आते हुए देखने मिलेंगे। अर्ली फाइट यहाँ पर हो चुके हैं, डाउन कर देगा हमारे टोरेटो को, टोरेटो को ऑन द स्पॉट नॉक एंड फिनिश यहाँ पर कर देगा। काफ़ी तक गलत हो चुके सिचुएशन अपने सैन मार्टिन के आसपास, यहाँ पर काफी गलत क्लस्टर बनता हुआ देखने मिलेगा, काफी बड़ा और काफी खतरनाक यहाँ पर क्लस्टर बन चुका है। फिलहाल के लिए सैन मार्टिन के ऊपर तो प्लेयर्स कमाए, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी फाइट हो सकती है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के अगर बात करें तो यहाँ पर फाइट हो सकती है। बाकी बात करें अपने सैरिजावा की तो सैरिजावा यहाँ पर फॉलबैक करते हुए देखने मिलेंगे, काफी एग्रेशन के अंदर काफी तेजी के अंदर अपने फेरोनिक्स भाई को रिवेल भी देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर नॉकआउट हो चुके फेरोनिक्स भाई। बाकी निंजा भाई यहाँ पर काफी तेजी के अंदर आएंगे, मिनी लेके आने का ट्राई करें, एक नॉकआउट आपके प्लेयर ने कर दिया। बाकी हर्ष भाई यहाँ पर काफी अच्छी रोटेशन डाल के निकलते हुए देखने मिलेंगे। इस लास्ट मैच ब्रो, नो ब्रो, दिस वॉज द सेकंड लास्ट मैच, अगला एक और मैच होगा जो कि 11 बजे रहने वाला है ब्रदर, सो दिस विल बी द सेकंड लास्ट मैच बड़ी। ओके तो शॉट जहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है आपके ऊपर, शॉट चाहते हो देखने के, शॉट यहाँ पर कौन सी टीम दे रही है वो मैं देखना चाहूँगा बिकॉज मिड रेंज शॉट्स आ रहे जहाँ से भी आ रहे बिकॉज अभी तक के लिए आवाज़ें नहीं आ रही कहाँ से शॉट्स आ रहे, तो गाड़ी यहाँ पर फॉल बैक कर लेगी काफ़ी तेजी के अंदर। फेरोनिक्स यहाँ पर रिवॉल्व दे दिया जाएगा अपने सैरिजावा की तरफ से और अमेजिंग एंड एम्ब्रोक की बात करूँ तो अपने सैन मार्टिन की लोकेशन के ऊपर यहाँ पर उतरे फिलहाल के लिए आराम से लूट करना चाहेंगे। ओके तो यहाँ पर साउथ सैन मार्टिन के अपने हाइट एवरेज की तरफ को आके लूट करने का ट्राई करें, लेकिन मेजिंग भाई शायद थोड़ा सा सैन मार्टिन में क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर आ चुके, एलिमेंट्रिक्स के अपने एलिमेंट्रिक्स गेमिंग एक्जेक्टली यहाँ पर आ चुके, अभी तक के लिए होल्ड करना चाहेंगे। अगेन आ चुके टीम नंबर 11 यूट्यूब का वॉल्वर भाई, वॉल्वर भाई यहाँ पर अभी तक के लिए होल्ड करें। पीछे मुझे पायरेट के प्लेयर देखने मिलेंगे जो कि यहाँ पर फाइट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फाइट की संभावना मुझे यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकती है उदय भाई के आसपास बिकॉज उदय भाई यहाँ पर होल्ड करे उसी लेके बैठे उदय भाई को थोड़े से बना कुछ के सामने लेविनो देखने मिलेगी। लेविनो यहाँ पर फॉल बैक करने का ट्राई करे बिकॉज लेविनो डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ फाइट एट द मोमेंट बिकॉज इसलिए काफी तेजी अंदर फॉल बैक करते हुए देखने को मिलेंगे। लेविनो भैया को पता लग चुका है यहाँ पर मिनी टपाटप चल चुकी है अपने वांटेड भाई की तरफ से, मिनी वांटेड भाई यहाँ पर मिनी अच्छी चलाई है, शॉट दे ट्रैक्स को, ट्रैक्स को यहाँ पर कनेक्ट भी हुए थे शॉट, लेकिन ट्रैक्स भाई के पास एक अच्छा सा शॉट था, एक अच्छा सा रिच था जिसका फायदा टाइगर होल्ड करते हुए देखने मिलेगा। लेकिन अभी भी शॉट जिन्हें रोका नहीं अपने वांटेड भाई ने, बैक टू बैक यहाँ पर ट्रैक्स के ऊपर शॉट दिया, ट्रैक्स यहाँ पर गाड़ देंगे, फॉल बैक काफी तेजी के अंदर कर देंगे, वांटेड भाई को यहाँ पर शॉट दिए जाएंगे। काफी ज्यादा गलत हो चुकी है आपके सिचुएशन बिकॉज आपको यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा, काफी शॉट दे देंगे हमारे फ्यूरी भाई की तरफ से, फ्यूरी 4x यहाँ पर मिनी काफी अच्छे चलाएंगे, शॉट आपको देंगे, लेविनो को बोल देंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है, थोड़ा सा फॉल बैक करके क्लोजिंग कर सकते हैं लेविनो भाई, इसका फायदा उठाएंगे। बाकी गाड़ी लेके आएंगे अच्छा फ्लैंकर बनाएंगे, ट्रैक्स भाई यहाँ पर वेक्टर के साथ होल्ड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मिनी बैक टू बैक यहाँ पर चल रही है, कनेक्शन का ट्राई किया जा रहा है लेकिन अभी देख ले फ्यूरी बैक का कनेक्शन बन नहीं रहा। बाकी वांटेड बैक को डाउन कर देगा, स्पॉट यहाँ पर कर चुके हमारे एक और प्लेयर को, एक अच्छा टीपी भी लेते देखने को मिलेंगे हमारे एटर्नो एक्सटी, एटर्नो के गेंद में अगर हल्का सा प्लेयर फ्यूरी भी यहाँ पर पीक देते तो यहाँ पर वीएसएस चलते देखने को मिल सकते हो, वीएसएस से मे भी आप एक नॉकआउट कर सकते हो।
एनबीडी की बात करना चाहोगे तो एज यूजुअली अपने टॉप लोकेशन इम्फाला पे उतरे फाइट नहीं लेंगे। इस बार के लिए आईएनएक्स के प्लेस की बात करें तो आईएनएक्स के प्लेस के अभी तक के लिए फाइट चल रही है। एआरएन6 के प्लेयर की बात करें तो पिकाडो के आसपास देखने को मिलेंगे, फाइट की संभावनाएं बने नहीं है। बी के प्लेयर ने अपने प्लेयर को रिवील दे दिया, फॉल बैक कर चुके काफी तेजी के अंदर। यूआई के प्लेयर पिछले मैच का चिकन निकाल के लेके गए थे, इस बार के लिए भी अपनी टॉप लोकेशन चुमासेरा है या फिर कौन सी एग्जैक्टली, अभी तो चुमासेरा नहीं है गाइस, ये वाली इस बार लाडरिला की तरफ को आ चुके हैं। आराम से लूट करना चाहेंगे, दिक्कत अभी तक के लिए होने वाली नहीं है। बाकी सारे से प्लेस की बात करूँगा तो क्यूजे वैली की तरफ को आराम से लूट करना चाहेंगे, पूरा राज आपके क्यूजे वैली के। बट टीईएस के प्लेयर की बात करें जामी भाई की तो चुमासेरा की तरफ के ये हमारी टीम देखने को मिले। एक्जैक्टली ये लोकेशन मेरे को चुमासेरा देखने को मिले, चुमासेरा के ऊपर राज करते देखने के गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके प्लेयर्स में काफ़ी दिलचस्पी से यहाँ पर चुमासेरा ऑक्यूपाई करने का मन था। बाकी बात करो गजोर द कैरेट के प्लेस की, गजोर द कैरेट अपने आराम से लूट करना चाहेंगे अपने पोजीशन के ऊपर, अपने लोकेशन के ऊपर। यूट्यूब वॉल्वर के जो हमारे प्लेस है मॉक बाई के साथ आ चुके हैं, पूरी पूरी टीम यहाँ पर टमटम लेके निकल चुके हैं। बाकी बात करो हमारे ब्रूटल बाई की जो कि मैं वीवो बाई के साथ खेलते देखने को मिल रहे हैं, अपने क्रूज वेले के आसपास स्प्लिट में लूट करते देखने को मिल सकते हैं। एनबीडी की फाइट हो चुकी है, क्या यहाँ पर चलाएंगे क्लोजिंग करेंगे, नॉकआउट कर देंगे हमारे एक प्लेयर को। तानस को ऑन द स्पॉट किल सिक्योर कर लेगा, वोटेक्स ओपी इन द चैट, वोटेक्स की मिनी टपटाप चलेगी, तानस को किल सिक्योर कर लेंगे। यंग गॉड यहाँ पर एक अच्छा शॉट देने का ट्राई करते हैं, क्रॉस शॉट्स में एक अच्छा कवर फायर तो देते हैं, लेकिन आपका सक्सेसफुली अभी देखिए कवर फायर कनेक्ट होने वाला नहीं है जितना मेरे को लग रहा है, बिकॉज मिड रेंज फाइट यहाँ पर रहने वाली है। ओके तो वोटेक्स बाइक यहाँ पर मिनी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बैक टू बैक यहाँ पर शॉट दे जा रहा है, लेकिन अभी देख लिया शॉट का कनेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल रह रहा है। बाकी M16 भी यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर दिया हमारे अल्फा भाई ने, अल्फा भाई ये अच्छी M16 यहाँ पर चलेगी, शॉट यहाँ पर कनेक्शन रहेगा, एक्जैक्टली स्पॉट कर लिया गया, लेकिन एक रिच ग्लिच आता हुआ देखने को मिल रहा है। रोहित भाई को कॉल तो आ चुकी होगी, रोहित भाई यहाँ पर स्पॉट करने का ट्राई करें, M416 लेके आ चुके हैं, स्पॉट करेंगे हमारे प्लेयर को, लेकिन अब देख ले यंग गॉड यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन यंग गॉड के पीछे एक अच्छे फ्लैंक एंगल पे भेज देंगे अपने स्कल को। स्कल यहाँ पर एक गेम चेंजर बन सकते हैं, बिकॉज जो यहाँ पर एक रोटेशन डाल के आ चुके हैं NXG स्कल, यहाँ पर एक अच्छा हाइट एडवांटेज लेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, अच्छा किल बटोर पाएंगे, काफ़ी अच्छा खेल तो साबित होंगे फिलहाल के लिए, लेकिन हाइट एडवांटेज पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, लेकिन आप चढ़ रहोगे स्पॉट आप कर लोगे आराम से यंग गॉड पर, ऑन द स्पॉट एलिमिनेशन किया जा सकता है काफ़ी इजी पीसी तरीके से। एक्जैक्टली POV पे जाना चाहूंगा फिलहाल के हमारे स्कल भाई की, बिकॉज स्कल भाई के पास एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पर आ चुका है एंड एक अच्छा फ्लैंक एंगल लाके आ चुके हैं, स्पॉट कर लेंगे इजी तरीके से हमारे यंग गॉड को, नॉकआउट आराम से कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यंग गॉड को अभी देख लिया मुझे लगता है स्पॉट नहीं किया हमारे भाई ने, बीच में देखो मेरी जान, बीच में आपने चारों तरफ देख लिया, जहाँ पर देखना था वहाँ पर अभी देख लिया, देखा नहीं है। ओके तो मैं निकलना चाहूँगा INX प्लेयर के ऊपर, बिकॉज INX प्लेयर भी मुझे फाइट हो चुकी है, लेविनो का यहाँ पर डाउन कर देगा, स्मोक आउट करना चाहिए हमारे ट्रैक बैक, ट्रैक बैक यहाँ पर हो चुके गलत सिचुएशन, बिकॉज अगेन में पूरी टीम आ चुकी है। स्नैक्स की बात करूँगा, स्नैक्स आपके ही टीम आपकी ही बिल्डिंग के एक्जैक्टली टेरेस के ऊपर आप होल्ड करते देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर कोई प्लेयर निकल जाता है इस टेरेस के ऊपर राइट में तो गलत हो सकती है सिचुएशन। बाकी बात करूँगा स्नैक्स की, स्नैक्स यहाँ पर रिवेल देने के लिए आ चुके हैं, ट्रैक यहाँ पर एक अच्छा कर्फर दे सकते हैं कि अगर प्लेयर पर क्लोजिंग करके शॉट देना चाहेंगे। बाकी उदय भाई सामने आते देखने मिलेंगे, उदय भाई ने यहाँ पर शॉट देना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब उदय भाई को पोजीशन फिलहाल के लिए रिवील हो चुकी है। अक्षत अग्रवाल वेलकम टू द स्ट्रीम बडी, कैसे हैं आप भाई, TNC को दिखाओ, TNC को ही दिखा रहा था ब्रदर यार, TNC की यहाँ पर फाइट चल रही थी फिलहाल के लिए। थ्रोबेल का इस्तेमाल करना चाह कर दे, काफी प्यारा पर थ्रोबेल आएगा अपने उदय भाई के ऊपर, लेकिन उदय भाई का थोड़ा सा डरा दीजिएगा, थ्रोबल तो यार था लेकिन ये स्मोक था, यहाँ पर इस चीज़ का फायदा नहीं होगा। मजनू भाई यहाँ पर 1v1 कर सकते, लेकिन मजनू भाई कितने देर के अंदर 1v1 करेंगे वो रहेगी बात सिचुएशन अभी देख ले, बिकॉज फ्यूरी के साथ यहाँ पर 1v1 हो सकता है, फ्यूरी तो नहीं कहना चाहूँगा अपने ट्रैक के साथ यहाँ पर 1v1 हो सकता है। बाकी लेविनो एंड स्नैक्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर गलत फंस चुके एक तरीके से, सिंगल टैप यहाँ पर दिया जाएगा, फ्यूरी को डाउन कर देगा, फ्यूरी को यहाँ पर इंस्टेंट रिवाइवल चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मजनू भाई यहाँ पर रिवाइवल देन देंगे, बिकॉज मजनू भाई को कॉल आ चुके हैं, वहाँ पर हो चुका है प्लेयर नॉकआउट। मजनू भाई यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, किल सिक्योर करना चाहेंगे, लेकिन मजनू भाई यहाँ पर किल सिक्योर करते हैं फिर क्या करते हैं, तो मजनू भाई धीरे धीरे करके टेरिस पर जाने का ट्राई कर रहे हैं। मजनू भाई ने लेविनो को स्पॉट कर लिया, लेविनो का और पिक्सल स्पॉट हो गया, पिक्सल की बात करो लेविनो भाई की तो लेविनो भाई यहाँ पर आराम से होल्ड कर रहे हैं, लेविनो भाई को भी एक्जैक्टली एक प्लेयर की लोकेशन तो पता है लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए एट द मोमेंट लाचार है, बिकॉज फाइट नहीं लेते। बाकी बात करें यहाँ पर क्लोज किया जाएगा हमारे प्लेयर को, वॉन्टेड भाई यहाँ पर क्लोज करिए, शॉट देंगे वॉन्टेड भाई यहाँ पर काफी तेजी के अंदर फॉल बैक कर लेंगे, ऑलमोस्ट ऑन सिंगल HP प्यारा कर फायर मिलेगा वॉन्टेड भाई को, भाई बाघ कसम बंदा निकला ऊपर गया डैमेज का, ऑलमोस्ट ऑन सिंगल HP काफी तेजी के अंदर फॉल बैक करेगा, आराम से हील कर लिया जाएगा, इसका मतलब वॉन्टेड भाई को पता लग चुका है कि टेरिस पर जाना काफी मुश्किल हो सकता है।
स्कल फाइनली आप स्कॉट स्पॉट कर लेंगे, हमारे प्लेयर को शॉट देना चाहेंगे, हम 16 से नॉकआउट यहाँ पर कर देंगे। कैल से कवर करना चाहेंगे अपने रोहन का तो ऑन स्पॉट कैल से कवर हो जाएगा बिकॉज एक अच्छा स्लैम जा चुका है रोहन के ऊपर। बाकी बात करूँ यंग गॉड की, यंग गॉड यहाँ पर अभी तक के लिए अपने पोजीशन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, अपनी एक पोजीशन छोड़ के अच्छे कवर के अंदर आ चुके। स्मोक पाते हैं बनाएंगे, थ्रोबल करना चाहेंगे रोहित भाई के पैर से, थ्रोबल जाएगा कैल से कवर कर लिया जाएगा रोहन भाई का। और बाकी प्लेस की अगर मैं बात करूँ आपके बाकी टीममेट्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे मधुर भाई है, तो मधुर भाई ओके तो मधुर भाई एक अपने एक अच्छे फ्लैंक एंगल पे निकल चुके हैं स्पॉट करने के लिए, एक अच्छा फ्लैंक एंगल यहाँ पर बना लिया मधुर भाई, एक अच्छा हाइट एडवांटेज फिलहाल के लेने का ट्राई करें। अगर ये हाइट एडवांटेज लेते हैं तो इजी पीसी तरीके से हमारे अल्फा भाई को ऑन स्पॉट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मधुर भाई कहाँ गए हमारे। ओके तो मधुर भाई अभी तक के लिए एक अच्छा फ्लैंक एंगल दोबारा से निकल चुके हैं, इस हाइट एडवांटेज का उठा नहीं पा रहे फायदा क्योंकि जा नहीं पा रहे। बाकी अल्फा की बात करूँ तो अल्फा ने अभी तक आपको स्पॉट नहीं किया, अगर अल्फा आपको स्पॉट करते तो मे बी यहाँ पर आपकी गलत सिचुएशन आ सकती है। टीएनसी के बैक फाइट हो जाएगी, सैक्स को डाउन करिएगा, सैक्स को किल सिक्योर करना चाहेंगे, रिवाइल देना चाहेंगे लेविनो भाई, लेविनो भाई यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, शॉट यहाँ पर देंगे, पूरी पूरी टीम एलिमिनेट करेंगे और इसके बाद हमारी टीएनसी की टीम का इस मैच के अंदर से एलिमिनेशन आता देखने को मिलेगा। अगर अपने सैक्स भाई को रिवाइवल दे दिया जाएगा, वीओएच के प्लेस की भी इसके अलावा फाइट हो चुके हैं, वीओएच के अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो वीओएच के प्लेस मुझे कहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके तो वी एच के प्लेयर सेटिंग स्लॉट नंबर 18 यहाँ पर फाइट हो चुकी है, लोकल फ्लिक्स के यहाँ पर डाउन करवा देंगे, क्लोजिंग यहाँ पर कर दिया जाएगा, ओपन फाइट यहाँ पर आते देखने को मिल सकते हैं 3-6 vs 3-5 यहाँ पर। फिर आगे थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके टीम नंबर 18 यहाँ पर मिड रेंज में फर्स्ट तो देखने मिलेगी, सैंडविच यहाँ पर बनना चाहेंगे टीम नंबर 5 यहाँ पर, ऑलरेडी हमारे एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं, नॉक्स यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोजिंग कर चुके हैं टीम नंबर 6 के ऊपर, थ्रोबल का इस्तेमाल करने का स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे लेकिन थ्रोबल आपके सक्सेसफुल नहीं जाएंगे, इसके यहाँ पर चलेगी ऑन द स्पॉट एक प्लेयर का किल सिक्योर कर जाएगा। नॉक्स यहाँ पर क्लोजिंग तो करें अमेजिंग गेज में, अमेजिंग अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे फ्लैंक एंगल पर निकलना चाहेंगे, फ्लैंक एंगल पर निकलना स्टार्ट कर दिया, स्पॉट करने की प्रक्रिया अभी जारी है। बाकी नॉक्स के पास इसका फायदा आ रहा था, अभी तक के लिए नॉक्स के बाद फायदा आया नहीं है, वो यहाँ पर पता लगने वाली बात रहेगी। पोहर की बात करूँगा, पोहर यहाँ पर रोड कर रहे, सूरज भाई यहाँ पर बैठे, सूरज भाई एक अच्छी टीपी भी ले रहे, सूरज भाई को अभी तक के लिए पता नहीं लगा लेकिन यहाँ पर फर्स्ट चुके अपने नॉक्स भाई बिकॉज दो टीम के बीच में पेंच हो चुके हैं। अमेजिंग भाई सामने चाहिए, बैरल यहाँ पर चलेगी, अमेजिंग को डाउन कर देंगे ऑन द स्पॉट यहाँ पर नॉकआउट कर जाएगा, एक अच्छा थ्रोबल आप तो कर रहे थे लेकिन अमेजिंग भाई को यहाँ पर नॉकआउट ऑन द स्पॉट कर जाएगा, किल सिक्योर करने से क्लोजिंग करेंगे, अमेजिंग भाई का ऑन द स्पॉट किल सिक्योर कर लेंगे, काफी ज्यादा एग्रेशन यहाँ पर दिखा रहे थे मैंने अमेजिंग भाई, लेकिन एक एग्रेशन आपको डिसएडवांटेज देगा और आपको ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमिनेट करवा देगा। और इसके बाद हमारे बी ई के प्लेयर्स का एक प्लेयर यहाँ पर डाउन हो जाएगा और लास्ट थ्री मंथ सारणी के बच्चे के लिए बचेंगे। पीछे अगर मैं बात करूँ टीम फाइव अभी भी रुकने का नाम लेगी, फाइट नहीं लेना चाहिए, अच्छा बैकस्टेप यहाँ पर देगी, स्पॉट करेगी, शॉट चलेगी, टॉमी यहाँ पर चलेगी, शॉट ट्राई करेंगे टीम नंबर 18 को पता लग जाएगा, एजी के जेड भाई दूसरे का हमारे निकोलॉस को ऑन द स्पॉट नॉक एंड फिनिश कर देंगे, मॉक अपने खाते में किल डालते देखने को मिलेंगे, इनसेन भाई यहाँ पर एक अच्छे फ्लाइंग एंगल पर निकल चुके हैं, इनसेन भाई ने अपनी टॉमी चला के पोजीशन रिवील कर दी है, एक एम यहाँ पर चलेगी, सूरज भाई को डाउन कर देगा ऑन द स्पॉट किल से नहीं, काफी ज्यादा डैमेज आपको मिलेगा एक्जैक्टली अपने स्प्रे गॉड का, स्प्रे गॉड का एक एम का प्यार सा स्प्रे आता देखने को मिल रहा है। ओके हमारे इंसेन भाई को यहाँ पर डाउन कर देंगे, लास्ट में स्टैंडिंग है अभी तक के लिए, बिकॉज नॉक्स का आना थोड़ा सा मुश्किल है, 1v4 की यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी बिकॉज अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवल दे दिए, काफी एग्रेशन यहाँ पर दिखाया था, थ्रोबल का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे गोड को भी यहाँ पर डाउन कर देगा, लास्ट में स्टैंडिंग है नॉक्स, नॉक्स यहाँ पर क्या फाइट लेना चाहेंगे, नॉक्स यहाँ पर फॉल बैक तो करेंगे, थोड़ा सा एक्जैक्टली शॉट देना चाहेंगे, बैरल यहाँ पर चलेगी अपने 6x के ऊपर लेकिन सक्सेसफुली कनेक्ट होगी बिकॉज फ्लिक्स एक अच्छे कवर के अंदर एक अच्छे कंपाउंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ARN6 नॉक्स वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब तक सर्वाइव करें नॉक्स, मेरे जन मैं इतना ही बोलूंगा कि आपके राइट में आपको एक ट्रिपला खड़ी हुई देखने को मिलेगी, ट्रिपला को पकड़ लो और काफी तेजी के अंदर निकल जाओ, एक्जैक्टली एक राइट डिसीजन और राइट टाइम रहेगा, नहीं तो अगर आप फाइट लेना चाहोगे तो मे बी आप दो टीम के अंदर दोबारा से पेंच हो सकते हो और एलिमिनेट हो जाओगे तो गलत हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन नॉक्स भाई की बात करूँ, नॉक्स भाई जाने का तो ट्राई करें लेकिन ऑन फुट यहाँ पर फॉल बैक करने का ट्राई करेंगे, मतलब व्हीकल का इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है अपने नॉक्स भाई ने, वेल एक अच्छा डिसीजन आपकी तरफ से हो सकता है। बाकी यंग गॉड की बात करो, लास्ट मैन स्टैंडिंग है, मधुर को स्पॉट कर लिया, लिमिट कर देगा अपने इम्पाले के ऊपर, अभी देखिए होल्ड कर तो देखने मिलेगा, गेंद आ चुके हमारे एनबीटी की स्क्वाड यहाँ पर अभी देखिए स्पॉट तो करने का ट्राई करिए, अपने प्लेयर को यहाँ पर ढूंढ तो दे लेकिन ढूंढना अभी देखिए थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज यंग गॉड अपने काफी ज्यादा तेजी के अंदर काफी ज्यादा फॉल बैक कर चुके हैं। टीडॉन के प्लेस की बात करना चाहूँगा, टीडॉन के प्लेस एक अच्छे कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर शॉट यहाँ पर चल रही है, मिनी टपटा भी यहाँ पर चलने अटा करे टीम नंबर 17 के ऊपर, लेकिन टीम नंबर 17 एक अच्छे लाभिंदता के कंपाउंड के ऊपर बैठी है, दिक्कत अभी तक के लिए आने वाली नहीं है। बाकी बात करूँगा नेट का इस्तेमाल किया जाएगा, फ्यूरी का यहाँ पर प्यारा सा नेट जाएगा, फ्यूरी के ऊपर चलूंगा, अच्छा एक नेट यहाँ पर करेंगे, नॉकआउट हमारे प्लेयर को करेंगे, एक एम यहाँ पर चलेगी, एक प्लेयर को ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देगा, काफी तक गलत हो जाएगी सिचुएशन। बाकी प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो जल्दी से घर एंटर हो जाएगा मेरी जान। बाकी बात करूँ सारक्स भाई आप तक एक अच्छे घर के अंदर बैठे, टॉमी यहाँ पर चलने का ट्राई करेंगे, मोलोटोव यहाँ पर करेंगे, उससे पहले जेरिक्स यहाँ पर डाउन कर देगा, लास्ट मंथ अपने सारिक भाई, क्या सारिक भाई यहाँ पर 1v4 का क्लच दिखा पाएंगे बिकॉज
वाइपर हॉक का यहाँ पर आएंगे, क्लोजिंग करेंगे, जेरिक्स को स्पॉट करेंगे, नॉकआउट यहाँ पर कर दिया जाएगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग है, सारेक्स यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक करने का ट्राई करें, सारेक्स यहाँ पर थोड़ा सा पैसिव गेम प्ले दिखाएंगे, शॉट यहाँ पर देंगे, अच्छा शॉट देंगे, डाउन करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ऊपर शॉट आएंगे, वन वन को देखिए सिचुएशन डाउन करोगे, लेकिन उससे पहले ऑन द स्पॉट आपको स्मार्ट करने से ऑन द स्पॉट हमारे शॉक्स ओपी की तरफ से एकेएम के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक और टीम का एलिमिनेशन आता देखने का, टॉप 15 टीम अभी तक के लिए सर्वाइव करे, 50 प्लेयर अभी तक के लिए देखने को मिलेंगे जो कि हमारे अलाइव है इस मैच के अंदर, बाकी 15 मिनट अपने हो चुके, थर्ड जोन यहाँ पर अभी तक के लिए 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। FLS के प्लेयर की बात कर लेते हैं, इस बार के लिए आया 3 मंथ स्टैंडिंग, हर बार 4 मंथ स्टैंडिंग आते थे, लेकिन इस बार के 3 मंथ स्टैंडिंग आया, डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन। H2 यहाँ पर खेलने का ट्राई करे, एल बिल्डिंग पे आ चुके अपने, पूरा का पूरा पीछे सिटी को छोड़ के पिकार्ड होगी क्योंकि आपको जोन के अंदर भी अभी तक के लिए जाना, और जोन आपके ऊपर निकल चुका है। बाकी बात को रेंज के अंदर मुझे आ रहे थे टीम नंबर 7 UI के प्लस, पूरी गाड़ी यहाँ पर रोटेशन जालते देखने मिल जाएगी, पूरे नाक के नीचे से आपकी टीम निकल जाएगी, फाइट आप नहीं लोगे, एक अच्छा डिसीजन आपकी तरफ से रहेगा, बिकॉज जोन के बाहर फाइट लेना एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है। बाकी निंजा भाई की बात करूँ तो निंजा भाई अपनी टीम से स्काउटिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, एक सक्सेसफुल स्काउटर अभी तक के लिए बनते हैं देखने को मिल रहा है। बाकी लॉस लियोन्स की तरफ को जाना चाहेंगे जितना रोड मेरे को देखने को मिल रहा है, ओके निंजा भाई लॉस्ट लियोन्स की तरफ को आ चुके, छोटे मोटे कंपाउंड पे आपस स्काउट कर चुके, होल्ड करना चाहेंगे, फाइट दे तो देखने को मिल सकता है, नहीं अभी तक के लिए संभावना तो नहीं है। बाकी मॉक की यहाँ पर फाइट हो चुकी है, मॉक की टीम ऑलरेडी 4 किल अपने खाते में डाल चुकी है, मिड रेंज यहाँ पर फाइट ऑलरेडी दोबारा से ले लिया, एक प्लेयर को डाउन देगा, थ्रो बॉल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, एक और किल सिक्योर कर जाएंगे, फ्यूरी के गेंद में फ्यूरी के शॉक शॉप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा फर्स्ट तो देखने को मिलेगा, शॉक शॉपी के पीवी पे चला जाएगा, बिकॉज सोलो में स्टार्टिंग है, 1v2 यहाँ पर करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे यहाँ पर करते देखने मिलेंगे, एक प्लेयर को तो डाउन कर देंगे, सिंगल HP अभी देख के लिए सर्वाइव करें, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट नॉकआउट कर जाएगा फॉर श्योर, बिकॉज आपके पास हेल्थ अभी देख के लिए देखने में नहीं मिलेगी। लास्ट में स्टैंडिंग अगर मैं अपने प्लेस की बात करूं अपने सैम FTW, तो सैम FTW आई थॉट यहाँ पर से फॉल बैक करने का ट्राई कर रहे हैं जितना मेरे को लग रहा है, बिकॉज बस लेके निकलना चाहेंगे यहाँ पर, रिवेल देंगे यहाँ पर पता लग जाएगा, आई थॉट कि यहाँ पर निकलने का ट्राई करें, एक्जैक्टली फॉल बैक करने की प्रक्रिया पर चालू कर दी गई, कॉल आ गई हमारे IGL की काफ़ी तेजी के अंदर, यहाँ पर अपनी टमटम उठा लो, रवानगी ले लो, और पूरी का पूरा प्लेयर यहाँ पर अपनी टमटम लेके नाक के नीचे से रवाना हो जाएगा, और यहाँ पर फाइट नहीं लेगा, बिल्कुल राइट डिसीजन राइट टाइम, बिकॉज लास्ट में स्टैंडिंग पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर शॉट देने का ट्राई तो करते हैं। बाकी AGZ भाई यहाँ पर काफी अच्छा खेल तो साबित हो रहा है, काफी देर से AGZ के ऊपर मुझे अब चलना पड़ेगा, बिकॉज AGZ जो यहाँ पर धूमना मचा रही है चैट के अंदर, चैट कह रहा हूँ मतलब अपने किल फीड के अंदर, काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आ रहा है, एक और किल सिक्योर कर लेंगे, काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आ चुका है जेड भाई के बाद, जेड भाई यहाँ पर 4 किल अपने खाते में डाल चुके सक्सेसफुली, टोटल टीम स्किल की और बात करो टीम नंबर टोटल 6 किल देखने को मिलेंगे, 4 3-pointer वेलकम चीनो टीम 5 दिखाओ फॉर श्योर, मेरी जान टीम नंबर 5 दिखाना चाहूँगा, टीम नंबर 5 से पहले मैं INX की बात करना चाहूँगा, बिकॉज INX के पहले अपने लेविनो मुझे यहाँ पर डाउन होते देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हो चुके हैं फाइट, थोड़ी सी फाइट की संभावना यहाँ पर बन चुके हैं, फेरोनिक्स मुझे रेंज के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फेरोनिक्स पे कहाँ पहुँच गया, मैं तो साक्स के ऊपर होल्ड कर रहा था, एग्जैक्टली इसमें पाला के लोकेशन के ऊपर फाइट हो जाएगी, 3 टीम देखने मिलेगी, यंग गॉड अभी देख लो जोन के अंदर नहीं जा रहे, यहाँ पर शॉट दे जाएंगे, ल्यूसी को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, UL के ल्यूसी को यहाँ पर डाउन कर देंगे, किल सिक्योर करना चाहेंगे, पीछे फाइट हो जाएगी हमारी टीम नंबर 18 के प्लेयर की, टीम नंबर 18 के प्लेयर की फाइट हो चुकी है, काफी डाउन हो जाएंगे, 2 प्लेयर यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, लास्ट में स्टार्टिंग है सूरज भाई की बात करो, सूरज भाई यहाँ पर एक अच्छा नेट करेंगे, बिकॉज निंजा की अभी तक के लिए पोजीशन रिवील है, अच्छा यहाँ पर नेट किया जाएगा, डाउन यहाँ पर मिलने वाला डैमेज यहाँ पर काफी तक मिलेगा, और निंजा भाई से पहले अच्छे कवर के अंदर आ जाएंगे, साइड यहाँ पर निकल जाएंगे, 20 HP सर्वाइव कर तो देखिए मिलेगी, टीम नंबर 9 यहाँ पर एग्रेशन दिखाएगी, क्लोजिंग करेंगी, ऑन द स्पॉट प्लेयर को एलिमिनेट कर देगी, हर्ष भाई जोन के बाहर सर्वाइव करें, ऑलमोस्ट 20 HP अभी देख रहे, ट्रिकी की बात करूँ ट्रिकी यहाँ पर एक अच्छे कवर के अंदर आ चुके, एक शैक आपको मिल चुका है, जोन आपके पास देखने को मिल सकता है, पीछे से टीम नंबर 12 की भी मुझे रोटेशन डालते देखने को मिल रहा है, हमारे एलम भाई यहाँ पर रोटेशन डाल रही है, लेकिन इसे पाला की टॉप लोकेशन के ऊपर 4 से 5 टीम देखने को मिलेगी, रेडिट्स को यहाँ पर डाउन कर देगा, लास्ट में स्टार्टिंग होगी तो रेडिट्स यहाँ पर डाउन होगी, रेडिट्स को फिलहाल के लिए इंस्टेंट रिवाइवल सी होगा, इंस्टेंट रिवाइवल अभी देख ले देंगे नहीं देंगे वो यहाँ पर पता लगने वाली बात रहेगी, पीछे अगर मैं बात करूँ तो UI के प्लेयर यहाँ पर आ चुके हैं, इस कंपाउंड पर आप लड़ने का ट्राई करो, उस कंपाउंड के आसपास मेरे को एक प्लेयर देखने को मिल रहा था, सूरज भाई कहाँ गए, आई थॉट कि सूरज भाई को इस मास्क के अंदर एलिमिनेट कर देगा, बाकी ल्यूसी को तो जोन ही एलिमिनेट कर देगा, NX के प्लेयर की फाइट हो जाएगी, हमारे प्ले को डाउन कर देगा, बाकी लास्ट में स्टार्टिंग अपने ट्रैक्स भाई स्नैक्स भाई काफी एग्रेशन के अंदर फॉल बैक करेंगे, लेकिन जहाँ पर आप जाने का ट्राई कर रहे हो वहाँ पर ऑलरेडी 2 टीम यहाँ पर फाइट लेते हो देखने को मिलेगी, पूरी गाड़ी के यहाँ पर रोटेशन जाना चाहिए, इतने ओपन से आप रोटेशन डालोगे फाइट हो सकता है, शॉट देना चाहते हैं टीम 12 को यहाँ पर डाउन कर देगा, 3 प्लेयर डाउन चुके, चाहता हूँ मैं स्टार्टिंग था उनको भी एलिमिनेट कर देगा, ऑन स्पॉट हमारे NX
जी के स्कल की तरफ से काफी ओपी यहाँ पर गेम प्ले आएगा। नो मंस लैंड भी यहाँ पर पकड़े गए हमारे प्लेयर्स। बाकी बात करूँ टीम नंबर 14 अलाइव, टीम नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ, नो ब्रो, टीम नंबर 14 हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड। थोड़ा सा जल्दी एलिमिनेट होते देखने को मिल चुके हमारे TNC के प्लेयर्स, हमारे लॉस्ट लियोन के ड्रॉप लोकेशन के ऊपर उतरते ही एक किल अपने खाते में डाल के, INX के गेम में फाइट हुई थी, एक किल अपने खाते में डाल के एलिमिनेट हो गए। टीम नंबर 5 अभी तक के लिए एक्जैक्टली ब्रो सर्वाइव करिए, नॉक्स बाय सोलोमन स्टैंडिंग है अभी तक के लिए सर्वाइव करे। एक मिनी और बैरल का अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास है, हीलिंग के नाम पे 3 बैंडेजेस है, तो मुझे लगता है ज़्यादा देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे बिकॉज जोन काफ़ी दूर देखने को मिल रहा है और भाग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काट रहा है। एंड अगले जोन की बात करूँ फिफ्थ जोन की, तो फिफ्थ जोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला, जोन के अंदर निकल जाओ मेरी जान, फाइट मतलब जोन के बाहर फाइट लेने का आपको फायदा नहीं मिलेगा। टीम नंबर 19 दिखाओ, फॉर श्योर दिखा सौ हम एर्जन टीम नंबर 19। टीम नंबर 19 सैम FTW थे, हमने जो टमटम लेके जाने का ट्राई कर दिया, टमटम यहाँ पर रोटेशन डालना स्टार्ट कर दिया, टमटम के ऊपर आप शॉट डालना चाहेंगे, एक्जैक्टली ऐसे लापर वो चलेगी अपनी टमटम जहाँ पर कूद जाएंगे। हीलिंग के नाम पे 3 फर्स्ट सेट्स आपके पास है, आराम से फर्स्ट सेट लगा लोगे, दिक्कत अभी तक के लिए फिलहाल तो नहीं आने वाली, लेकिन इतने ओपन में आप रुके हो, आसपास आपके पास कुछ कवर नहीं है, जोन यहाँ पर बन चुका है, 5वां जोन यहाँ पर रहने वाला है, काफी डैमेज यहाँ पर ये जोन देगा, काफी तेजी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट सेट्स आपके पास 2 है, आप हील बैटल करके ऑन फुट जा सकते हो, लेकिन जोन यहाँ पर काफी तेजी के अंदर काटते देखो मेरे सक्सेसफुल जोन के अंदर तो पहुंच जाओगे फिलहाल के लिए, एंड दिक्कत अभी तक के लिए नहीं आने वाली है। ओनली ओनली जस्ट 10 टीम दर स्टिल अलाइव इन दिस मैच एंड 24 प्लेयर्स अभी तक के लिए देखने को मिलेंगे। टीम नंबर 11 मुझे रेंज के अंदर आ रही है, मॉक बाई के प्लेयर्स, मॉक बाई के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट तो नहीं लेंगे, लेकिन NX के प्लेयर की फाइट हो जाएगी, NX प्लेयर की कहाँ पर फाइट होते देखने को मिलती है, NX प्लेयर वापर आया, NX प्लेयर को लिमिट कर देंगे, ट्रैक चापर लास्ट में चढ़ेंगे, ट्रैक चापर आज हुए कवर देंगे, मनमेंट करेंगे, बोट एक्सो डाउन देंगे, किलो ऑन स्पॉट सिक्योर के लेगा, NBT ब्रेका यहाँ पर ऐसे लाट चलेगी, प्रीफर दिया जाएगा अपने स्कल की तरह से, स्कल यहाँ पर पहाड़ी से उदेगा जिसके कारण आपकी हेल्थ हो जाएगी काफी डाउन, 10 SP आप हो जाओगे और उसका फायदा उठाएंगे हमारे ट्रैक्स भाई, ऑन स्पॉट आपको स्मार्ट करने से लिमिट कर देंगे। लास्ट 2 मैं स्टैंडिंग है, रोहित भाई ने अल्फा काफी ज्यादा दूर अपने टीममेट से स्प्लिट खेलते देखने मिल रहे थे हमारे सिंपाला के ड्रॉप लोकेशन के ऊपर, जिसके कारण ट्रैक्स भाई उठाएंगे इसका फायदा, काफी प्यार तरीके से 1v2 करते देखने मिलेगा और आपको ऑन स्पॉट स्मार्ट करने से लिमिट करके काफी तेजी के अंदर रवानगी ले लेंगे, अपने 2 किल खाते में डाल लिया। बाकी टोटल टीम किल की बात करूं तो 17 किल्स देखने को मिल रहे हैं, 21 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं अपने इस मैच को स्टार्ट हुए, 5वां जोन अभी तक के लिए 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग के अनुसार, 10 टीम देखने को मिल सकते हैं, 21 प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग इन दिस मैच। आगे बात करो जोन की, ये जोन स्ट्रिकिंग होते होते जितना मुझे लगता है आधी टीम यहाँ पर या फिर आधे प्लेयर्स एक्जैक्टली बच जाएगा बिकॉज ये जोन काफी छोटा रहने वाला, 5वां जोन है तो काफी काटने वाला भी है। बाकी ट्रिकी भाई सोलोमन स्टैंडिंग है, ट्रिकी भाई ने जोन के अंदर जाना स्टार्ट किया, ट्रिकी भाई जहाँ से जाने का ट्राई करें वहाँ पर ऑलरेडी मुझे एक टीम देखने को मिलेगी अपने रेडिएट भाई यहाँ पर सोलोमन स्टैंडिंग अच्छे कवर के अंदर बैठे, गाड़ी आगे से निकली थी अपनी पोजीशन नहीं दिया स्मोक पर, अपना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज जोन के अंदर भी आपको जाना और गाड़ी आपके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन एक अच्छा बैकस्टॉप आपके ऊपर हो सकता है ट्रिकी भाई की तरफ से बिकॉज ट्रिकी भाई लेकिन शायद खुद गाड़ी से जाना चाहेंगे जोन के अंदर। ट्रिकी भाई ने गाड़ी तो यहाँ पर निकाल लिया, एच2 यहाँ पर निकलेंगे जितना मेरे को लग रहा है, टीम नंबर 20 यहाँ पर पड़ेगी, शॉट देना स्टार्ट करेंगे, लियोन ओपी का अच्छा हाइट एडवांटेज भी लेके बैठे, लेकिन लियोन ओपी के ऊपर शॉट देना स्टार्ट हो जाएगा, लियोन ओपी का पर रोहित भाई की तरफ से डाउन कर देगा, गलत थर्ड पार्टी यहाँ पर हो जाएगी लियोन भाई के ऊपर, लियोन भाई का पर नॉकआउट कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, काफी गलत हो चुकी है सिचुएशन अपने, रोहित भाई यहाँ पर काफी लॉन्ग रेंज फाइट लेते देखने को मिलेंगे, शॉट यहाँ पर दे जाएंगे मेरे भूसो भाई की तरफ से, भूसो भाई शॉट देना स्टार्ट कर देंगे, भूसो भाई एक किल सिक्योर कर लेंगे, रेडिएट जो कि लास्ट में स्टैंड लिमिट कर देगा, ट्रिकी भाई यहाँ पर जोन के बाहर एक हिल बैटल करते देखने मेरे लास्ट 4 फर्स्ट एड यहाँ पर देखने को मिलेगी, जोन के अंदर आपकी गाड़ी तो पहुंच चुकी है और आप भी यहाँ पर पहुंच जाओगे जोन के अंदर, एंड स्मोक पाथ तो बनाना चाहोगे, लेकिन उससे पहले अल्फा भाई ओके तो पीछे रोहित भाई आपको स्पॉट करेंगे, रोहित भाई आपको एलिमिनेट करेंगे, रोहित भाई की स्पॉटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा ओपी आ रही है, ऊपर से M416 जो स्प्रे आ रहा है दैट वाज एन वंडरफुल स्प्रे, अभी तक लाता हूँ देखने को मिल रहा है अपने रोहित भाई का। लियोन ओपी को स्पॉट करेंगे, नॉकआउट यहाँ पर कर देंगे, दैट वाज एन ओपी स्प्रे यहाँ पर आएगा, डॉट पर यहाँ पर आता है, लियोन ओपी का क्या सिक्योर करना अभी तक के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जोन की अगर बात करें तो 6ठा जोन 30 सेकंड के अंदर होगा स्ट्रिंग के अनुसार, 70 मीटर आपको जोन के अंदर आना, राइट से बात करूँ FLSK प्लेयर की फाइट हो चुकी है, FLSK प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट होते देखेंगे, लेकिन ट्रैक्स को कैसे बोल सकते हैं, ट्रैक्स अभी तक के लिए SU यहाँ पर खेलने का ट्राई करें काफी अच्छे तरीके से, FLS का प्लेयर का किल सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया, फायर बाइक करके बाकी बात करो हमारे रिको की, टीपू भाई यहाँ पर एक 2 प्लेयर को प्यारे तरीके से स्पॉट कर लेगा, ऑन स्पॉट नॉकआउट कर देंगे, किल सिक्योर कर देंगे बिकॉज मैकलर ने अपने ओपन में आगे रोकने का ट्राई किया जिसके कारण डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, जोन में तो आपको आना ही था लेकिन आपको नहीं पता था कि शाक के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेयर देखने को मिलेगा, फ्यूरी सैम FTW एक खतरनाक स्नेक इस खतरनाक मैप मेरा मार के अंदर देखने को मिलेंगे, काफी ओपन में आपस स्नेक बने, स्पॉट कर लिए गए तो एलिमिनेट कर देगा, लेकिन उससे पहले जोन के अंदर आपको जाना पड़ेगा, एक अच्छा फ्लैंक एकदम लाके जोन के अंदर जाने का ट्राई करेंगे, कवर टू कवर एक रिस्क चोरी आपको देखने को मिलेगी, इसका फायदा काफी अच्छे तरीके से उठाया जा रहा है, 40 मीटर आपको जाना है, 30 मीटर आपका रह गया, स्नेक बनोगे, स्पॉट करोगे, देखो शॉट देना चाहोगे, एक प्लेयर को डाउन कर सकते हो, उससे पहले
बूसो भाई यहाँ पर अच्छा ड्रॉप शॉट देंगे आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पर लिमिट देंगे। बूसो भाई का यहाँ पर पैरा स्प्रे आएगा लेकिन मुझे लगता है बूसो भाई जोन के अंदर पहुंचेंगे, उससे पहले यहाँ पर हो जाएंगे नॉकआउट और एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज लियोन ओपी जो थे वो भी जोन के एच पे एलिमिनेट हुए। पांच टीम देखने को मिलेगी, काफी गलत सिचुएशन यहाँ पर हमारे भाई ने बना दी जो कि जोन के बाहर से शॉट देते खुद भी एलिमिनेट हुए, सामने वाली टीम को भी लेकर डूबे, काफी गलत यहाँ पर कर दिया। टीपू भाई की बात करूँ टीपू भाई यहाँ पर लास्ट में सड़े स्मोक पाथ अच्छा बना चुके हैं, होल्ड करते मिलेगी एनबीटी की टीम देखने को मिलेगी। आईएनएस की टीम यहाँ पर जा चुका है, अभी तक के लिए दो टीम चिकन ले चुके हैं, पहला मैच चिकन निकालता एनबीटी की टीम ने, सेकंड मैच चिकन निकालता यूआई की टीम ने, तो यूआई की टीम तो इस मैच के अंदर एलिमिनेट हो चुकी है लेकिन एनबीटी की टीम अभी तक के लिए सर्वाइव करते देखने मिलेगी। तो शायद यहाँ पर एनबीटी की टीम थोड़ा सा फोकस कर सकती है चिकन को, बाकी पांच टीम देखने मिलेगी तो टू वी टू वी टू वी वन वी वन की यहाँ पर आ चुकी है सिचुएशन। और जोन की अगर मैं बात करूँ तो जोन यहाँ पर मुझे ईस्ट की तरफ को शिफ्ट होता देखने मिलेगा, इसकी तरफ अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक्स की तरफ को जोन यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है एंड अपने रोहित भाई ऑलरेडी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। ट्रैक्स की बात करूँ ट्रैक्स की अभी तक के लिए पोजीशन रिवील नहीं है, ट्रैक्स एक अच्छा स्नेक यहाँ पर बन के बैठेंगे, स्पॉट करेंगे अपने रोहित भाई को, रोहित भाई की पोजीशन यहाँ पर रिवील हो चुकी है एंड ट्रैक्स भाई लेकिन अभी तक अपनी पोजीशन रिवील नहीं करी है। रोहित भाई की अगर पीओपी चलूंगा तो रोहित भाई अभी तक आराम से स्पॉट करने का ट्राई करें। एक और यहाँ पर गाड़ी आएगी आपके प्लेयर की टीममेट की अल्फा भाई की, अल्फा भाई यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे लेकिन ट्रैक्स ट्रैक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस स्नेक बन के बैठे हुए हैं और ट्रैक्स को स्पॉट करना भी काफ़ी मुश्किल है बिकॉज जिस बुशेस का आपने कवर ले रखा दैट वाज एन वेरी डेंस बुशेस जिसके कारण आपको स्पॉट नहीं किया जा सकता कितनी आसानी से अगर आप अपनी पोजीशन जब तक ना दो या फिर आपका पिक्सल कनेक्ट ना होगा। बाकी ट्रैक्स भाई यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर को नॉकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर देंगे अच्छा सरप्राइज एलिमेंट नॉकआउट हमारे प्लेयर को करेंगे, ऑन द स्पॉट एलिमेंट कर देंगे। लास्ट बस जानेंगे अल्फा भाई के ऊपर क्लोज यहाँ पर कर देंगे बिकॉज अल्फा भाई को कॉल आ चुका है भाई साहब मां कसम क्या खतरनाक स्नेक था, सरप्राइज एलिमेंट बनेगा ऑन द स्पॉट एलिमेंट कर देंगे, काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आएगा ट्रैक्स भाई लेकिन ट्रैक्स मिर्जा इतने ओपन में मत रखो बिकॉज राइट में अपनी टीम नंबर 10 भी देखने को मिलेगी, टीम नंबर 11 ने जोन के अंदर आंसर कर दिया और मॉक का इस मैच के अंदर एलिमेंट आ जाएगा 2v1v1 यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। 2v1v1 फिलहाल के लिए आ चुके हैं, ट्रैक्स बाइक की तरफ को जोन यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, दोबारा से 13 मीटर जोन के अंदर जाना है, एल्फो का स्पॉट करेंगे, 1v1 हो चुके सिचुएशन दोनों तक एक दूसरे को स्पॉट करेंगे, ड्रॉप शॉट यहाँ पर देंगे सामने से यहाँ पर टॉमी शॉट दे जाएगा लेकिन यहाँ पर आपकी गाड़ी कर दी जाएगी बस अपने अल्फा भाई की तरफ से जो कि आपने डैमेज अपने एकेएम के द्वारा खुद ही दे दी थी, फायदा उठाएंगे उस चीज़ का, अल्फा आपको एलिमिनेट कर देंगे। 1v2 यहाँ पर हो जाएगा, एनबीटी क्या है यहाँ पर 1v2 का क्लच दिखा सकते हैं अल्फा भाई, अगर अल्फा भाई यहाँ पर 1v2 का क्लच दिखाएंगे तो सीधा पिज्जा चिकन आपके पास आ जाएगा और ये अगर आपके पास चिकन आता तो सेकंड चिकन आपके पास होने वाला है। पहले मैच की अगर बात करूँ 13 किल चिकन था, इसका मतलब एक रफ एस्टिमेट भी देखे तो 15 पॉइंट्स आपके पास चिकन के थे, 13 उसके पास आपके थे किल पॉइंट के, तो एक तरह की 27 पॉइंट्स आपने फर्स्ट मैच के अंदर ले लिए थे। सेकंड मैच का मेरे को याद नहीं आपके पोजीशनिंग क्या थी एंड किल क्या थे एंड उसके अलावा इस मैच की बात करें तो 11 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, मतलब 30 एंड 45 पॉइंट्स के आसपास अभी तक के लिए ले चुके हैं। अगर इस मैच का चिकन भी यहाँ पर आता है तो भाई साहब 50 पॉइंट्स यहाँ पर प्लस कर जाएंगे काफी अच्छे तरीके से, 50-55 के पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। एनबीटी की तरफ को यहाँ पर ट्रबल का इस्तेमाल स्टार्ट करना चाहेंगे, टॉमी यहाँ पर ले तो देंगे मिलेगी, यहाँ पर शॉट देंगे, रैंडम शॉट यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया अभी देख लिया हमारे हैनॉक के हैनकॉक के गेंद में लेकिन हैनकॉक यहाँ पर उठाएंगे फायदा, आपके हाथ से चिकन निकालेंगे लेकिन तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 पॉइंट्स ना सही 13 पॉइंट्स तो आपको फॉर श्योर सेकंड रैंक के मिलेंगे और सेकंड रैंक पे आप लिमिट हो जाएंगे, फर्स्ट रैंक लेके जाएगी अपने गजो और द कैरेट भाई के प्लेस, काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आएगा। स्टार्टिंग के दो गेम यहाँ पर काफी ज्यादा खास नहीं निकले थे बिकॉज स्टार्टिंग वाले मैच में तो उतरते एलिमिनेट हो गए, सेकंड मैच में थोड़ा सर्वाइव किए थे लेकिन नहीं गए थे लेकिन थर्ड मैच में जो रिकवरी रही है काफी अच्छी रिकवरी थी, यहाँ पर चिकन ने निकाली है लेकिन किल्स यहाँ पर ज्यादा बटोरे नहीं है, सिर्फ 7 किल्स देखने मिलेंगे, 7 किल्स इज नॉट द लेस किल्स लेकिन अगर आपको टेबल टॉप करना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़े से कम रह सकते हैं बिकॉज आपके दो मैच जो थे वो थोड़े से वेस्ट काइंड ऑफ गए थे, ज्यादा आपके पास नहीं थे, ज्यादा पॉइंट्स आपके पास नहीं थे, इस मैच में आपने अच्छी रिकवरी की तो आसपास इतना मेरे को लगता है 20-20 के आसपास, 25 तो मुश्किल ही कहना चाहूंगा, एक्जैक्टली 25 के आसपास ही पॉइंट होंगे बिकॉज 15 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, बाकी आप 6 के लिए यहाँ पर ले चुके हो तो 21 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, बाकी 4-5 पॉइंट आपके पिछले भी होंगे तो एक्जैक्टली आपके पास 25 के आसपास पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। बाकी एनबीटी का गेम प्ले कैसी बात करूँ तो काफी ओपी यहाँ पर गेम प्ले था, किल्स के यहाँ पर बटोर लेके थे 11 के लिए यहाँ पर सेकंड रैंक पे थे, थर्ड पे थे हमारे आईएनएक्स के प्लेयर, फोर्थ पे थे यूट्यूब प्लस, फिफ्थ पे थे एफएलएस के प्लेयर, सिक्स पे थे एजी के प्लेयर, सेवन पे थे फ्यूरी के प्लेयर, एट पे थे यूआई के प्लेयर, नाइन पे थे यंग गॉड के प्लेयर, टेन पे थे टीईएस के प्लेयर और इलेवन पे आते टीईएस एक्स गॉड के प्लेयर, 12 पे आते ARN6। मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूं अपनी टीम ARN6 के साथ क्योंकि जो गेम प्ले आपका कल था परसों था दैट वॉज एन ओपी गेम प्ले लेकिन जो गेम प्ले आज आप लोग दिखा रहे हो काफी ज्यादा मजा नहीं आ रहा गाइस आपका गेम प्ले में बिल्कुल भी, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट आपके गेम प्ले को क्या हो गया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी की टीम की बात करूँ तो 13 पाएंगे बोरोग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर, गाइस क्या हो गया, क्या हो गया तुम लोगों को भी, तुम लोग भी इतना अच्छा खेले थे आज क्या हो गया, इतना डाउनफॉल कैसे देखने मिल रहा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, लास्ट मैच अभी आपके पास है, गेम चेंजिंग मैच हो सकता है ये वाला। 11 पे आते हमारे आलिम भाई के प्लेस, 14 पे आते आलिम भाई के प्लेस, 15 पे आते लोकल के प्लेस, 16 पे आते वॉर बॉट, 17 पे आते आईजी के प्लेस, सी के प्लेयर, इसी के साथ होता है अपना थर्ड मैच यहाँ पर फाइनली खत्म एंड फोर्थ मैच की यहाँ पर रहती है बारी और फोर्थ मैच एंड द
final and the last match of this Bobagra Cup finals की तरफ से यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर अपना game changer यहाँ पर map रहेगा। तो देखते हैं कौन सी team chicken निकालेगी, कौन सा player यहाँ पर कैसा खेलेगा, कैसा game play आने वाला हो सकता है, वो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पता लगेगा। बाकी उसके लिए आपके पास पूरे के पूरे यहाँ पर 25 minutes देखने को मिलेंगे। तो guys फटाक से जाओ TDM वगैरह खेलो, अपने हाथ को रोकना मत, उंगलियाँ को चलने से रुकने मत देना, और फुल ग्राइंडिंग एंड ऑल करिए, फिर आपको अगले मैच के अंदर मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, और आपको सीधा 5 मिनट के अंदर आपको अगले मैच के अंदर अगली लॉबी के अंदर मिलेंगे। एग्जैक्टली गाइस,
ओके सो गाइस वी आर बैक विद आवर अनदर रूम जो कि हमारा रहने वाला है यहाँ पर लास्ट एंड द फाइनल रूम फॉर दिस बुबा बकरा कप एंड द फाइनल मैच एंड द फाइनल्स कर अपने होने वाला, बाकी लास्ट मैच यहाँ पर रहने वाला है। इसका मतलब पूरा गेम चेंजर यहाँ पर रहेगा, पूरा पॉइंट सिस्टम को ऊपर नीचे कर देगा अगर यहाँ पर कुछ नई टीम्स निकल के आती है, कुछ नया करके दिखाती हैं। बाकी उसके अलावा बात करें तो चल के बैठते अपने प्लेस पे, हम चल के वेट करते अपने प्लेस रूम के अंदर ज्वाइन होने का, बिकॉज हमारे साथ सिर्फ 12 ही प्लेयर्स अभी तक के लिए जुड़े। बाकी बात करूँ हमारे पास पूरे 7 मिनट्स हमारे इस मैच को स्टार्ट होने के लिए। लास्ट मैच विल बी द रैंगल मैच एंड बात कर ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो 1.2 के जोन श्रिंक के साथ फुल 3x लूट देखने को मिलेगी, तो इतनी भरपूर लूट होने के बाद लेट्स सी इस मैच के अंदर कौन सी टीम चिकन निकालना चाहेगी, बिकॉज अभी तक के लिए जो 3 मैच हुए तीनों मैच के अंदर अलग अलग टीम ने चिकन डिनर निकाले, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो सेम टीम रिपीटेड चिकन निकाली हो। तो फोर्थ मैच में देखते हैं क्या कोई रिपीटेड टीम चिकन निकाल पाएगी या फिर कोई नई टीम निकाल के चिकन दिखाएगी, तो वो यहाँ पर पता लेने वाली बात रहेगी। तो बाकी तब तक के लिए वेट करते अपने सबके ज्वाइन होने का, फिर सीधा रूम के अंदर चलेंगे गाइस।
ओपी लेट्स गो। कैसे गाइस, कभी भी हो सकता है अपना ये लास्ट मैच स्टार्ट अपने एलेक्स जब्रमा भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड है और आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं रहने वाला हूं, बिकॉज काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लास्ट एंड द फाइनल मैच यहाँ पर होगा और काफी ज्यादा गेम चेंजिंग मैच यहाँ पर रहेगा। बाकी बात करें हमारे इस टिप्रा एक्स बोरोक के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक मिनी टूर्नामेंट जिसका हमारा नाम है बुबग्रा कप का, यहाँ पर फाइनल्स का अपना फाइनल एंड द लास्ट मैच यहाँ पर रहने वाला है। एग्जैक्टली अपना रैंगल का मैच रहेगा और कितनी देर के अंदर स्टार्ट होगा वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज लास्ट मैच है तो शायद एक आधा मिनट डिले भी कर देंगे बिकॉज प्लेयर्स कोई बाहर ना रह जाए, बिकॉज लास्ट मौका आपके पास है गाइस। ये ब्रो अभी मजा आएगा ना बिडू। टीम मतंग इज सेटिंग स्लॉट नंबर 11। बड़ी 11 की अगर मैं बात करूँ तो पूरी पूरी टीम आ चुकी है मतंग की तरफ से। एग्जैक्टली लिमेंट्रिक्स के प्लेयर देखने को मिलेंगे, जेट भाई आ चुकी है तो बाकी स्क्वाड पूरी आ चुकी है ब्रदर। ओके सो वेल गाइज, अपने फाइनल एंड द लास्ट मैच का अपने प्लेन पाथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैच हो चुका है स्टार्ट। प्लेन पाथ की बात करें तो हमारा प्लेन पाथ मोस्ट वॉली मिलिट्री बेस की तरफ से चालू होता हुआ फार्म के सर के ऊपर से निकलता हुआ यास्नाय के द्वारा से होता हुआ स्टॉर्मर पे जाकर एंड होगा। लेट से देखने को फिलहाल के लिए टीम से आप कहाँ पर लेना चाहिए ड्रॉप लोकेशन, बिकॉज उन टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिनका ड्रॉप लोकेशन वेस्ट हो सकता है। वेस्ट अगर मैं बोलूँ तो जार की जॉर्जपुर शूटिंग ने हॉस्पिटल रूम्स गार्ड का क्वेरी फेरी पे एंड प्रीमॉस, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा गाड़ियों का इस्तेमाल जिसके कारण काफ़ी टीम या फिर काफ़ी प्लेयर्स स्टार्टिंग में एलिमिनेट होते देखने को मिल सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 18 टीम्स टोटल हमारे इस मैच के अंदर आई है, 71 प्लेयर्स अभी तक के लिए टोटल देखने को मिलेंगे। बाकी टीम ने ड्रॉप लोकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, नोवर प्रनॉय अभी तक के लिए मुझे पूरा का पूरा खाली देखने को मिलेगा। TSB की टीम जाना चाहिए हमारे मिलिट्री बेस की तरफ को, फेरी पेयर की तरफ जाना चाहिए हमारे NBD के प्लेयर्स, VOH के प्लेयर मुझे जाते देखने को मिलेंगे अपने फार्म की लोकेशन के ऊपर, और TES के प्लेयर भी मुझे फार्म की लोकेशन के ऊपर स्प्लिट लूटना चाहेंगे। बाकी FLS के प्लेयर मुझे जाते हुए तो देखने मिल रहे हैं, फिलहाल पोचिंग की तरफ को पोचिंग जाएंगे फार्म लूटिंग को पता लग जाएगा। UI के प्लेयर भी मुझे पोचिंग की तरफ जाते हुए देखने मिल रहे हैं। मिल्टा पावर पर जाना चाहेंगे अपने RIP का पूरा स्क्वाड, एग्जैक्टली जिसके साथ हमारे TES X
गॉड की यहाँ पर थोड़ी सी अर्ली फाइट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मिड रेंज यहाँ पर फाइट रहेगी, तो कितनी देर की फाइट की संभावना रहेगी देखने वाली बात रहेगी। मेल्टा अभी तक के लिए खाली है, शेल्टर के ऊपर एज यूजुअली अपने बोरो की स्पोर्ट्स के प्लेयर यहाँ पर स्प्लिट लूटना चाहेंगे, मेंशन की तरफ जाना चाहेंगे हमारे आईएनएक्स के प्लेयर, जो एज यूजुअली लिपोफका की तरफ मुझे अभी तक के लिए फिलहाल के लिए जाते हुए देखने को मिल रही है। और बाकी बात करूँ स्कूल की, तो स्कूल इस बार के लिए खाली है, बाकी एलएम मुझे स्कूल की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। रोजोक पर जाना चाहेंगे, फ्यूरी के प्लेयर एज यूजुअली पिछली बार की तरफ चरा भी, एंड एलिमेंट्रिक्स के जो हमारे प्लेयर है रोजो की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारी टीम मतंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी बात करो यासन पोलियान एज यूजुअली अपनी दो टीम जाना चाहेंगे, अपने तानोज के प्लेयर अगेंस्ट में आना चाहेंगे हमारे गुरु सीआरपीएफ के प्लेयर की यहाँ पर अर्ली फाइट थोड़ी सी यासना के ऊपर बनती हुई देखने को मिल सकती है। गजोर द कैरेट की जो हमारी टीम है पिछले मास का चिकन यहाँ पर निकाल चुकी है, यासना के ब्रिज के आसपास देखने को मिलेगी गाड़ी, लेकिन मुझ सॉरी थोड़ा सा दूर जाना चाहिए जितना मुझे देखने को मिल रहा है। आगे बात कर लेते हैं हमारे टीएनसी के प्लेयर की, तो टीएनसी के प्लेयर मुझे स्प्लिट पे कामेश की तरफ देखने को मिल रहे हैं। बेवन सेना वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, टीम नंबर 5 है का, टीम नंबर 5 एग्जैक्टली ब्रो, टीम नंबर 5 हमारे इस मैच के अंदर है। एआरएन के प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पोचिंग की ड्रॉप लोकेशन पे उतरे हैं, यूआई के अगेंस्ट में यहाँ पर अर्ली फाइट हो सकती है। यूआई एक टीम यहाँ पर ऑलरेडी चिकन निकाल चुके हैं, इस पर के लिए 3 मैन स्टैंडिंग आया, 4th मैन आपके साथ अभी तक के लिए है नहीं है, ट्रकी हर्ष एंड निंजा के साथ देखने को मिलेंगे। अगर अर्ली फाइट की अगर मैं संभावना की बात करूँ तो अर्ली फाइट एक्सेप्ट फॉर पोचिंग की मुझे लगता कहीं पर बनने वाली है, लेकिन यासना पे यहाँ पर थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन ओके तो काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल यहाँ पर बन चुका है हमारे यासना के ऊपर भी, बिकॉज काफी ज्यादा क्लोजिंग यहाँ पर कर चुके हमारे गुरु सीआरपीएफ। गुरु सीआरपीएफ को यहाँ पर डाउन भी ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा, जैसे मैं गुरु सीआरपीएफ पे आऊंगा यूएमपी यहाँ पर चलेगी रोहन भाई की, पैरिस रोहन भाई की यहाँ पर 3x यूएमपी चलेगी, डाउन कर देगा, किला ऑन द स्पॉट सिक्योर कर दिया गुरु सीआरपीएफ का। तानस भाई यहाँ पर M416 लेके क्लोजिंग करेगी, टॉम यहाँ पर चलेगी यूनिक की, यूनिक आज से आपकी काफ़ी अच्छी टॉम यहाँ पर चलाएंगे, 20% आपको डाउन कर देंगे, ओपन में मत जाना, क्लोजिंग मत करना, काफ़ी गलत हो देगी सिचुएशन, हमारे यंग गॉड यहाँ पर डाउन कर देगा, क्लोजिंग यहाँ पर दे देगा, 1v1 हो जाएगा अपने रोन भाई के, इसमें यूनिक भाई है, यूनिक भाई यहाँ पर थोड़ा फॉल बैक करेंगे, यूजी यहाँ पर लगाएंगे रीलोड पर, टॉमी एंड यूजी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास है, यूजी आपने रीलोड लगा लिया, टॉमी आप रीलोड लगाओगे देखिए प्लेज यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करेगा, एक अच्छा टीवी भी लेते देखने का, रोहन भाई को यहाँ पर नॉकआउट कर देगा, लास्ट 3 मंथ स्टार्टिंग है, 2v1 हो चुका है, थानोस को डाउन कर देगा, लास्ट मंथ स्टार्टिंग है। मधुर की बात करूँगा, मधुर क्या आता है 1v3, क्या मधुर यहाँ पर 1v3 कर पाएंगे, हीलिंग के नाम पर तो काफ़ी अच्छा आपके पास देखने को मिल रहा है, गन्स के नाम पर यूएमपी एक सक्सेसफुली गन है, तो आप फाइट ले सकते हो, ट्रोबल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, केल से क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, हील करने का ट्राई करेंगे, लियोन ओपी यहाँ पर डाउन कर सकते हैं एक्जैक्टली, लेकिन अभी तक अपनी पोजीशन रिवील नहीं कर रहे हैं। रोहन की बात करो, रोहन भाई यहाँ पर थोड़ा फॉल बैक करेंगे, बिकॉज रोहन को कॉल आ चुके हैं पीछे आने को, ताकि रिवाइवल यहाँ पर दे सके सक्सेसफुली, लेकिन रोहन भाई जिस वॉल पर जाने का ट्राई कर रहे हैं वहाँ से आपको अभी तक रिवाइवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लियोन ओपी का पोजीशन पता लग चुकी है, लियोन ओपी का फुटप्रिंट जाते देखो मिलेगी, लियोन ओपी यहाँ पर चौकाना हो चुके हैं, इस चीज़ का फायदा उठाएंगे मधुर भाई एक अच्छा और सक्सेसफुल तरीके से रिवाइवल देते हो देखने को मिल सकते हैं। ओके लियोन ओपी यहाँ पर आएंगे, लियोन ओपी यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, स्पॉट करेंगे, शॉट देंगे मधुर भाई से पहले आपको नॉकआउट करने को, ऑन स्पॉट आपके पेटी यहाँ पर उठा देंगे, लास्ट 2 मिनट चाहेंगे, यूनिक को कॉल आ जाएगी, यूनिक को कॉल आ चुकी कि पीछे प्लेयर होल्ड कर रहा है, यूएल यहाँ पर दे रहा है, मधुर यहाँ पर फॉल बैक कर देंगे, रोहन यहाँ पर होल्ड करते देखे मिलेंगे, यूएल के अपने लूसी भाई को मैच के अंदर से एलिमिनेट कर देगा अपने पोर की तरफ से, जितना मेरे को देखने को मिला क्रिकेट के अंदर मधुर भाई यहाँ पर होल्ड करेंगे, जेट के ऊपर नॉकआउट कर देगा, टीआई की वायर की तरफ से वल्वर यहाँ पर कल से क्या करना चाहेंगे एलएम का, रोहन को एलिमिनेट कर देगा, लास्ट मंथ चाहेंगे मधुर के ऊपर आप क्लोजिंग देंगे, यूएम पर चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको मैच के अंदर से बैरल की तरफ से एलिमेट कर दिया जाएगा, जो कि हमारे टीम नंबर 16 की डॉन की जो हमारी टीम थी एलिमेट आपको कर देगी। आर टीम इज गेटिंग टारगेट वेरी बैड स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम एआरएन साइड, आई डोंट नो ब्रो वट स्ट्रैटेजी इज देयर फ्रॉम टीम एआरएन, या फिर किस स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर आए हैं, बिकॉज इस बार के लिए मुझे पोचिंकी के ऊपर उतरते हुए देखने को मिलेंगे, यूआई की टीम के अगेंस्ट में फाइट लेने जाएंगे, और यूआई की टीम अपनी लोकेशन छोड़ के भाग जाएगी, दैट्स एन वेरी बैड आइडिया फ्रॉम योर साइड जितना मेरे को देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर आपके लोकेशन के ऊपर अगर कोई आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फाइट लेना चाहिए और बुम्मा मचाने देने, अगर आपके ऊपर कोई आ रहा है तो इसका मतलब यू हैव योर किल्स विद यू, और आप उसको उठाए बिना यहाँ पर से फॉल बैक करते हो देखने को मिलेगा, तो आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज ल्यूसी को तो यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा ऑन द स्पॉट, ल्यूसी की यहाँ पर फाइट हो जाएगी, और लास्ट 3 मंथ स्टैंडिंग यहाँ पर काफ़ी तेजी के अंदर फॉल बैक करते हो देखने को मिलेंगे। बेवन सेना यार आपको यार इमोजीज ज़्यादा वो मत करो, आप स्पैम करोगे मतलब 4-5 इमोजी डालोगे तो नाइटबॉट अपने आप आपको टाइम आउट दे देता है, यार नाइटबॉट ने टाइम आउट दे दिया, शायद 5 ही सेकंड का होगा मोस्ट वाली। इस बार को देखो आई पे क्वांटम एपिक्स सेड यूनिक ओपी एंड टी डॉन बूसो जी गाइज, यार थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमारे डॉन भाई को मिल चुका, बिकॉज अपने टीम के अंदर से 2 प्लेयर को अपने गवा बैठे, बाकी ई एक्सॉड वाइटी वेलकम शिमरो, प्राइस पूल फॉर दिस टूर्नामेंट इज बड़ी 1k फॉर दिस होल टूर्नामेंट, मेरी लोकेशंस पे आने से ऐसा ही होता है,
मेरी लोकेशन पहने ऐसे ऐसे हो रहे गुरु सीआरपीएफ सर जी यार आपकी तो यार लोकेशन दी आसने पुलैने के ऊपर यार 4 किल आपने खाते में डाल तो ले लियो नोबी को गोवा बैठे गुरु सीआरपीएफ को गोवा बैठे लास्ट 2 मंथ अर्निंग अच्छा यहाँ पर खेले थे लेकिन गलत सिचुएशन में यहाँ पर फर्स्ट तो देखने को मिलेंगे। प्राइस पूल इज 1K टूर्नामेंट फॉर द 2 डेज टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन ब्रो एंड फाइनल मैच का फाइनल मैचेस चल रहे हैं और ये अपना फाइनल एंड द लास्ट मैच है अपने टूर्नामेंट का। इसके बाद अपना टूर्नामेंट एंड है। अगर आप भी अपने अगले टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने अपडेट्स बैक टू बैक आते रहते हैं और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैक टू बैक टूर्नामेंट जाते हैं, बैक टू बैक स्क्रिम्स जाते हैं, किसी तरीके की अपनी एंट्री फीस एंड ऑल नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बड़ी। एंड आप बदले में अपने साथ अपने सर्टिफिकेट्स एंड सर्टिफिकेट्स के अलावा आप अपने कुछ प्राइज मनीज एंड काफ़ी एक्सपीरियंस गेन्स कर सकते हैं हमारे टूर्नामेंट से। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट विद योर टीम एंड फुल यू कैन डू बूम मैम इन आर कस्टम्स एंड इन आर टूर्नामेंट्स बड़ी। बैक टू बैक अपने टूर्नामेंट्स होते हैं और जो अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है लास्ट मैच है अपना, लेकिन इस मैच का जो 2 डे टूर्नामेंट था इसका 1K प्राइस पूल था बड़ी। एंड दिस टूर्नामेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन आर हाइनेस प्रद्योग किशोरे मनकिया के बर्थडे पे अपना ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका हमारा बुबग्रा कप नाम है अपने टूर्नामेंट का मिनी टूर्नामेंट विच हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय अपने तिपरा एक्स बोरोक ई स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। गाइज गाइज अभी तक लिए जो भी स्ट्रीम पे अभी तक लेने हैं जिसने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो गाइज फटाक से लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन नहीं दबा दो जल्दी से सब्सक्राइब दबा दो बिकॉज 50 लाइक्स एक छोटा सा टारगेट देते हैं, 4 लाइक्स होते हैं तो जल्दी से 50 लाइक्स करा दो गाइज फटाक से भाई फाइट चल रही है दिखाओ जरूर मेरे जाए मैं एक बार रिप्लाई देता सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं आना चाहूँगा फॉर श्योर आपके फाइट के ऊपर ही वैर भाई की मुझे फाइट हो तो देखने को मिली थी। किल अपने खाते के अंदर 5 किल डाल चुके और उस वक्त ड्रॉप लोकेशन पे उतरे एक किल अपने प्लेयर को एक्जैक्टली अपने गवा बैठे फ्यूरी के गेंद में फाइट होते फ्यूरी के लास्ट में स्टैंडिंग मुझे देखने को मिलेंगे अपने सान FTW एज यूजली पिछली बार की तरह लास्ट में स्टैंडिंग बचे पिछली बार भी अपने सेम FTW बचे थे इस बार भी सेम FTW ही बचे लेट्स सी क्या होते हैं सिचुएशन हम देख ले होल्ड करना चाहेंगे 1v3 के सिचुएशन यहाँ पर कर तो देखने को मिल सकते हैं नहीं वो यहाँ पर पता लग जाएगा। टीम नंबर 10 मर गई। टीम नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ नो ब्रो टीम नंबर 10 हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड स्टिल सर्वाइविंग इन दिस मैच नॉर्थ लोकेशन पे अपने उतरे नोर जॉर्जियो पुल की एक्जैक्टली अपने हैनॉक भाई थोड़ा सा टीममेट से अपने अलग देखने को मिल रहे हैं IEX के पैर अपने सिटी की तरफ को जा चुके आराम से लूटपुट करते देखने को मिल रहे हैं। स्लॉट नंबर 13 ब्रदर फॉर श्योर स्लॉट नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ अपने ब्लड वैम्पायर वेनिक्स हो गए तो ब्लड वेनिक्स INX के पायरेट निक क्लॉज एंड किंग देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस की तरफ को लूट करके आया था आराम से ब्रिज पार करने के बिकॉज ब्रिज काम करने के लिए अभी तक के लिए कोई देखने को नहीं मिल रहा है। निक क्लॉज को आगे भेज दिया गया कि स्काउटिंग एंड ऑल करने के लिए नोवर प्रोय की तरफ के ब्रिज की तरफ को आते देखने को मिलेंगे। ओके तो गाड़ी वाड़ी से रोटेशन डाल तो देखने मिलेगी दिक्कत अभी तक के लिए आने वाली नहीं है। निक क्लॉज यहाँ पर पूरी पूरी गाड़ी लेकर निकल चुके अपने ब्रिज पार कर चुके बाकी 9-10 मिनट होने वाले पूरे इस मैच को स्टार्ट हुए पहला जोन यहाँ पर हो चुका स्ट्रेंगे होना स्टार्ट 16 टीम का स्टिल अलाइव इन दिस मैच इसका मतलब 2 ही टीम अभी तक एलिमिनेट हुए बाकी 54 प्लेयर्स अब देख ले सर्वाइव करते देखने को मिल रहे हैं। ARN OP की इस बार के लिए फाइट की संभावनाएं थी लेकिन उससे पहले अपने UI के प्लस काफी एग्रेशन के अंदर काफी तेजी के अंदर फॉल बैक कर चुके जो कि स्कूल के छोटे मोटे कंपाउंड की तरफ आना चाहिए लेकिन पीछे रेंज के अंदर मुझे अभी तक के लिए ARN के प्लेस भी आते देखने को मिले। अरे अरे पानी के अंदर कहाँ से पहुंच गए ओ दैट्स अ ग्लिच फॉर मी गाइज यहाँ पर क्या ही ग्लिच था मुझे समझ नहीं आया भाई। अरे ही इज सीरियसली इनसाइड द वॉटर वेर इज इनसेन यार इनके गाइज कोई भी स्ट्रीम पे बैठे इनके साथ क्या ग्लिच हुआ इनसेन भाई कहाँ पानी के अंदर घुस गए ओके गेट इन हो गया तो सीधा गाड़ी के अंदर अब आ गए काफी गलत ग्लिच देखने को मिला था बाकी इनसेन भाई यहाँ पर रोटेशन डाल तो देखने को मिलेंगे। फाइट यहाँ पर हो चुके दोबारा से एक प्लेयर को डाउन कर देगा एक और प्लेयर को लिमिट कर देगा यमरोग के प्लेयर के गेंद में फाइट हो जाएगी जो कि हमारे बोरो की स्पोर्ट्स के यहाँ पर प्लेयर देखने को मिलेंगे 2v4 की हो चुकी सिचुएशन एक्जैक्टली है यहाँ पर क्लोजिंग करने का ट्राई करेंगे थ्रोबेल का इस्तेमाल स्टार्ट करना कर दिया यहाँ पर इवैर भाई का नेट जाएगा अपने फेरोनिक के ऊपर फेरोनिक का नेट आएगा इवैर भाई के ऊपर दोनों प्लेयर को डाउन कर देगा ऑलमोस्ट 20 HP अभी देखिए प्लेयर सर्वाइव कर तो देखो मैंने दोनों प्लेयर यहाँ पर फर्स्ट एड यहाँ पर लगा ली गई है 2v4 की सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है पीछे से मुझे गनशॉट्स के बाद जाते तो मोस्ट वाली टीम 20 यहाँ पर फाइट लेने का ट्राई करेगी इसलिए अच्छे थर्ड पार्टी करते देखने को मिलते लेकिन थर्ड पार्टी सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। मेजिंग का यहाँ पर नेट जाएगा सक्सेसफुल नेट अभी देखिए कनेक्ट नहीं होगा क्लोजिंग यहाँ पर किया जाएगा LM की बात करूँगा LM एक अच्छी टीम भी लेते देखेंगे फाइट ऑफर की जाएगी एक प्लेयर को डाउन देगा इवैर भाई यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे लास्ट में स्टैंडिंग अपने LM लेकिन LM का शायद आई थॉट कि यहाँ पर पिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है देखने को मिल रहा है जिसके कारण
एलएम को स्पॉट कर लेंगे हमारे सर्विस और एलएम में अपन नॉकआउट कर देंगे, एक प्लेयर को नॉकआउट कर देंगे, दूसरे प्लेयर को नॉकआउट तो करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑन द स्पॉट इस मार्क करना चाहिए। हम लोग वाईटी की तरफ से ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देंगे, काफी गलत सिचुएशन हो तो देखने को मिलेगी। शो टीम यू आई, टीम यू आई इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फाइट एट द मोमेंट। स्कूल के आसपास वाले कंपाउंड्स पे देखने को मिले, आराम से लूट करने का ट्राई करें। हर्ष भाई के पास DP 28 एंड स्कारल देखने को मिलेंगे। ट्रिकी के पास अपने आ चुके मिनी 14 एंड AKM का कॉम्बिनेशन। निंजा की अगर मैं बात करूँ तो M416 एंड AKM के साथ देखने को मिलेंगे। रेंज के अंदर आ रहे हैं अभी भी मुझे ARN के पास, जो आराम से लूट करने का ट्राई करें। देखिए फिर अगर स्प्रे गॉड की बात करूँ तो 6-6 स्प्रे गॉड यहाँ पर रोटेशन डाल के स्कूल की तरफ जाते हो देखने को मिले। फिलहाल के लिए निकलना चाहूंगा अब थोड़ा सा ARN और अपने UI के गेंस के तरफ से। बाकी बात करूँ NBD के प्लेयर की तरफ को, NBD के प्लेयर मुझे मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्थ रोजो की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी देखिए 3 मैन स्टैंडिंग आया, 16 मैन, 1 मैन स्टैंडिंग को ऑलरेडी यहाँ पर डाउन लेके बैठे। बाकी बात करूँ INX के प्लेयर की, लेविनो प्लेस की, लेविनो के प्लेयर मुझे यासने पुलाने के ऊपर देखने को मिलेगी। यासने पुलाने पे यहाँ पर रोटेशन डाल गया है, पीछे गनशॉट्स की आवाज़ है, तो मुझे आपको आज डून पूछा डॉन पूछा भाई यहाँ पर गाड़ी बस करने का ट्राई करे, दैट वॉज एन स्पॉन कार, आपको फायदा नहीं देगा बिकॉज कोई टीममेट्स या फिर कोई प्लेयर्स वहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे। INX के पायरेट का यहाँ पर नेट जाएगा, BR के प्लेयर को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, FLS के प्लेयर को एक और डाउन कर देंगे। प्यारे प्यारे नेट यहाँ पर किए जा रहे हैं, दैट वॉज अ वंडरफुल नेट किए जा रहे हैं। फटाक से चलाता हूँ हमारे BR के प्लेयर के ऊपर, दो प्लेयर को डाउन कर देंगे। गलत सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी, क्लोजिंग यहाँ पर कर जाएगा पायरेट की तरफ से, क्लोजिंग यहाँ पर करेंगे। एक प्लेयर का किल सिक्योर कर लेंगे, दूसरे प्लेयर का भी किल सिक्योर कर लेगा सक्सेसफुली। बाकी दो प्लेयर की बात करो हमारे फायर एंड फायर के साथ साथ अपने अर्णव भाई की, एक अच्छे कंपाउंड के ऊपर होल्ड करते देखने मिलेंगे। मतलब फाइट की संभावना जो यहाँ पर रहने वाली है मिड रेंज एक तरीके से रहेगी। बाकी बात करो इसके अलावा तो 1v4 यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पर पता लग जाएगा। बस फायर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, फायर की पोजीशन भी यहाँ पर रिवील हो चुकी है। स्प्रे यहाँ पर डाउन कर देंगे हमारे INV के सूरज भाई को, डॉन बूचा को डॉन कर देगा। यहाँ पर आपने बग्गी लेके आने का ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आप नॉकआउट अपर हो जाएगा, काफी ज्यादा गलत हो जाएगी सिचुएशन। यहाँ पर अपने प्लेयर के ऊपर, अपनी टीममेट के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रेशर आपने डाल देंगे बिकॉज आप यहाँ पर नॉकआउट भी हो चुके हो। बाकी 3 मैच स्टैंडिंग यहाँ पर बचते हैं, 3v4 के आ चुके सिचुएशन। TSB के किंग को डाउन कर देगा अरुणा भाई की तरफ से, INX के यहाँ पर स्प्रे चलेगा, साहिल भाई को डाउन कर देगा। साहिल भाई की बात करो थोड़ी सी फाइट होते देखे मुझे, लोकल के फ्लिक्स पर डाउन कर देगा अपने ARN के प्ले के, तो ARN पर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पर अगले फाइट की संभावना बनते देखने को नहीं मिलती। ARN यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, शॉट यहाँ पर देंगे ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से पूरी पूरी टीम को एलिमिनेट कर देगा। इसके लोकल फिक्स का इस मैच के अंदर से एलिमिनेशन आता देखने को मिलेगा। क्लोज इन हो गया था अर्नब भाई के ऊपर, जैसा मेरे को देखने को मिला था। जैसे मैं अर्नब भाई पे जाना चाहूँगा उससे पहले अपने अर्नब भाई को ही शायद एलिमिनेट कर देगा। एक्जैक्टली टीम ऐसे FLS एज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड अपने ब्लड वाम 1XOP की तरफ से 13 रैंक पे एलिमिनेट कर देगा। टीम नंबर 11 फॉर श्योर दिखाना चाहूँगा मेरे जान टीम नंबर 11 को। टीम नंबर 11 के अगर मैं बात करूँ, टीम नंबर 11 हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड, ब्लड के प्लेयर को भी एलिमिनेट कर देंगे। किंग यहाँ पर मुझे फाइट होते देखने को मिले थे, किंग यहाँ पर अभी किले सर्वाइव करे, एक अच्छे कंपाउंड के ऊपर आ चुके हैं, 4 किल अपने खाते में डाल चुके हैं। अपने दो प्लेयर को गवा बैठे, पायरेट को भी एंड अपने ब्लड 1XOP को, ब्लड 1XOP जो यहाँ पर नॉकआउट हो गए थे एलिमेंट कर देंगे भाई टीम नंबर 17। गलत हो जाएगी सिचुएशन, 6 किल अपने खाते में डाल चुके हैं। M24 यहाँ पर 5-6 शॉट देने ट्राई किया जाएगा, एक रिफ्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जोरम का सक्सेसफुल रिफ्लेक्स नहीं लेगा बिकॉज पिक्सल वापस स्पॉट नहीं किया जा रहा है अगेंस्ट की टीम की तरफ से। टीम नंबर 15 ऑल्सो हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड बड़ी। टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 15 दोनों की दोनों इस मैच के अंदर से थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेशन ले चुकी है। बट गाइज ओनली एंड ओनली जस्ट 2 more likes फॉर 50 likes, जल्दी से 50 likes करा दो गाइज। 10 की वॉचिंग इज गोइंग ऑन, जल्दी से लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ गाइज। फटाक से 50 likes एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 50 likes जल्दी से करा दो गाइज, ओनली एंड ओनली जस्ट 2 more। TNC पे मैं थोड़ा सा चलना चाहूंगा बिकॉज TNC के पर मुझे अभी तक के लिए फिलहाल के लिए यासना के साइड वाले पेट्रोल पंप की तरफ देखने मिलेंगे। स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं रोहित भाई के प्लेस को, लेकिन रोहित भाई अपने एक अच्छे कवर के अंदर आ चुके हैं। स्कल को यहाँ पर गवा बैठे, लास्ट मैच स्टैंडिंग अभी तक के लिए सर्वे कर रहे हैं रोहित भाई। और बाकी बात करो अपने वोटेक्स की, वोटेक्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हो, तो पीछे यहाँ पर है, मुझे लगा कि यहाँ पर अकेले, लेकिन अकेले नहीं, यहाँ पर स्मोक ऑफ देंगे, थोड़ा सा फॉल बैक करना चाहेंगे। वोटेक्स भाई पीछे का विजन ब्लॉक कर दिया है, TESX गॉड यहाँ पर एक अच्छे कवर के अंदर आ चुकी है पूरी पूरी। पोर्टू भाई को गवा बैठी है, लास्ट 3 मैच स्टैंडिंग सर्वाइव कर रहे हैं। फ्यूविट्स हम FTW को कैसे बोल सकते हैं, रोजो के ड्रॉप लोकेशन पे उतरे थे, अपने 3 प्लेयर गवा बैठे थे, 1 किल अपने खाते में डाल चुके हैं, लास्ट मैच स्टार्टिंग अब तक सर्वाइव करें। ड्रॉप यहाँ पर लूट करना चाहेंगे फॉर श्योर, ड्रॉप के अंदर आपको मिल जाएगी AWM Level 3 गियर्स, एक टेक्टिकल शॉक एंड फर्स्ट एड। AWM छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, बाकी AWM अगर आपने ले भी लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसको यूज मत करना। बट अगर गलती से एक शॉट भी कनेक्ट हो गया, किसी को लग भी गया, चाहे हल्का सा डैमेज भी मिला, तो योर टीम विल बी गेट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस होल टूर्नामेंट। और फाइनल का ये लास्ट फाइनल मैच है, तो मेरे हिसाब से आपको ये गलती करनी नहीं चाहिए। आपने Level 3 गेज ले लिया, आपने फर्स्ट एड ले लिया, आपने टेक्टिकल स्टॉक ले लिया, आपने बैकपैक ले लिया, नॉट एन इशू, लेकिन आपको यहाँ पर AWM नहीं लेना चाहिए। गलती से अगर आपने चला भी दी तो
गलती से गलती हो जाएगी और पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी ड्यू टू योर मिस्टेक। बाकी M416 आपके पास है, फाइट की संभावना है तो फिलहाल के लिए आपके बनने वाली नहीं है। डॉन बूसो की बात करूँ, डॉन बूसो यहाँ नॉकआउट हो जाए थे, यूनिक हमने रिवर्ल दे दिया यासने पुलाने की तरफ को। थर्ड जोन की बात करूँ तो 20 सेकंड के अंदर हो जाएगा स्ट्रिंग की सर। निकलॉस यहाँ पर किंग के साथ देखने मिलेगा, लास्ट टू मन सारने के देखिए सर्वाइव करें। गाड़ी की रोटेशन आना स्टार्ट कर दी, गाड़ी के बाद आपको मोस्टली आगे भी शॉट देना यहाँ पर स्टार्ट कर देगी अगली गाड़ी को, लेकिन गाड़ी अपने फेरोनिक की काफी तेजी के अंदर निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले अपने निकलॉस का यहाँ पर शॉट कनेक्ट जाएगा, फेरोनिक को यहाँ पर डाउन देगा, फेरोनिक का ऑन स्पॉट किल सिक्योर कर लेगा। फेरोनिक की वजह की काफी गलत सिचुएशन, पीछे से कवर फायर आने का ट्राई कर सकता था, बाकी टीममेट्स यहाँ पर आए तो थे लेकिन फाइट में अच्छा कवर दे सकते। अमेजिंग बाई एंड अपने शेरजाव और पीछे यमरोग वाइटी भी आ जाएंगे, लेकिन मिड रेंज फाइट रही क्या यहाँ पर फाइट लेंगे यहाँ पर होल्ड करते देखेंगे। ओनली एंड ओनली जस्ट 12 टीम्स स्टिल अलाइव इन दिस मैच एंड 35 प्लेयर्स अभी देख के लिए अलाइव देखने को मिल सकते हैं। ओनली एंड ओनली जस्ट 1 मोर लाइक फॉर 50 लाइक्स। ओ माय गॉड, एक पेटी लूटने के लिए 3 बाइक, खतरनाक तरीके से सांप लेटे हुए। बाय गॉड क्या गलत सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है अगर गलती से किसी ने स्पॉट कर लिया मिड रेंज के अंदर। लेकिन मिड रेंज के अंदर स्पॉट करना कैसे एक सक्सेसफुल थिंग रह सकते बिकॉज एक अच्छे डिप आपके पास है। बाकी बात करूँ टीम नंबर 17 की यहाँ पर होल्ड करें। बाकी अब थोड़ा सा चलना चाहूँगा उन टीम्स को जो अभी तक के लिए कवर अप नहीं हो पाई है या फिर काफ़ी देर से नहीं देखे, जैसे टीम नंबर हो सकती है हमारे INX के प्लेयर, जो कि INX के प्लेयर अपने यासना पुलाने के ऊपर आ चुके हैं अपने लेविनो के टीममेट्स के साथ। एग्जैक्टली पूरी स्क्वाड आ चुकी है अभी तक के लिए, 0 किल के साथ सर्वाइव करे। सैक्स यहाँ पर फाइट लेने का ट्राई करें, लेकिन सैक्स के ऊपर क्रॉस शॉट आना ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ARN के प्लेयर्स की दोबारा से बात करें तो 4 किल अपने खाते में डाल चुके हैं, अभी देख लिए अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करे। बी के प्लेयर मुझे देखने मिलेंगे, UI के प्लेयर्स पर फटाक से मैं चला जाऊँगा बिकॉज काफ़ी देर से यहाँ पर देखा नहीं है। HUA जहाँ पर फिलहाल के लिए खेलने का ट्राई करेंगे। TES के प्लेयर्स की बात कर ले तो यासना पुलाने के पीछे से पूरा घूम के गॉड बिल्डिंग तरफ होते हुए सी अपार्टमेंट की तरफ को आके होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। जोन बन चुका है साउथ अपने यासना पोलियाने की तरफ को, एक्जैक्टली साउथ यासना पोलियाने की तरफ को तो जोन बन जाएगा। लेफ्ट से अगर मैं बात करूँ तो मुझे गॉड बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी टीम देखने मिलेगी, टीम नंबर 10 जो कि हमारे गजोर द कैरेट के यहाँ पर प्लेयर आ चुके हैं। अपने सुकुमा भाई को तो गवा बैठे हैं, लास्ट टू मैन स्टैंडिंग है। M24 यहाँ पर चलेगी, INX का पैरा से M24 का शॉट आएगा, नॉकआउट कर देगा जामी को, कल सिक्योर करने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको स्पॉट अभी तक के लिए पिक्सल नहीं दिखेगा, पिक्सल प्लेयर सारे के सारे कवर के अंदर आ जाएंगे जिसके उसका फायदा उठा जाएगा। रिवाइल देखिए यहाँ पर DP20 तक गेंद में चलेगी, M24 से दोबारा से रेडी हम चाहेंगे अपने रेडिएट्स को स्पॉट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिमी को यहाँ पर रिवाइल दे दिया गया। बात करूँगा रेडिएट्स की तो रेडिएट GP चला रहे कौन चला, तो रेडिएट्स ही प्लेयर है जो हमारे DP20 यहाँ पर चला रहा है, इससे लेके बैठा है। शॉट यहाँ पर देखें हैंगकॉक के ऊपर। बाकी गाड़ी की रोटेशन यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी है, यूनिक के प्लेयर यहाँ पर गाड़ी लेके आएंगे, क्लोजिंग करेंगे। यूनिक के प्लेयर को मोस्टली गन शॉट के बाद तो मोस्टली आ चुकी होगी सामने से M24 के राइट से DP20 के, इसका मतलब यूनिक को पता लग चुका है कि राइट में भी प्लेयर्स है और लेफ्ट में भी प्लेयर्स है। इधर थोड़ा सा फाइट मैनेजमेंट लेना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है अपने टीम्स के ऊपर बिकॉज लास्ट टू मंथ्स आएंगे, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। लेविनो के प्लेयर यहाँ पर एक अच्छा सा और एक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पर रोटेशन डालते हुए देखने को मिल सकते हैं। नॉर्थ यासना पोलियाने की तरफ को पूरा का पूरा नॉर्थ रोटेशन डालते हुए देखने को मिल रहा है। नॉर्थ रोटेशन डाल के जाएंगे, साक्ष अपनी टीम की तरफ से एक अच्छा स्काउटिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। TNC की यहाँ पर गाड़ी फोड़ दी जाएगी, TNC के वांटेड बाइक यहाँ पर नॉकआउट कर देगा, स्मोक पाथ यहाँ पर बना जाएंगे। लेकिन अच्छे जोन के अंदर तो आप अभी तक आ चुके, लेकिन आप एक गलत पिंच हो सकते हो बिकॉज आगे टीम नंबर 17 है, पीछे की अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 6 से, लेकिन टीम नंबर 6 से तो फाइट नहीं लगेगी, लेकिन टीम नंबर 17 से यहाँ पर बैक टू बैक फाइट होते देखो मिलेगी। शॉट्स आना स्टार्ट हो चुका है फिलहाल के लिए INX विक फ्यूरी को इस मैच करने से ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देगा और एक किल अपने खाते में डाल लीजिएगा। टीम नंबर 5 भी देखने मिलेगी, ARN के एक अच्छा कंपाउंड यहाँ पर होल्ड कर चुके हैं, कंपाउंड के साथ साथ एक अच्छे रिच को भी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर चुके हैं। पॉल एक अच्छे FPP पे यहाँ पर आएंगे, स्पॉट करने का ट्राई करेंगे, स्पॉटिंग अभी देखिए चालू है। UI के बेर की फाइट हो सकती है हमारे सैम FTW के अगेंस्ट में, लेकिन सैम FTW अभी देखिए अपनी पोजीशन रिवील करने का ट्राई नहीं करे। AW हमारे अपने M416 लेकर आराम से मस्त स्नेक बने हुए हैं। निंजा भाई ओपन द चार्ट अभी तक के लिए सर्वाइव करे, UI की टीम की तरफ से खेल रहे, एक्जैक्टली पूरी की पूरी टीम अभी तक के लिए सर्वाइव करे। एक पे को यहाँ पर लॉस हो चुका है ऑलरेडी, बाकी बात करूँगा इटर्नो YT को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जाएगा DP28 के द्वारा। निंजा भाई यहाँ पर एक अच्छा स्नेक तो बन जाएगा, INX के ब्रेक की फाइट हो चुकी है, INX के ब्रेक तो फटाक से मैं चला दूंगा बिकॉज INX के ब्रेक की मुझे थोड़ी सी सिचुएशन गलत होते देखने मिल रही है। दो प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी अपने गवा बैठे हैं, सैक्स यहाँ पर जोन के बाद सर्वाइव करेंगे। सैक्स की हो चुकी है गलत सिचुएशन, हीलिंग के नाम पर आपके पास दो फर्स्ट एड जाए, एक फर्स्ट एड तो आप लगा लोगे, दूसरी फर्स्ट एड भी आप लगा लोगे लेकिन जोन के अंदर नहीं पहुंच पाओगे, काफ़ी गलत हो जाएगी सिचुएशन, आपकी गाड़ी बस कर देगी। लेविनो की अगर मैं बात करूँ तो लेविनो ऑलरेडी जोन को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, इसका मतलब एक अच्छा एडवांटेज लेविनो भाई ले चुके हैं। अब आप क्यों जो सर्वाइवर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं आपकी टीम की तरफ से, वो हमारे लेविनो भाई बनते हुए देखने को मिल सकते हैं बिकॉज सैक्स का बचना मुश्किल है। आपकी गाड़ी के टायर एंड ऑल यहाँ पर पंचर करना स्टार्ट कर दिया गया है, उससे पहले लेविनो को स्मोक करके थोड़ा सा गाड़ी सेव कर लेनी चाहिए थी, लेकिन
गाड़ी टायर पंचर देखे, पीछे गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, वॉटेक्स बाइक की, वॉटेक्स बाइक यहाँ पर व्हीकल्स आते देखने मिलेंगे। जोन के अंदर जानते हैं कि जोन यहाँ पर पूरा पूरा साउथ यासना पुलियाना के नो मैंस ओपन लैंड पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। पूरा पूरा ओपन लैंड है, कवर के नाम पे सिर्फ ऑब्स्टिकल देखने को मिलेंगे, या तो थोड़ी छोटी मोटी बुशेज मिलेगी या फिर एक टीपी लेने के लिए घासों के, उसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली मेरे को उसका वर्ड नहीं पता है, घासों की टपरी में जिसे कहते हो, तो वो देखने को मिलेगी वहाँ पर। एक अच्छा टीपी भी लेते देखने मिलेगा। M24 यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही हमारे आयक्स बाइक की। बैक टू बैक यहाँ पर शॉट दिया जा रहा है, बैक टू बैक यहाँ पर डैमेज दिया जा रहा है, नॉकआउट दिया जा रहा है, लेकिन किल सिक्योर नहीं किया जा रहा है। सैक्स बाइक की बात करूँगा तो सैक्स बाइक यहाँ पर जोन के जाने का ट्राई तो कर चुके हैं, लेकिन हीलिंग के नाम पर ना बैंडेज आपके पास है ना फर्स्ट एड आपके पास है, ओनली एड्रेनलिन शॉट्स एंड आपको ड्रिंक्स देखने को मिलेंगी। स्पॉट कर ले जाएगा, डाउन कर देगा, बी के प्लेस की फाइट हो जाएगी, बी के प्लेस यहाँ पर डाउन कर देगा हमारे एक पे को यमरोग भाई। यमरोग भाई ने एक पैर से नॉकआउट दिया अपने पॉल को, कल सिक्योर करना चाहिए, राइट से क्लोजिंग करेंगे यमरोग भाई। यमरोग भाई ने यहाँ पर एक अच्छा सा नेट करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स सी क्या नेट करके क्लोजिंग करेंगे। स्मोक पाथ यहाँ पर बनाएंगे, अमेजिंग और रिवाइवल देना अभी तक के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग रह सकती है, लेकिन अमेजिंग और रिवाइवल देना अभी तक के लिए अनसक्सेसफुल है। गाड़ी लेकिन जाने का ट्राई तो करेंगे अपने शरीर जावा काफी एग्रेशन के अंदर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएंगे जिसके कारण आपके ऊपर भी शॉट करना स्टार्ट देगा, आपको भी अपन नॉकआउट कर देगा। और गलत हो जाएगी सिचुएशन यहाँ पर। यमरोग वाइटी की बात करूँगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग है, शॉट करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, जोन के अंदर भी आपको जाना, पांचवा जोन हो चुका है, शिखर साहब 22 मिनट जोन में जाना है, आगे हो चुके हैं ऑलरेडी हमारी टीम नंबर 9 के गेंद में यहाँ पर फाइट शॉट देने का ट्राई करेंगे। एक अच्छा रिज और एक अच्छा डिप आप लेके बैठी टीम नंबर 5, पूरी पूरी टीम आप लेके बैठी है। थ्रोवेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये थ्रोवेल आपके अभी तक के लिए लगेंगे नहीं, ये गाड़ी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज आपको दे सकती है अगर कोई इस गाड़ी के रेंज के अंदर आता तो, बिकॉज नेट से जो गाड़ी का रिफ्लेक्स यहाँ पर आया था ये गाड़ी से एक प्लेयर नॉकआउट हो सकता है, लेकिन अभी तक नॉकआउट नहीं होंगे, क्लोजिंग करेंगे। 1v4 की आ चुके सिचुएशन, यमरोग वाइटी का यहाँ पर 1v4 कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा पीयू भी रहना चाहूंगा, बिकॉज यमरोग वाइटी के जोन की तरफ जाना चाहिए। गाड़ी वाड़ी आपने उठा तो ली है सक्सेसफुली, एक अच्छे कवर के अंदर पहुंचे होगी, स्नेक आप बन जाओगे, अच्छा कवर आपके पास मिल जाएगा, लेकिन 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 आपको स्पॉट कर लिया जाएगा टीई एक्स गॉड के प्लेयर की तरफ से, और आपको ऑन द स्पॉट मार्च करना से लिमिट कर दिया, जो कि अपना स्नाइपिंग टावर का एक अच्छा हाइट एडवांटेज लेके बैठे हमारे प्लेयर्स। स्लॉट नंबर 19 हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस राउंड दक्ष बड्डी। बाकी बात करो टीजीएस के प्लेयर, टीजीएस के प्लेयर स्लॉट नंबर ये भी कि टीजीएस का भी मेरे को किसी तरीके का प्रीफिक्स देखने को नहीं मिला। मैं थोड़ा सा ड्रोन व्यू पे चलना चाहूँगा फिलहाल के लिए, बिकॉज ड्रोन व्यू की फाइट यहाँ पर कवर करने में मजा आने वाला, बिकॉज काफी सारी टीम यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए मैंने निकलॉस को कैसे बोल सकते हैं टीम नंबर 13 तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करते देखने को मिल रहा है। अभी देख लिया सर्वाइव करें, सोलो मैन स्टार्टिंग है, बाकी यहाँ पर जाएगी टीम नंबर 17 के राइट से अपने पे के ऊपर जाएगी, यहाँ पर थोड़ी लूटपाट ले लेंगे और निकलना चाहेंगे। बाकी यूनिक भाई अभी देख लिया सर्वाइव करें, डॉन भूसा भाई के साथ सेंटर शिफ्टेड यहाँ पर एक ड्रॉप आता देखने मिलेगा, सरकारी ड्रॉप रोहित भाई को लिमिट कर देगा, शॉट्स आते देखने मिलेंगे टीम नंबर 17 के ऊपर। बग्गी ले जाने का ट्राई करें, टीम नंबर 5 की फाइट जाएगी, वॉन्टेड भाई का डाउन देगा, बग्गी आपकी फोड़ जाएगी और नॉकआउट आपको कर जाएगा। लेकिन उससे पहले स्प्रे गॉड आपको स्पॉट कर लेंगे और ऑन द स्पॉट इस मैच करने से एलिमिनेट कर देगा, काफी गलत हो जाएगी सिचुएशन, ओपन में आप पकड़े जाओगे, जोन के अंदर आपको जाना है, एक प्लेयर डाउन करवा बैठे ऑलरेडी, डाउन करेंगे हमारे जोरम को, जोरम को किल सिक्योर करना चाहेंगे। बाकी बात करो गॉड 69 आएंगे, गॉड 69 यहाँ पर आएंगे, नॉक्स से लेन जाएंगे, वन वन नॉक्स को अभी तक शायद पता नहीं लगा, पीछे आ चुका प्लेयर, लेकिन नॉक्स भाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, नॉक्स भाई को कॉल आ चुके हैं, पीछे एक पेरे क्लोज में आपको आपको पेरे को डाउन देगा, ऑन स्पॉट एलिमेंट कर देगा। गॉड 69 यहाँ पर काफी अच्छा खेलते साबित होंगे, पीछे बात करूँ तो शॉट देना स्टार्ट करी टीम नंबर 9 की तरफ से, काफी अच्छा यहाँ पर खेल रहे थे ANS के पेयर इस बार ही, लेकिन गलत सिचुएशन में फर्स्ट देख मिलेंगे, नॉक्स यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, वन वन की फाइट देंगे, बारह बस की बारह फ्री फायर पर दिया जाएगा, लेकिन गॉड का बुलेट कनेक्शन काफी अच्छा आएगा और आपको ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर एलिमिनेट कर देगा, और इसके हमारे ANS का इजी पीसी तरीके से मैच के अंदर एलिमिनेशन आता हो देखने मिलेगा ऑलमोस्ट ऑन फिफ्थ रैंक। आगे बात करूँ चार टीम देखने मिलेगी, अभी भी शॉट देना स्टार्ट कर दिया हमारे गॉड डेक्सोबी के ऊपर, डेक्सोबी यहाँ पर अभी देख लिया सर्वाइव करे, डेक्सोबी यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी अच्छा खेल है, 13 किल्स यहाँ पर टीम किल देखने मिलेंगे, 7 किल अपने 69 ने डाल दिए, 4 किल अपने डेक्सोबी ने डाल दिए, डेक्स किल ओपी अभी तक अपने टीम में से थोड़ा सा अलग देखने मिलेंगे। DP20 लेके बैठे बूसो को यहाँ पर स्पॉट करेंगे, डाउन यहाँ पर कर देंगे, ऑन द स्पॉट यहाँ पर कर देगा, एक किल पॉइंट और अपने हाथ में डाल देंगे, काफी ओपी यहाँ पर गेम प्ले आ रहा है। लास्ट मैन स्टैंडिंग है, यूनिक, यूनिक की कॉल तो आ चुकी है, लेकिन यूनिक अभी तक अपनी पोजीशन रिवील करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। अब यूनिक भाई को जाना जोन के अंदर, बिकॉज सातवां जोन यहाँ पर रहने वाले, गाड़ी यहाँ पर ले लेंगे, जोन के अंदर जाना चाहेंगे, लेकिन आप जहाँ से जाओगे वहाँ पर ऑलरेडी टीम यहाँ पर देखने मिलेगी, गाड़ी आपके बस कर जाएगी, गाड़ी आपकी
जल्दी जाएगी, काफी बस और आपको इस मैच के नीचे एलिमेंट कर देगा, जिसके कारण आप जोन के एलिमेंट हो जाएगा। बाकी अच्छा कंपाउंड यहाँ पर होल्ड करके बैठे हमारी टीम 9 के बिल TES के बेकर जो जोन यहाँ पर मिल चुका, काफी अच्छा जोन यहाँ पर मिल चुका, डाउन जाएगा 69 को। लास्ट में सैंडी डेक्सोपी यहाँ पर जोन के बाद से आने का ट्राई कर रहे हैं, स्पॉट के जाएंगे, ऑन स्पॉट एलिमेंट कर देंगे। रेडिट्स यहाँ पर क्लोज नहीं रहेंगे, रेडिट्स यहाँ पर एक अच्छे जोन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन रेडिट्स को अगले जोन के अंदर भी जाना है। लेकिन जो जोन यहाँ पर है सेंटर शिफ्टेड जोन यहाँ पर जा चुका है, जोन के अगर मैं बात करूँ 7 मीटर जोन के जाना है। अगर गजोर दे प्लेयर की बात करो, गजोर द कैट के प्लेयर की बात करो, 33 मीटर आपको भी जाना है, इसका मतलब 4v3 यहाँ पर आ चुका है। किल्स की बात करो 7 किल हमारे TS के प्लेयर के पास है, गजोर द कैरेट के प्लेयर के बाद हमारे 4 किल। पिछले मैच का चिकन डिनर लिया था हमारे गजोर द कैरेट के प्लेयर ने, इस मैच का चिकन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे यहाँ पर पता लगने वाली बात रहेगी। रेडिट्स वर्सेस कैरेट यहाँ पर फिलहाल के लिए 1v1 होता देखे मेरे दोनों प्लेयर को, एक दूसरे के प्लेयर यहाँ पर रिवील्ड है। स्मोक पाथ एक अच्छा आ जाएगा, पीछे से एक अच्छा कवर फायर आएगा, कवर टीमेट्स का मिलेगा, आईएक्स का एक अच्छा स्मोक पाथ यहाँ पर आपके ऊपर बनाएंगे। एक अच्छी वॉल यहाँ पर मुझे बनते हुए देखने मिलेगी टीम नंबर 9 की तरफ से, डार्ट वॉज एन वंडरफुल एंड सक्सेसफुल है, वॉल यहाँ पर बनेगी। लेकिन उससे पहले रेडिट्स भाई का प्यारा सा नेड आएगा और आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पर नॉकआउट कर देगा। लास्ट वोमन स्टैंडिंग है 2v4 की आती है सिचुएशन, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर एग्रेशन देखने मिलेगा। जेमी भाई यहाँ पर क्लोजिंग करने का ट्राई करें, हेल्प बॉय लेफ्ट से क्लोजिंग करेंगे, स्पॉट यहाँ पर करेंगे रेडिट्स, रेडिट्स की DP 28 यहाँ पर काफी ओपी चली थी, नॉकआउट यहाँ पर कर दिया गया था, दैट वाज अ वंडरफुल नॉक यहाँ पर आता, रेडिट्स यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे। लास्ट में सैंडी का पता लग चुका है, पूरी स्क्वाड यहाँ पर क्लोजिंग करेगी, रैंडमली स्मोक के अंदर स्प्रे दिया था लेकिन सक्सेसफुल स्मोक में स्प्रे नहीं लगेगी। पोजीशन यहाँ पर दे देंगे आईएक्स भाई अपनी, आईएक्स भाई के ऊपर शॉट दे देंगे, लेकिन आईएक्स भाई को भी ऑन द स्पॉट इस मैच के अंदर से एलिमिनेट किया जाएगा। और इसी के साथ एक एलिमिनेशन आता देखो मिलेगा टीम TES का पूरे तरीके से। ओके तो गजोर द कैरेट के प्लेस का पूरी तरीके से और TES निकाल के देगा इस मैच का पैरा से चिकन डिनर। 4 प्लेयर पूरे सर्वाइव थे, काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आता देखो मतलब 7 और 3 10 किल के साथ यहाँ पर चिकन डिनर निकाल लिए। सेकंड पे आते हमारे गजोर द कैरेट के प्लेस जो कि निकालते 4 किल। थर्ड पे आते हमारे TESX गॉड के प्लेस, 4 पे आते लियोन ओपी, 5 पे आते ARN6 के प्लेस, 6 पे आते हमारे NBD के प्लेस, 7 पे आए TNC, 8 पे आते TBS, 9 पे आते INX, 10 पे आते अपने BE के प्लेस, 11 पे आते फ्यूरी, 12 पे आते UI, 13 पे आते BR के प्लेस एग्जैक्टली, 14 पे आते लोकल, 15 पे आते एलिम के प्लेस, 16 पे आते RAP, 17 पे आते MTG, 18 पे आते यंग गॉड। इसी के साथ होता अपना मैच खत्म, चलेंगे अपने सीधा लॉबी के अंदर। ओके सो गाइस, लास्ट एंड द फाइनल मैच भी यहाँ पर खत्म होता है अपने बुबगरा कप के, विच हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय टिप्रा एक्स बोरोक ई स्पोर्ट्स के द्वारा। अपना मिनी टूर्नामेंट, 2 डेज टूर्नामेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, फाइनल भी यहाँ पर होते खत्म, लास्ट भी यहाँ पर मैच होता है खत्म। 4 मैचेज थे जो हमारे बैक टू बैक थे, 8, 9, 10, 11, कोई भी ऐसी टीम नहीं रही है जिसने 2 चिकन डिनर निकाले या फिर बैक टू बैक चिकन निकाले, सारी टीम्स नए नए चिकन डिनर के साथ निकाल तो देखने वाले। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन सी टीम या फिर कौन सी टीम एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पर रहेगी होल्ड, बिकॉज जो अपनी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपके आगे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टीम फर्स्ट रैंक पर रहने वाली, पहली बात तो मैं पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो बताऊँ वो इस हिसाब से रहेगा, आपके पॉइंट्स जो रहेंगे किल पॉइंट्स एंड पोजीशन पॉइंट दोनों को मिला के अपना पॉइंट सिस्टम बनेगा, और उस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से जो फर्स्ट रहेगा उसे मिलेगा 350 रुपीज़ का कैश प्राइस, सेकेंड पे जो रहेगा उसे मिलेगा 250 रुपीज़, थर्ड पे जो रहेगा 150, फोर्थ पे जो रहेगा 100, फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ अपने पोजीशन वाले को मिलेंगे 50 50 50। बाकी उसके अलावा टॉप 7 को सबको मिलेंगे सर्टिफिकेट्स ऑफ दिस मिनी टूर्नामेंट, इसके अलावा स्पेशल एक्सपीरियंस आपको मिला है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इससे मिली है। तो होप आप अगले टूर्नामेंट्स में भी सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, अगली बार भी फॉर श्योर आपको मिलेंगे। अगर अपनी मैनेजमेंट को, अपनी कास्टिंग एंड ऑल या फिर अपनी पब्लिक को कास्टिंग एंड ऑल पसंद आई हो तो फॉर श्योर आपको अगले टूर्नामेंट में भी मिलेंगे। इससे पहले अपना जो 20K टूर्नामेंट शायद हुआ था तो उसमें मैंने कास्टिंग करी थी, जितना मेरे को याद है अपने TIPRAX बोरोक स्पोर्ट्स का, क्योंकि इसी चैनल पर हुआ था, उसके बाद मैं नेक्स्ट इस मिनी टूर्नामेंट के आया हूँ, एंड जो पिछला मैच जो था वो शायद मेरा मार्च के आसपास हुआ था। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, जो भी स्ट्रीम पे अभी तक करना है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब बटन के बारे में जान तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार के लाल से ग्रे कर दो, लाइक नहीं किया तो मेरे जान फटाक से लाइक बटन दबा देना। अगर आपको मेरी कास्टिंग थोड़ी सी भी पसंद आई हो सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई यूट्यूब चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएंगी, कास्टर डिटेल्स, द मैड मैक्स गेमिंग है मेरा ओरिजिनल अगर मैं यूट्यूब नेम बोलूँ तो। बाकी उसके अलावा गाइस वेल अपना फाइनल मैच होता है खत्म यहाँ पर, ऑल द बेस्ट टू द एवरी टीम जो यहाँ पर खेली, और ऑल द बेस्ट टू द एवरी टीम प्लेयर जो भी अभी तक स्ट्रीम पे है, फॉर योर फ्यूचर गेमिंग, आपके गेमिंग के करियर के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी उसके अलावा बात करते हो गाइज अपना आता है स्ट्रीम को करने का एंड, यहीं पे करते हैं अपनी स्ट्रीम को बंद, मिलेंगे विद अ ब्रांड न्यू स्ट्रीम अब अपने अगले टूर्नामेंट के साथ या अपने स्क्रीम्स के साथ, वो आपको पता लग जाएगा इस चैनल के ऊपर। बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए और आप लोग डायरेक्टली अपने यमरोक बोरोक
नाम के चैनल से जुड़ सके एकदम मजे तरीके से। बूमा हम यहाँ पर डेली किया था, डेली अपने कसम होते हैं, बैक टू बैक अपने टूर्नामेंट्स होते हैं। एंड जो ये स्पेशल टूर्नामेंट था, मिनी टूर्नामेंट, वो बकरा कप गाइस इसका नाम था, ये मिनी टूर्नामेंट स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन आर हाइनेस प्रद्योग किशोर मनिक्या के बर्थडे के लिए। तो हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू वंस अगेन फ्रॉम माई साइड, बिलेटेड हैप्पीएस्ट बर्थडे अगर मैं बोलूँ तो, एक्जैक्टली बिकॉज हैप्पी बर्थडे तो निकल चुका, तो बिलेटेड हैप्पीएस्ट बर्थडे फ्रॉम माई साइड। एंड मिलेंगे फिर एकदम ब्रांड न्यू स्ट्रीम, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इतना सारा लव। ओके तो गाइस फिर चलते हैं, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड स्टे सेफ गाइस।